हेलो बच्चों, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वनकम। तो बच्चों, मैं विनय कुमार शूर आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त सेशन को लेके, जिसका नाम है बच्चों काइनेमैटिक्स। बच्चों, काइनेमैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आप लोगों ने 9th 10th में काफी कुछ ऑलरेडी सीख रखा है, लेकिन जैसा बच्चों विनय सर आपको हर बार बात बताते हैं कि टमाटर अब थोड़े बड़े हो गए हैं, तो बच्चों नो डाउट हम कुछ चीजों को दोबारा रिविजिट करेंगे। आप लोगों को मजा भी आएगा जो आप 10th में कर सके हैं, आपको उसका एडवांटेज भी मिलेगा। लेकिन बच्चों, ये विनय सर का वादा है आपसे, आज के सेशन में भी इतना कॉन्टेंट आप सीख के जाएंगे और जब ये सेशन समाप्त होगा तो आपके चेहरों पर एक अलग ही मुस्कुराहट होगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार मुस्कुराहट मुझे अभी भी दिखा दो। सेशन के एंड की गारंटी मैं लेता हूं, तो सेशन की स्टार्ट की जो है बेटा जिम्मेदारी है आप लोगों को लेनी है, तो एक बार मुझे मेरे टमाटर अपने चेहरे दिखा दो, स्माइल दिखा दो, जय माता दी कर दो, विनय सर को अटेंडेंस लगा दो और विनय सर को बता दो कि टमाटर आ चुके हैं। तो कौन कौन आ चुका है? वी हैव भवेश, वी हैव गेमिंग जोन, नाम बड़े जीप जीप से रखते हो यार, ओजस भैया, अर्णव भैया है ना, कुणाल, प्रेम, अतुल, निशान, सचिन, क्या बात है, नाम बड़े अजीब अजीब से बनाते हो यार तुम लोग, यार एकदम से अलग अलग से कूल डूड बने, है ना। स्वागत है भाई, स्वागत है, सब टमाटरों का स्वागत है ना। और सुनाओ, है ना, अरे काइनेमैटिक्स में तू देख बेटा क्या धूम मचाने वाला हूँ आज, वो आज का सेशन देख, आज का सेशन तो तुम लोग को मतलब ऐसी फीलिंग आएगी, तुम्हें समझ में आएगा कि आज तुम बड़े हो गए हो, फिर तुम्हें ये फीलिंग आएगी थोड़ी सी कि हाँ यार मतलब ये साइंस अच्छी है, साइंस अच्छी है, ये मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ। ठीक है, बहुत मजा आएगा जी, बहुत मजा आएगा। और राहुल शर्मा जी आ चुके हैं, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, चलो ऑल वेल ऑल वेल ऑल वेल। और सुनाओ, सबसे पहले मुझे टमाटर में बता दो, ऑल वेल एट होम, आपके घर पे, आपके परिवार में सब बढ़िया, सब कुशल मंगल, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में ये बात बता दीजिए, फटाफट चैट बॉक्स में ये बात बता दो, सब बढ़िया, ऑल वेल एट होम, है ना। दादाजी आ चुके हैं बिल्कुल। अतुल कह रहे हैं सर स्टोरी सुनाओ, मैं आज स्टोरी तो नहीं सुनाऊंगा, मैं तुझे चल आज एक वो सुनाता हूँ कुछ, एक बड़ी अच्छी पोएम है, कल मेरे बेटे ने मुझे सुनाई और वो पोएम सुन के तो मेरे मन में ही मतलब गार्डन गार्डन हो गया सब कुछ, है ना। कल मेरा बेटा ही इज 3.5 ईयर्स ओल्ड और कल उसने एक बड़ी अच्छी पोएम अपने स्कूल में सीखी और शायद कहीं ना कहीं वो जो उसके मैम हैं वो भी शायद जानते हैं कि विनय सर को टमाटर बड़े पसंद है, तो उन्होंने ना इसको, 3 साल का है, इसको एक टमाटर वाली पोएम याद करवाई और इसको बोला कि पापा को सरप्राइज दियो और पापा को सुनाइयो। तो मैं तुम्हें उसकी दो लाइनें सुनाता हूँ, दो लाइनें उसकी बड़ी अच्छी उसने सुनाई कल मुझे, कहता है ओहो टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार, चींटी ने खाया बड़ा मजा आया, ओहो टमाटर बड़ा मजेदार, ओहो टमाटर, सभी शुरू हो जाओ चैट बॉक्स में, ओहो टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार, ये बहुत प्यारी बेटा पोएम मुझे कल लगी। तो चलो आज का सेशन हम एक टमाटर वाली पोएम से स्टार्ट कर देते हैं। चले चले टमाटर ओपी, टमाटर ओपी, टमाटर ओपी, चलिए चलिए चलिए। तो बच्चे आप खुश हो गए, आप खुश हो गए, है ना, अरे क्या बात है, चेहरों पे आ गई रौनक इनके। तो चलो बच्चों, मेरे टमाटर सब खुश हैं तो ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि मेरे टमाटर खुश हैं। अगर मेरे टमाटर खुश हैं तो मैं खुश हूं, मैं खुश हूं तो भैया मैं खुशी से पढ़ाऊंगा, मैं खुशी से पढ़ाऊंगा तो मेरे टमाटर भी खुशी से पढ़ेंगे, तो ओवरऑल हम दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करते जाएंगे, रेसिप्रोकेट करते जाएंगे, ठीक है। चलो 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 चलो, अच्छा हर्ष कह रहा है आई एम योर रेगुलर स्टूडेंट, तो बेटा थैंक यू सो मच, बढ़िया है, बस पढ़ाई करता रहे और क्या, है ना। तो चलो बच्चों फटाफट सेशन को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे। मैं क्विकली एक बार कुछ अपनी तारीफें कर देता हूँ बेटा, जैसे कि आप सब जानते हैं, वैसे मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, आप जानते हैं मेरी नेचर को, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ एंड हम्बल पर्सन, बट थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि हर बार कई टमाटर लगे मुझे पहली बार देख रहे हूँ, मुझे पहली बार सुन रहे हूँ, तो मैं एक बार अपने बारे में टमाटरों को बता देता हूँ। तो बच्चों, मैं हूँ आपका प्यारा विनय कुमार शूर, योर मास्टर टीचर इन फिजिक्स, पिछले कई वर्षों से फिजिक्स को फील्ड से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और बच्चों मैं ये आपसे हर बार वादा करता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं, एक भी सांस बाकी है, ये प्रयास जारी रहेगा। और बाकी बड़ा नेक दिल इंसान हूं, कई बच्चे फिजिक्स ओलंपियाड भी गए हैं, देयर आर 10 प्लस फिजिक्स ओलंपियाड सिलेक्शंस, कहते हुए मेरा सीना और भी चौड़ा हो जाता है ये बात की, लास्ट ईयर हमारे वेदांत ओलंपियाड स्कूल से जो कि एक स्पेशल चैनल बना था ताकि हम कंट्री के सबसे अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें, उससे 4 बच्चे फिजिक्स ओलंपियाड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों एम्स में रैंक 1 भी आ चुका है,
और मैं क्या बताऊं, 2 digits रिजल्ट्स भी आ चुके हैं जेई में, और अब दिनेश सर अपनी तारीफ और ज्यादा कर सके, है ना, अगले साल और टमाटर जब मिले मुझे तो मैं उसके अंदर 4 महीने और ऐड कर सकूं, नंबर और बढ़ा सकूं, तो उसके लिए तुम टमाटरों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। जेई चैनल पे बच्चों आ जाओ, मैं आपको ये वादा करता हूँ, आप सब समझदार बच्चे हैं, सब कुछ एक्सेसिबल है आप लोगों के पास, जो कंटेंट हम यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे बड़ी बात जो हमें सेटिस्फेक्शन देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट जो इस चैनल पे चल रहा है बच्चों, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको इस कंटेंट की क्वालिटी के मैच्ड क्वालिटी भी कहीं नहीं मिलेगी, ये विनय सर का आपसे वादा है, और ये बेटा पूरा मेंटेन किया जाएगा टिल द टाइम हमारे टमाटर हमारे साथ जुड़े हैं, तो जुड़े रहिए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है टमाटरों? यस सर, टमाटर बड़ा मजेदार, टमाटर बड़ा मजेदार, ठीक है, ओके। तो सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कोई बच्चा कह रहा है सर फिजिक्स ओलंपियाड, बेटा एवरीथिंग इज कवर्ड हियर, व्हाटएवर आई एम टीचिंग ऑन दिस YouTube चैनल इट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द थिंग्स, जेई मेंस, जेई एडवांस, फिजिक्स ओलंपियाड स्टेज 1, एनएसईपी सब यहां पे इंक्लूडेड है, और फ्यू स्टेज 2 प्रॉब्लम्स में आपको यहां पे करवाता रहूंगा, तो आप इस बात को समझो, अगर आप रेगुलर रहेंगे, अगर आप क्लासेस को टाइमली लगाते रहेंगे तो डेफिनेटली बच्चों आपके सारे एग्जाम्स निकलेंगे, और मैं इस बात पे बच्चों बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव रखता हूं कि जो टॉपर होता है वो हर जगह का टॉपर होता है, वो एक जगह का टॉपर नहीं होता, तो जो टॉप करता है वो बोर्ड में टॉप करता है, वो एडवांस में टॉप करता है, वो मेंस में टॉप करता है, वो केपी में फोड़ता है, वो फिजिक्स ओलंपियाड फोड़ता है, तो तुम्हें वो करना है, तुम समझ रहे हो, किसी एक पेपर में चिंता मत करो, सारे आपके एग्जाम्स बढ़िया हम फोड़ेंगे। इसके अलावा 15 करोड़ रुपए का फंड रेज वेदांतु ने किया है फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स जिनका इस कोविड टाइम में कुछ ना कुछ फैमिली में ऐसी मिस हैपनिंग हो गई, पेरेंट्स चले गए, या कोई ऐसा फैमिली का सोर्स का इनकम चला गया जिससे उन बच्चों की पढ़ाई अफेक्ट हो रही है। तो बच्चों वेदांतु ने, ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिखी हुई है इट्स helpindialearn.in बच्चों, तो बिल्कुल चैट बॉक्स में बेटा एक बार मैं चाहता हूँ बहुत ज्यादा तालियां, ठीक है ना, इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं बेटा हम क्यों वेदांतु से इतने सालों से एसोसिएटेड हैं, बिकॉज यहाँ पे जो कल्चर है, यहाँ पे जो फीलिंग है, जो हर वक्त ये थॉट रहता है कि हमें बच्चों का भला करना है, कोई भी ऐसा बच्चा छूट ना जाए, जो मैं आपके सामने बार बार ये बात बोलता हूँ, है ना बच्चों, लैग आ रहा है क्या बच्चे कह रहे हैं, लैग आ रहा है, इज देयर इज एनी लैग, आई गेस देयर इज अ लैग, लैग है क्या, ठीक है, अच्छा ये बीच में टाइम पास मारने आए क्या, नहीं, नो लैग, ओके नो लैग, तो ये हटते नहीं है लोग यार, अभी फाइनल से बीच में आया था, थोड़ा सा आया था, ओके, अच्छा मैं अभी देख रहा हूँ अरविंद सर का भी सेशन चल रहा है, ओके आज हमारे दो दो सेशन लाइव हो रखे हैं, क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है, डन 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 डन, अरविंद सर को मैसेज पहुंचाओ, विनय सर की क्लास स्टार्ट हो गई है, पहुंचा दो मैसेज, पहुंचा दो सर को, विनय सर का लेक्चर शुरू हो गया, अब बस बाय बाय करें सर भी और क्या, ठीक है, चलो 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 चलो, ठीक है, हाँ जी, ओके, तो गाइस आई गेस इट्स ऑल सेट, बीच में थोड़ा सा लैग आया था, अब ये सही है, तो बच्चों मैं आपको ये बात बता रहा था कि ये कहते हुए हमारा सीना और भी चौड़ा हो जाता है, मेरी छाती और भी चौड़ी हो जाती है जब मैं ये बात आपको बोलता हूँ कि यार वेदांतु वाकई बच्चों हर दिन रात ये कोशिश करता है कि किस तरह से हम अपने कंट्री के बच्चों को हेल्प कर सकते हैं अपनी एजुकेशन पे। आप देखो इस कंट्री के सबसे बेहतरीन फीचर्स जो प्लेटफॉर्म पे हैं वो वेदांतु के हैं, और सबसे मिनिमम कॉस्ट, बेस्ट फैसिलिटीज और मिनिमम कॉस्ट वेदांतु देता है। इसके अलावा YouTube फ्री ऑफ कॉस्ट वेदांतु चलाता है। इसके अलावा बच्चों 15 करोड़ का फंड रेज किया गया है टू हेल्प दोस पीपल। तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जा सकते हैं helpindialearn.in पे जाके, आप वहां पे लिंक पे आप वेबसाइट खुल जाएगी, वहां पे जाके आप आराम से देख सकते हैं कि वहां पे वेदांतु ने, आपके सामने सिर्फ एक नीचे लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको सबमिट करना है, आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, अगर आप उस प्रॉब्लम में है या आपके नोन में कोई बच्चा प्रॉब्लम में है तो आप उसकी डिटेल सबमिट कर दो, वेदांतु वहां तक उन बच्चों तक खुद उनको ट्रैक करेगा, खुद पहुंचेगा और उनको हेल्प करेगा फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में। सो दैट इज द बेस्ट इनिशिएटिव गाइस, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, है ना, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं हमें वेदांतु के आगे इसलिए पढ़ाकर बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज हमें ये हमारे घर जैसा लगता है, और जो कहते हैं ना कि विचार आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वही विचार बच्चों आप अपनी फैमिली में, आप अपने घर पे कैरी करते हैं, तो ये पॉजिटिव विचार जो है, ये पॉजिटिविटी आपकी फैमिली में भी हमारे, और डेफिनेटली ये हमारे बच्चों में भी आगे जाएगी बात, है ना, तो हमें तो हमारे गुरुओं ने यही सिखाया था, उनकी पॉजिटिविटी कुछ हमारे अंदर आई, और डेफिनेटली मैं भी चाहता हूं कि ऐसी जगह पे रहें जहां पे डेफिनेटली हमारे बच्चे भी कुछ पॉजिटिविटी सीखें और वो भी अपने लाइफ में, है ना, चीजों को आगे बढ़ाएं। यस सर, ओके, वेदांतु इज बेस्ट, बिल्कुल नो डाउट अबाउट दैट, नो डाउट अबाउट।
होता है। ठीक है, तो चलो बच्चों जरूर बच्चों तक पहुंचाना। तुम में से कोई भी बच्चा किसी बच्चे को जानता है जिसको जरूरत है, जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसका सारा खर्चा वेदांत उठाएगा। ठीक है, तो चलो मेरे टमाटरों ये थोड़ा सा काम विनय सर का कर देना। और इसके अलावा बच्चों आज जैसे आप जानते हैं आज ट्यूजडे है, कल हमारे अरविंद भैया का सेशन हो चुका है। ठीक है, एक सेशन उनका भी लाइव चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बोला सर को मैसेज पहुंचा दो, विनय सर का लेक्चर शुरू हो चुका है। ठीक है ओके, तो बच्चों काइनेमेटिक्स हमारा आज पहला लेक्चर है। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, लेकिन बहुत मजे के साथ। ऐसा नहीं है सिंपल टेंथ वाला, कुछ देखना आप काफी धमाल मचाएंगे आज के सेशन में। इसके अलावा बच्चों अरविंद सर की सेशन है कल हमारे सेट्स के ऊपर, देन सेट्स पे सेंटी एक मेंटी लेके आ रहे हैं अरविंद सर, लो अरविंद सर भी फाइनली मेंटी पे आ गए, मेंटी सर आते नहीं इतनी जल्दी। ठीक है, तो मेंटी पे आ गए हैं सर, तो सेंटी का मेंटी होगा, फिर मोहित सर का सेशन है, फिर मोहित सर का सेशन है, और फिर बेटा बेटा याद रखना थर्सडे को हम काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें हम हॉरिजॉन्टल मोशन रखेंगे। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली सीक्वेंस एंड सीरीज चलेगा, पीरियोडिक टेबल करेगा, आपको एक बार स्नैपशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, बाकी नोट्स में सेशन के बाद में आपको मिल जाएगा। यस सर, यस सर, ओके इट्स क्लियर, ओके फाइन 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 फाइन। नाउ ओके, नाउ बच्चों आ जाओ बोर्ड पे, अब फटाफट सेशन को शुरू करते हैं। अब हम करने वाले हैं हमारा लेक्चर काइनेमेटिक स्टार्ट, जिसके अंदर हम बेटा भर भर के मोशन के बारे में बातें करने वाले हैं। तो जैसे ये गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है ना, देख रहे हो ना एकदम से एकदम से गाड़ी उठ रही है, तो बेटा बिल्कुल इसी तरह से मुझे चैट बॉक्स में एक बार एनर्जी दिखा दो, है ना, प्यारी सी एनर्जी दिखा दो, और इसी एनर्जी के साथ अब हम सेशन बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं। घर पे बता दो विनय सर का लेक्चर शुरू हो गया है, किसी ने उठना नहीं है ना किसी ने उठना नहीं है, अब दो घंटे के लिए ढाई घंटे के लिए अब बुक दो, जो भी खाना पीना है पॉपकॉर्न रखने हैं, पेप्सी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक जो रखना है साथ में रख लेना, और बॉर्नविटा रखना है बॉर्नविटा रख लेना, टमाटर बॉर्नविटा पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेशन से उठना मत, पूरा सेशन लगाना, क्योंकि मजा इसी में आने वाला है, मजा इसी में आने वाला है ना। तो चलिए बच्चों अब टमाटर मोशन के ऊपर आने वाले हैं, काइनेमेटिक्स की कहानी स्टार्ट होने वाली है। देखो कितना प्यारा टमाटर है, उल गया बचाला है ना, खेलने के लिए बैलून्स पकड़े थे लाइफ में है ना कि मैं खेल लूंगा, मैं टमाटर को पता ही नहीं, उसका वेट ही नहीं है बेचारे का, खाता पीता ही नहीं है, कमजोर टमाटर बेचारा है ना, बैलून्स के साथ मोशन में आ गया और उड़ गया बेचारा। तो इसीलिए बेटा हाँ ध्यान रखना है ना, हाँ ऑनेस्टली बताऊं तो बेटा मेरे जो वाइफ है वो भी बड़े मतलब मतलब समझ रहे हो, जितने तुम्हें विनय सर दिखते हैं ना तो उतना ही माइनस में, तो ऐसा कई बार हुआ है बैलून्स गैस वाले नॉर्मल रिएक्शन जीरो, समझ जाओ आगे हाँ चलिए तो भाई शुरू करते हैं मोशन को, चलिए आइए रेडी हो जाइए। बट लेकिन बेटा ये बात मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, तुम लोग कहीं और मत पहुंचाना है ना, मेरी बात लग जाएगी नहीं तो, हाँ चलिए आइए। तो बच्चों अगर मोशन की बात हो रही है तो आ जाओ मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताओ, ये आदमी एक मेट्रो को बोर्ड करने वाला है ना, मेट्रो ट्रेन है आपके सामने, तो मुझे एक बात बताइए आप, आज हम मोशन के बारे में बात करने वाले हैं, चैट बॉक्स पे लिख के बताना ये मेट्रो आपको मोशन में लग रही है कि नहीं लग रही, अगर लग रही है तो यस बोल दो, नहीं लग रही तो नो बोल दो। अगर मेट्रो आपको यस यस लग रही, डिप्रेस टमाटर को कह रहा डिप्रेस, अरे डिप्रेस क्यों है यार, खुश है यार, चेहरा नहीं दिख रहा स्माइल कर रहा है, दिख रही है ठीक है, चलिए चलिए चलो 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 बड़ी अच्छी बात है चलो ठीक है। अब एक और स्लाइड आ रही है, अब मुझे एक बात बताओ, तुम मेट्रो के अंदर हो अब सब टमाटर मेरी मेट्रो के विनय सर के साथ आते हो ना, मेट्रो के अंदर आ गया, अब ये टमाटर है ये बेचारा सैड है उदास है लाइफ में है ना, अरे कहाँ चला गया है ना, हाँ है ना, ये टमाटर है बेचारा वो प्यारा सा टमाटर है, थोड़ा सा खल है, तो ये एक टमाटर है तुम भी मेट्रो के अंदर हो, ये तुम हो ये तुम्हें बना दिया, ये विनय सर के साथ ये इंजॉय कर रहे हैं ना टमाटर में। तो मुझे अब तुम बताओ, तुम अगर अगल बगल वाले टमाटर देख रहे हो, टमाटर इज वॉचिंग टमाटर तो क्या टमाटर मोशन में है, अगर है तो यस लिख दो, नहीं है तो नो लिख दो। अगर आप मेट्रो के अंदर चले जाओ और आप आसपास के टमाटर देखो, आसपास के लोग देखो, नहीं है ना दिख दिया तुम लोगों ने विनय सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा आप मुझे एक बात बताना, ये आसपास के जो घर हैं इधर से दिख रहे हैं अगर एक टमाटर अंदर से बैठ के, अब आप मेट्रो के अंदर हो, आसपास वाले घर देखो तो क्या वो मोशन में दिख रहे हैं, आप इस बात का जवाब दीजिए, ये जो आसपास के घर हैं क्या वो मोशन में दिख रहे हैं, यस और नो दिख रहे हैं ना, देखो पीछे जाते हुए दिख रहे हैं है ना, दिख रहे हैं सर। अच्छा अब विनय सर का एक और सवाल, क्या ये टमाटर वाकई सच में रेस्ट पे हैं और क्या वो घर वाकई पीछे जा रहे हैं,
एंड अब आंसर क्या होगा आप लोगों का? अब आंसर क्या होगा मेरे टमाटरों? अब बताओ बताओ। नहीं नहीं अरे सर, घर तो रुके हुए हैं, घर तो रुके हुए हैं, लेकिन हमें मोशन दिखाई दे रहा है, हमें मोशन दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आज का लेक्चर शुरू ही यहीं से किया जा रहा है कि भैया मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, कोई चीज मोशन में है या नहीं है ये हमें तब पता लगता है अगर हम कहां से उसे देख रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट ही लेक्चर का हमने बिल्कुल एकदम से बम्बार्डिंग के साथ किया है, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। तो आप देखिए इस बात को, अगर तो आप बाहर से खड़े होकर ट्रेन को देखेंगे तो हर टमाटर जो ट्रेन के अंदर होगा वो मोशन में दिखेगा। आप उन्हीं टमाटर्स को ट्रेन के अंदर जाके दिखेंगे तो वही टमाटर्स आपके रेस्ट पे दिखेंगे। तो कोई चीज मोशन में है या रेस्ट पे है ये वहां से पता लगता है जहां से हम उसे देख रहे हैं। और मेरे टमाटरों जिस जगह से हम देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पे हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो खुद ट्रेन है, और यहां पे जो ये टमाटर जो है ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इट इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो बच्चों व्हाट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच विल बी टेक होम, दैट रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। तो रिलेटिव टर्म्स का मतलब कि हम कहां से देख रहे हैं हमारा आंसर उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और इसी के साथ बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही हमारा काइनेमेटिक्स खत्म होगा ना हमारा रिलेटिव मोशन टॉपिक शुरू हो जाएगा। और रिलेटिव मोशन तो बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूं इतना धमाका करेंगे ना, आज नोट कर लो है ना, जीवन में ऐसा रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे ना कि तुम्हें लाइफ में प्यार हो जाएगा रिलेटिव मोशन से जब वो शुरू होगा, है ना। चलिए, एंड दे डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो जगह जहां से हम उसको देखते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ पॉइंट, यहां पे देखो डेफिनेशन भी इसकी दी हुई है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द मोशन इज ऑब्जर्व्ड। तो जहां से मोशन देखते हैं हमारा वहां से आंसर पता लगेगा कि कोई चीज मोशन में है या कोई चीज रेस्ट पे है। यस सर, यस सर, जय माता दी, यस सर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके। नाउ बच्चों ठीक है, जय माता दी, यस सर, चक दे फटे, जय माता दी कर दो फटाफट, जय माता दी कर दो। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बेटा बाकी बहुत सारे जो तुम एक्स्ट्रा डाउट पूछ रहे हो ना, ये डाउट मैं यूट्यूब पे नहीं ले सकता समझो इस बात को, है ना। हाँ ठीक है, ओके 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 ओके, डन 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 डन। चलिए अब बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम मोशन की बात कर ही रहे हैं तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन? तो ऑफिशियल डेफिनेशन मैं अब आपके सामने मोशन की दे रहा हूं। मेरे टमाटरों इस बात को आप सुनिए, व्हाट इज द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ मोशन? ए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन। अब मोशन वर्ड कब आएगा? बड़ी लॉजिकल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे अब ये टमाटर साइकिल चला रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा? जब वो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को चेंज करता जाएगा। अब ये चेंज हो रहा है अगर तुम बाहर से बैठ के देख रहे हो, अगर आप रोड के साइड पे खड़े होकर अगर आप देख रहे हो तो आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो इट इज विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो डेफिनेटली बच्चों ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जहां से बैठ के हम मोशन को देखते हैं उसको हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके ऊपर डिटेल में हम डेफिनेटली आगे जाके काफी बातें करेंगे। तो जहां से मोशन ऑब्जर्व किया जाता है उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर उस फ्रेम से बैठ के कोई चीज अपनी लोकेशन चेंज करती जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल इस फ्रेम पे अगर टमाटर के फ्रेम में देखें तो कार अपनी जो है, जो ट्रेन है, लोकेशन चेंज कर रही है, ऐसे इस फ्रेम पे बैठ के ये लोकेशन चेंज नहीं कर रहा तो उस फ्रेम के हिसाब से ये रेस्ट पे है। तो अगर हम किसी फ्रेम से किसी चीज को देखें और वो चीज अपना मोशन चेंज करे तो दैट इज अ मोशन, दैट इज अ मोशन। यस सर, जय माता दी, यस सर, करेक्ट है, ओके ओके, डन 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 डन। ओके बच्चों, अगर कोई कह रहा है कोई सीबीटी टेस्ट के बारे में बात कर रहा है, तो बेटा ये सीबीटी टेस्ट संडे को हो गया था हमारा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो vinay.sood@vedantu.com पे भेज दे, मैं वहां पे ले लूंगा, यहां पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। डन, यस सर, यस सर, ओके, डन डन, करेक्ट बात है, करेक्ट बात है, यस सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अब बच्चों हम मोशन की बात करने वाले हैं, तो कुछ फंडामेंटल्स हैं मोशन के जो आप सब सीख के आए हो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो आज मैं एक एक करके इनको सीखने वाला हूं, लेकिन मैं आपको बार बार ये वादा कर रहा हूं, आपको लगता है आप सीख के आए हो, सेशन पूरा लगाना, एंड तक लगाना, तुम्हें इतना कुछ कॉन्टेंट मिलेगा कि तुम्हें वाकई मजा आ जाएगा यार, तुम्हें फील आएगी आज सीखा है, तुम्हें ये फील आएगी आज सीखा है। यस सर, चलिए अब बच्चों एक एक करके सबको निपटाते हैं। सबसे पहले बात आती है डिस्टेंस की, ठीक है। तो बेटा बहुत सीधी सी बात है, आप देख सकते हो ये हमारी एक प्यारी सी इंसेक्ट है, यहां से चल के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गई। तो डिस्टेंस सबको पता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पार्ट डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल। तो कोई एक पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे आप इसे देख रहे हैं, जैसे ये आप देख रहे हो ये इंसेक्ट यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, ए से बी पॉइंट तक चला गया, है ना, ए से बी पॉइंट तक चला गया। तो इस पाथ का एग्जैक्ट लेंथ जो है, इस पाथ का जो एग्जैक्ट लेंथ है दैट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस, ठीक है।
तो अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे सर इसको कैसे मेजर करेंगे, सर बहुत सिंपल है, हमने सुना होगा छोटी क्लासेस में, सर हम यहां से ले लेंगे एक थ्रेड, उस थ्रेड को इसके ऊपर हम ऐसे करके पूरा ट्रैक पे बिछा देंगे और फिर बाद में पकड़ के उस थ्रेड को पकड़ के खोल के सीधा कर लेंगे, तो जो लेंथ दिखेगी दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, जो लेंथ दिखेगी दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। अब मैं आपसे जो बोलने वाला हूं मेरी बात को ध्यान से सुनना, सेशन पूरा लगाना, एंड तक लगाना, तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का तुम्हें एक मैं और सॉलिड मेथड दूंगा जिससे तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, तो डिस्टेंस हो गया, इट इज द एक्चुअल लेंथ, मतलब जो सच्ची मुची की लेंथ है, कई बार आप सुन चुके हो दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है, पूरी जो लेंथ है आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है, डायरेक्शन में कोई लेना देना नहीं है। डायमेंशंस इसकी होंगी L1 और जो यूनिट होगा इसका होगा वो मीटर, यूनिट जो होगा वो होगा इसका मीटर। जय माता दी चार बॉक्स पर लिख दें, सिंपल है, कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है। जय माता दी, चक दे फट्टे। यस सर, हाँ क्लास आज लंबी है, ढाई घंटे की क्लास चलेगी, आराम से बैठ के पढ़ते रहो फटाफट, है ना, आज लेक्चर शुरू नहीं हुआ, क्लास कितने की है, नॉनसेंस। चलो आ जाओ, अब बेटा बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। अब तुम्हें सब पता है यार, है ना, इसमें कई बार आप सुन चुके हो, तो भैया ये इनिशियल पॉइंट था, ठीक है, मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ। ये जो इंसेक्ट है ये यहां से चल के यहां पे आ गया, है ना, तो दैट इज इनिशियल पॉइंट, दैट इज फाइनल पॉइंट। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्ट वहां पे जाने का जो रास्ता, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखिए, ये मुझे बड़ा अच्छा एनिमेशन लगा, अब इस एनिमेशन को जरा ध्यान से देखिए। अगर एक इंसेक्ट देखिए जरा, अब ये नशेड़ी है, इसने नशा कर रखा है ना, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चलता जा रहा है, तो जो रेड एरो है, जो रेड एरो है ये आपको हर वक्त डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, लेकिन जो हमारा ब्लू एरो है, ये जो ब्लू एरो है ये आपको उसका पूरा डिस्टेंस दिखा रहा है। तो ब्लू इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस, रेड इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्प्लेसमेंट। चैट बॉक्स में लिख दो, जय माता दी, चक दे फट्टे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, हर वक्त एक डायरेक्शन है, हर वक्त एक डायरेक्शन है, हर इंस्टेंट पे एक एरो है ना, अगर इधर आ गया तो इधर हो गया, उधर चला गया तो उधर हो गया, देखो अभी जरा, है ना, रेड एरो का हर वक्त एक डायरेक्शन है। आप देखो जरा, अगर मैं यहां पे गया तो फाइनल ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, समझ रहे हो। तो ये जो एरो है ये एक यूनिक डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे रखता है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशन इसकी L1 T1 और डेफिनेटली द यूनिट इज मीटर, द यूनिट इज मीटर। ये माता दी, जय माता दी, डन 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 डन। सर बिल्कुल सही बात है, कोई इशू वाली बात नहीं है विनय सर, अरे कोई इशू नहीं है। अभी देखो बच्चों मेरे टमाटर क्या नजारे आने वाले तुम्हें, ठीक है। तो यार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का एक हल्का सा मैंने आपको दे दिया, यहां से पाथ जब पे पार्टिकल चल के आया, तो देखिए आप यहां से यहां तक, तो ये एग्जैक्ट लेंथ होगी डिस्टेंस, और ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये वाला, ये मेरा जो हो गया, ये मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यार ये बचपन में तुमने सारे इसके डिफरेंसेस सुने हैं, मैं एक बार क्विकली बता देता हूं। तो इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉन जीरो इवन इफ द पाथ इज क्लोज। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप किसी एक पॉइंट पे बेटा घूम के दोबारा वापस आ गए, आप जहां से चले दुनिया में घूमा फिरा और आप वहीं पे दोबारा आ गए, इसी पॉइंट पे इनिशियल और फाइनल लोकेशन कोइंसाइड कर गई, इनिशियल और फाइनल लोकेशन मेरे टमाटरों कोइंसाइड कर गई, जहां से चले घूम के वहीं वापस दोबारा आ गए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब इस बात को समझिए, क्लोज्ड लूप में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, लॉजिकल बात है, अगर आप यहीं पे और यहीं पे दोबारा वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, लेकिन जो डिस्टेंस रहेगा वो नॉन जीरो रहेगा, विच इज अ वेरी लॉजिकल सेंस। यस सर, यस सर, है ना, जय माता दी, जय माता दी बेटा, क्लियर है। विनय सर आ गया, बचपन में 50 बार पढ़ चुका है, और अब ये टमाटर आपको कह रहा है, देखो कितना गुल्लू मुल्लू तमातल है हमारा, अब ये तमातल कहता है कि सर जी अब आ जाओ, अब हम सवाल सॉल्व करेंगे, अब हमें सब आता है। यस सर, यस सर, करेक्ट, डन डन डन। अरे कोई चीज अगर जीरो है, कोई चीज अगर जीरो है तो मतलब कुछ भी नहीं है, ना वो डिस्टेंस है ना वो डिस्प्लेसमेंट है, जीरो का मतलब क्या है, कोई बच्चा पूछ रहे सर जीरो क्या होगा, जीरो मतलब कुछ चला ही नहीं ना। कुछ है ही नहीं, जो कुछ है ही नहीं दुनिया में, है ना। जीरो तो फिर ब्रह्म है बेटा, भगवान, नहीं नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया, भगवान जी है, मतलब दिख ही नहीं रहा, मतलब जीरो को क्या बोलोगे, कुछ भी नहीं है ना। चलिए ये क्या खा पी के बेटा आ जाते हैं बीच में, कुछ भी है। चलो आ जाओ सवाल सॉल्व करते हैं बेटा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेशन पूरा लगाना, एंड तक लगाना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के और फाड़ू फंडे सेशन जैसे जैसे ग्रो होता जाएगा ना आपको समझ में आते जाएंगे, पूरा लगाना तो मजा आएगा। ए फार्मर गोज 500 मीटर नॉर्थ, 400 मीटर ईस्ट एंड 200 मीटर साउथ, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये तो दिख गया होगा कि सर यार ये तो ना कुछ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का क्वेश्चन लग रहा है, तो अपन एक विनय सर काम करते हैं, पहले बना ही लेते हैं। तो विनय सर ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है विनय सर वेस्ट, और नीचे वाला जो मेरा भाई है ये है साउथ। मुझे अच्छा लगेगा आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते खुद भी सॉल्व करें, और मेरे आंसर तक पहुंचने से पहले आपका आंसर चैट बॉक्स में आ जाए, मुझे देख के बहुत अच्छा लगेगा, बट सॉल्व जरूर साथ करें।
तो कह रहे हैं फार्मर गोज, मेरे ख्याल से पता है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबको पता है, ये फार्मर गोज 500 मीटर नॉर्थ, मेरे ख्याल से एक फार्मर आपका 500 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, कितना गया 500 मीटर आपका एक फार्मर गया नॉर्थ की तरफ, यस विनय सर, 400 मीटर ईस्ट गया, ओके यहां से बच्चों हम ईस्ट गए एंड दैट इज हाउ मच, दैट इज 400 मीटर है ना, 400 मीटर हम ईस्ट पे गए, 500 मीटर हम नॉर्थ पे गए एंड 200 मीटर बच्चों हम साउथ पे गए, 200 मीटर हम कहां गए साउथ पे गए, तो साउथ पे यहां से फिर उसके बाद आप साउथ आ जाइए और कितना नीचे आ गए मेरे टमाटर जल्दी बताओ, कितना नीचे आ गए 200 मीटर है ना, उसके बाद वहां से आप साउथ की तरफ आ गए, यस सर करेक्ट बात है मेरे सर, ठीक है। तो बच्चों आपसे पूछा गया है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो मेरे ख्याल से डिस्टेंस तो यार क्या ही है, डिस्टेंस क्या ही निकलवा रहा है बेटा आपसे, है ना, ये टमाटर दिख ही गया होगा आपको 500 400 200, विनय सर 500 मीटर, विनय सर 400 मीटर, विनय सर 200 मीटर, विनय सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 900 प्लस 2 दैट इज 1100, तो 1100 मीटर सर हो गया हमारा डिस्टेंस, तो या ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है, ये वाली को मैंने वैसे रिजेक्ट कर दी है ना, डिस्टेंस तो आ गया, डन डन सर। और डिस्प्लेसमेंट देनी है, आंसर मुझे सबने दे ही दिया, मुझे देख के बड़ा बेटा मेरा तो आज तुमने बेटा सीना चौड़ा कर दिया है, तो भाई ये 500 है तो मेरे ख्याल से ये 200 है, तो आपको अगर समझ में आ रही होगी बात है ना, ये 500 है ये 200 है, तो 5 में से अगर मैं 200 निकाल दूं, आई होप आपको दिख रहा होगा, तो दिस लेंथ विल बी है ना 300 मीटर और ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, ये 400 मीटर है ना, तो ये वाली जो लेंथ है ये 300 मीटर है, तो मेरे टमाटरों का आंसर दिख गया होगा, विनय सर ये तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है ना, तो ये जो लेंथ निकल के आएगी कितनी आएगी 500 मीटर, ये जो लेंथ निकल के आएगी समझ रहे हो, अंडर रूट, ये तो बिल्कुल ट्रिपलेट्स है पाइथागोरस के, तो 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर, 50,000 बार तुमने याद किया होगा ये वाला, तो है ना 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, दैट इज 500 मीटर, यस सर, यस सर। अच्छा अभी अभी गेम खत्म नहीं हुई, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, बट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी बच्चों आपको देनी है, डायरेक्शन भी आपको देनी है। अब डायरेक्शन कैसे निकलेगी देखिए, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, अगर मैं हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाल लूं है ना, एक तो देखो मतलब हमारा वैसे हॉरिजॉन्टल से निकालने का बेनिफिट नहीं है, देखिए मेरी बात को, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी जो दो ऑप्शंस प्रोबेबल हैं, जो प्रोबेबल ऑप्शंस हैं इनके अंदर डायरेक्शन में आपको आंसर ईस्ट ऑफ नॉर्थ दिया है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब समझ रहे हो, ऑफ नॉर्थ मतलब रेफरेंस नॉर्थ है, ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है, रेफरेंस नॉर्थ है, तो मतलब आप ये वाला एंगल निकालो मेरे बच्चों, ये वाला एंगल निकाल लिया, तो वैसे चलो आप ये भी निकाल लो आपको पता लग जाएगा, अगर मैं इस एंगल को बेटा ले लूं अल्फा, आप देखिए जरा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाद में हम इंग्लिश को संभाल लेंगे, टैन अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो किसके बराबर होगी 300/400, तो मेरे टमाटरों ये आ गया कितना 3/4, और अगर टैन अल्फा 3/4 होता है तो बेटा अल्फा की वैल्यू मैंने आपको बोला है याद कर लो, ये स्पेशल वैल्यू होती है, इसको हम बोलते हैं 37 डिग्री, इसको हम बोलते हैं 37 डिग्री, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं मेरे टमाटरों याद कर लो, अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी विनय सर कितनी 37 डिग्री। अच्छा अब ये कितना आया, अब ये कितना आया 37, और ये कितना निकला 90 में से माइनस कर दो 50 डिग्री, 53 डिग्री, 90 में से 37 माइनस कर दो 53 डिग्री, तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, ये वेक्टर 500 मीटर है और ईस्ट की तरफ जा रहा है ऑफ नॉर्थ 53 डिग्री, तो 53 डिग्री, हाँ तो देखो मेरे में तुम वही गलती कर गए, वही गलती, सॉरी बोलो चैट बॉक्स में जिन्होंने गलत आंसर दिया है ना, सॉरी बोलो आपका बी ठीक नहीं था, आंसर ए ठीक था, बहुत बच्चे बी लिख रहे थे, बहुत बच्चे, बेटा यही कहता हूं क्वेश्चन इजी होते हैं, क्वेश्चन इजी होते हैं, बस हम कई बार जल्दी कर बैठते हैं, ठीक है ना, हाँ अभी तो कुछ ऐसा बताऊंगा तुम्हें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन उसके लिए टमाटर को एंड तक पूरा मेन कोर्स देखना पड़ेगा, एंड में स्वीडिश दूंगा प्यारी सी है, हाँ अभी बहुत गलती करोगे तुम लोग, हाँ सो आंसर इज 1100 मीटर, करेक्ट बात, ठीक है 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ झुक गए 53 डिग्री, डन। जय माता दी चैट बॉक्स में बेटा यलगार कर दीजिए, जय जय माता दी चैट बॉक्स में यलगार कर दीजिए, करेक्ट बात, करेक्ट बात, कोई बात नहीं मेरे टमाटर, अरे शौरी ने कहना है यार, शौरी ने कहना, विनय सर बहुत प्यार करते हैं तुम लोगों से, ठीक है चलो बेटा सेम क्वेश्चन है, ठीक है जस्ट फॉर द कॉन्फिडेंस एंड द प्रैक्टिस वी आर डूइंग इट अगेन, क्वेश्चन सेम है, कुछ भी इसके अंदर नई बात नहीं है, एक बार कर लेते हैं जस्ट एज अ क्या कहते हैं, जस्ट एज अ बस मूड है, बस है ना, किसके लिए कर रहे हैं, मूड के लिए कर रहे हैं, तो देखिए यार डायरेक्शंस बना लो, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ही खिलवा रहा है आपसे, तो नॉर्थ साउथ ये सबको पता होगा, ये वाली डायरेक्शन ईस्ट है और मेरे टमाटर ये वाली जो डायरेक्शन है ये विनय सर वेस्ट है, ठीक है, तो आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक और कह रहे हैं मैन मूव्स 50 मीटर ड्यू साउथ, एक मैन 50 मीटर साउथ की तरफ गया, ठीक है विनय सर करेक्ट बात है आपकी, एक मैन 50 मीटर साउथ की तरफ गया, ठीक है विनय सर बिल्कुल सही बात बता रहे हो,
दूसरा बेटा 40 मीटर वेस्ट की तरफ गया, 40 मीटर मैन कहां गया, वेस्ट की तरफ गया। यस सर, बिल्कुल। इसके बाद यहां से कितना गया मेरे भाई, 40 मीटर गया वेस्ट की तरफ, करेक्ट बात है विनय सर। उसके बाद विनय सर क्या हुआ, 20 मीटर नॉर्थ की तरफ आ गया। उसके बाद क्या हुआ, 20 मीटर यहां से 20 मीटर, समझ रहे मेरा भाई, 20 मीटर नॉर्थ की तरफ आ गया, है ना। तो आपसे पूछा गया है क्या, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है, ठीक है, बच्चों ने आंसर दे ही दिया। तो मेरे टमाटरों आंसर दिख गया तुम्हें, है ना। तो तुम क्या करोगे, अच्छा अब ये वाली लेंथ क्या कितनी लोगे, जल्दी बताओ। ये 50 है, 50 में से 20 निकाल दो, सो दिस इज 30 मीटर, ठीक है। और ये वाली लेंथ कितनी आएगी, ये वाली लेंथ जो आएगी, ये आएगी कितनी, 40 मीटर, है ना। तो ये 30 है, ये 40 है, अभी हमने ये डिस्कस किया, ये जो है डिस्प्लेसमेंट, मेरे ख्याल से दिख गई होगी तुम्हें, ये पाइथागोरस थ्योरम है, दैट इज 50 मीटर। यस सर। तो ऑप्शंस, अरे क्या बेटा, ये तो बहुत बेटा, बहुत लॉलीपॉप, ऐसी ऑप्शंस मिलनी नहीं चाहिए, ये गलत है, ये अन्याय है बच्चों के साथ, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तो डायरेक्ट ही तुम्हें एक ही ऑप्शन आंसर दिया है, तो आप 50 मीटर अपना आंसर, बट हाँ मतलब इट हैज टू बी सम बेटर ऑप्शंस, बट चलो कोई बात नहीं। अगर ये 50 मीटर आ भी गया मेरे टमाटरों, आप एक बार डायरेक्शन ध्यान से निकाल लेना, तो मेरे टमाटरों अगर मैं इस डायरेक्शन को, अगर मैं ये वाला एंगल ले लूं अल्फा, अगर ये वाला एंगल ले लिया जाए अल्फा, तो बेटा टैन अल्फा वैल्यू किसके बराबर आ रही है, जल्दी बताओ, टैन अल्फा किसके बराबर आ रहा है, 30/40, तो दैट इज 3/4, कितना आ रहा है, 3/4, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री, या जो मुझे ऑप्शंस में दिख रहा है, टैन इनवर्स ऑफ 3/4, मुझे क्या दिख रहा है ऑप्शंस में, टैन इनवर्स ऑफ 3/4, 37 डिग्री लिख लो या टैन इनवर्स ऑफ 3/4 लिख लो, बात एक ही है। तो आप देख लो 50 मीटर टैन इनवर्स 3/4 साउथ ऑफ वेस्ट, है ना, tan inverse 3/4, अच्छा सॉरी ये वेस्ट ऑफ साउथ है, एक ही ऑप्शन है आपके पास, तो ये वेस्ट ऑफ साउथ है, हाँ, तो इसीलिए 4/3 आएगा, बिल्कुल। तो आप ये समझो बेटा, आप अगर इस एंगल को निकाल लो बीटा, आप इसको जरा समझने का प्रयास करो, इफ यू फाइंड दिस एंगल एज बीटा, ठीक है, मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड पे बना देता हूं। तो बेटा मेरी बात को समझो, ये है आपका 50 मीटर, ठीक है ना, ये इस तरह से कुछ सीन है, ये साउथ डायरेक्शन है, आप समझो बेटा ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। और अगर मेरे टमाटरों, अगर मैं इस एंगल को दे दूं बीटा, तो सीधी बात है बेटा, ये वाली जो लेंथ थी ये कितनी थी, ये 40 थी, और ये वाली जो लेंथ थी ये कितनी थी, ये 30 थी, ऐसे ही है ना मेरे टमाटरों, देख लो, सॉरी हाँ, तो ये 30 है, हाँ ये वाली वर्टिकल जो लेंथ है ये 30 है, हॉरिजॉन्टल वाली जो लेंथ है ये आपकी, हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है वो 40 है। तो टैन बीटा की वैल्यू मेरे टमाटरों कितनी आ रही है, 40/30, तो दैट इज टैन इनवर्स ऑफ 4/3, टैन इनवर्स ऑफ मेरे टमाटरों 4/3, और डेफिनेटली अब इसको क्या बोलोगे, टैन इनवर्स ऑफ 4/3 कहां से चला, साउथ से चला, और किधर घूम गया, वेस्ट की तरफ। तो आप अपना आंसर दोगे 4/3 वेस्ट ऑफ साउथ, 4/3 वेस्ट ऑफ साउथ, यस सर। बेटा जय माता दी, चैट बॉक्स में एकदम आग लगा दो फटाफट, ठीक है, आग लगा दो फटाफट मेरे टमाटरों, यस सर, क्या बात है, जय माता दी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सवाल है, ठीक है। अब जो मैं बताने वाला हूं ना, यहां पे गलती करोगे, पहले क्लियर कर रहा हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना गलती होने का स्कोप है, पहले क्लियर कर दिया। क्वेश्चन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हम एक काम करते हैं डायरेक्शंस बना लेते हैं, आ जाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है विनय सर, करेक्ट बात है, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, डन है विनय सर। क्वेश्चन क्या है, 6 मीटर वेस्ट चला, 8 मीटर नॉर्थ चला, ठीक है विनय सर, 6 मीटर मेरा भाई, 6 मीटर चला वेस्ट, 6 मीटर मेरा भाई चला वेस्ट, ठीक है विनय सर, 8 मीटर मेरा भाई चला नॉर्थ, 8 मीटर मेरा भाई चला नॉर्थ, ठीक है विनय सर, ये भी बात सही है, 6 मीटर वेस्ट चला, 8 मीटर नॉर्थ चला, ठीक है, डन है। अब क्या चला उसके बाद, 6 मीटर वेस्ट, 8 मीटर नॉर्थ, और 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स। तो बेटा अब मुझे बताओ, 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स का मीनिंग क्या है, इस पॉइंट से 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स चला, इसका मीनिंग क्या है, मुझे चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलो ठीक है, आंसर छोड़ो, मुझे इस बात का जवाब दो, 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, हाँ, वेल डन। अब इसमें बहुत सारे टमाटर, वेरी गुड, लव यू बच्चों, लव यू, शाबाश, जीते रहो, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे। अब कई बच्चे समझते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स का मतलब सर ये ऊपर ही है, मतलब 10 मीटर नॉर्थ की तरफ ही दे दो। कई बच्चों को लगता है वर्टिकली अपवर्ड्स का मतलब है सर ऊपर, तो ऊपर मतलब नॉर्थ, ऊपर है ना, तो ऐसे, तो ये बेवकूफी मत करिएगा, ये बेवकूफी कतई मत करिएगा। यस मेरे टमाटरों, ये डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि इस बात को आप समझो, ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है बेटा, ये जमीन पर है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये जमीन पर होता है, वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब जमीन के परपेंडिकुलर,
वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब जमीन के परपेंडिकुलर। तो अगर तुम जमीन को बोर्ड पे ले आए, अगर तुम जमीन को उठा के, ये जमीन है, ये हॉरिजॉन्टल है बट ये बोर्ड वर्टिकल है, तो अगर तुम जमीन को उठा के बोर्ड पे ले आए तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन जो होगी, किसी बच्चे ने सही लिखा, वो जेड एक्सिस पे होगी। तो एक्चुअली में ये देख के कुछ ऐसा लगेगा। सो दिस इज 50 meters इन दी, समझ रहे हो, ये जेड डायरेक्शन मतलब बाहर वाली, ये बाहर तो मैं वैसा दिखा नहीं सकता, ऐसा मैं दिखा नहीं सकता, है ना, है ना। हाँ, तो ये कुछ ऐसा निकल कर आएगा, ये कुछ ऐसा निकल कर आएगा। यस सर, यस सर, ओके। तो देर आर मल्टीपल वेज, देर आर मल्टीपल वेज टू डील दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक तो मैं काम करता हूं, आपको इसका थोड़ा बेटर रिप्रेजेंटेशन देता हूं। व्हाट इज द बेटर रिप्रेजेंटेशन? बच्चों आप ना, समझदार बच्चा पता क्या करेगा, वो ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को ऐसे दिखा देगा। अब देखो जरा, अब मेरी ये जमीन है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो आप इसको दिखा दो नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, है ना, और इधर वाला हो गया बेटा मेरा ईस्ट, और इधर वाला हो गया मेरा वेस्ट, है ना। तो ये तो सबको क्लियर ही है कि अगर मैं सामने ऐसे दिखा रहा हूं, तो अगर सामने तुम्हारी तरफ जेड पे नॉर्थ दिखा रहा हूं, तो मेरा जो राइट साइड होगा ये वाला मेरा ईस्ट बन जाएगा, और इधर वाला जो होगा मेरा वो वेस्ट बन जाएगा, ठीक है ना। ये तो ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, है ना, है ना मेरे टमाटरों, है ना। और इस अर्थ के साथ ही, इस अर्थ के साथ ही ये जो ऊपर वाली डायरेक्शन निकल के आएगी, ये वाली, ये मेरी वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन होगी, ये मेरी वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो आपकी बेटा इच्छा है, मतलब एक और डायग्राम मेरी तरफ से एक ऑप्शन है आप लोगों को, तो आप चाहें थोड़ा सा बेटर डायग्राम ऐसा दिखा सकते हैं। एंड जस्ट टू हैव अ बेटर विजिबिलिटी, है ना, व्हाट कैन आई डू, आई कैन फर्स्ट ड्रॉ अ क्यूबॉइड, ठीक है। आप एक क्यूबॉइड पहले बना लो, आपको थोड़ा सा और बेटर लुक आ जाएगा देखने में, और बाकी वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब आप बेटा जरा ध्यान से देखना, जरा अब आप जरा बात को ध्यान से समझने का प्रयास करना। सबसे पहले मेरे टमाटर गए कहां पे, सबसे पहले गए मेरे टमाटर कहां पे, 6 meters west, 6 meters west, तो कहां गए, यहां से आप ले जाओ, इधर यहां से आप ले जाओ 6 meters west की तरफ, 6 meters गए मेरे टमाटर कहां पे, वेस्ट की तरफ। फिर कहां गए जल्दी बताओ, फिर कहां गए, फिर गए 8 meters north, फिर गए 8 meters north, तो देखो जरा, है ना, अब 8 meters north, तो यहां से मेरे टमाटर आ जाओ आप 8 meters north, है ना, ये विनय सर ले आए, ये विनय सर ले आए 8 meters north ले आए, करेक्ट बात है। फिर कहां गए, है ना, नॉर्थ की तरफ आगे बाहर की तरफ, और फिर कहां गए वर्टिकली अपवर्ड्स, है ना, फिर कहां गए 10 meters वर्टिकली अपवर्ड्स, तो 10 meters वर्टिकली अपवर्ड्स मेरे टमाटर, ये वाला मेरा टमाटर जो गया वो ये गया 10 meters वर्टिकली अपवर्ड्स। तो आप समझ रहे हो ये ऊपर उठ गया। तो अब 3D में तुम्हें, है ना, डिस्टेंस तो बेटा निकल ही गया होगा ना, डिस्टेंस में तो क्या ही है, डिस्टेंस में तो हो ही गया सॉल्व, है ना, ये आपके पास आ गया 6 + 8 + 10, तो दिस कम्स आउट टू बी 24 meters, दिस कम्स आउट टू बी 24 meters। अपने को नहीं चाहिए, अपने को ये चाहिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट है मुझे ये निकालनी है, आई वॉन्ट दिस डिस्प्लेसमेंट। तो भाई ये जो मेरा S है, तो ये S इज माई डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा मुझे बताओ ये किसके बराबर है, ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, जल्दी बताओ मेरे टमाटरों, फटाफट बताओ। तो ये क्यूबॉइड बन गया, क्यूबॉइड की डायगनल है, क्यूबॉइड की डायगनल है, तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर अंडर रूट, तो मतलब 6² + 8² + 10² दैट इज 10√2, दैट इज 10√2, जय माता दी लिख दो चैट बॉक्स में फटाफट। सो दिस कम्स आउट टू बी 10√2, और बेटा आ रहा है समझ में, यस सर, जय माता दी लिख दो, एकदम से दिल बना दो प्यारे, दिल बना दो प्यारे, ठीक है, डन, यस विनय सर। अच्छा मैं एक और तरीका बताता हूं, ध्यान से देखना बेटा, आपको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट देनी है ना तो सिंपल वेक्टर फॉर्म में कर लो। आपका सबसे पहला वेक्टर कौन था 6, सबसे पहला वेक्टर कौन सा था 6, तो आप क्या लिखोगे 6i कैप। फिर आप अगला वेक्टर किधर आया बाहर को आया 8, बाहर की तरफ आया, क्या लिख दो 8k कैप, है ना, ये बाहर की तरफ आ गया। फिर 10 आप ऊपर उठ गए, अगर ऊपर वाली डायरेक्शन आप y बोलते हो, ऊपर वाली डायरेक्शन को अगर आप y बोलते हो, फिर आप कहां चले गए 10j कैप, तो मतलब आपके पास क्या लिखा हुआ है 6i कैप, 10j कैप, 8k कैप, और आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो मतलब मेरे ख्याल से मेरे टमाटर समझ गए विनय सर ने क्या करना है, अंडर रूट ऑफ 6² + 10², तो यहां से भी, यहां से मल्टीपल वेज है मेरे भाई, तुम बब्बर शेर बन जाओ मेरे, है ना, तुम्हें मैंने मल्टीपल तरीकों से प्रॉब्लम को हैंडल करना सिखा दिया है। यस सर, टमाटर आ रहा है समझ में, यस सर, है ना। हाँ, कोई बच्चा कह रहा है सर बोर्ड्स कैंसिल करवा दो, हाँ बेटा सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटा, ये मेरे मासी के लड़के बैठे हैं वहां पे, ये जितने भी वहां पे मिनिस्टर्स हैं सब मेरे मासी के लड़के हैं, मैं बस फोन करूंगा अभी तेरी क्लास के बाद, मैं कैंसिल करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, अब मेरा बहुत इज्जत करते हैं बेटा, मेरा बड़ा मतलब भुआ के बच्चे हैं वहां बैठे सारे, चिंता ही ना कर बेटा, थप्पड़ मार के कैंसिल कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा है, नॉनसेंस, कैंसिल करवा दो, मैं पढ़ा रहा हूँ, दिमाग लगा नहीं रहा,
कैंसिल करा दो, ठीक है ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैं पढ़ा रहा हूँ इतना सुंदर सुंदर, वहां दिमाग नहीं लग रहा, कैंसिल करा दो सर। ये बेटा कमाल है यार, ये नशे करके बैठे हुए हैं बस, है काम नाम है नहीं और जिंदगी में। आ जाओ आ जाओ। क्या यार और क्या करते हो यार तुम लोग, सही में यार आइटम लोग हो तुम लोग, बहुत ज्यादा नमूने हो नमूने। इसका आंसर दो यार फटाफट, इसका आंसर दो। चलो आप एक सर्कल में घूम रहे हैं, आप एक सर्कल में घूम रहे हैं मेरे टमाटरों, और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात आपसे पूछी गई है। सर्कल में घूम रहे हो तो बना दो मेरे बुगु मुगु, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेशन पूरा लगाना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। एंड में एक स्वीडिश है, वो स्वीडिश लेके जाना घर पे, ठीक है ना। अगर तुम्हें बब्बर शेर वाली फील है ना लेनी, तो बब्बर शेर वाली फील सेशन के एंड में आएगी, पूरा सेशन लगा के मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो आंसर आपने दे दिया। अगर आप पूरा सर्कल घूम रहे हैं तो जहां से चले घूम के वहीं वापस आ गए, तो एक फुल सर्कल में डिस्टेंस हो गया हमारा, डिस्टेंस हो गया हमारा पूरा सर्कल दैट इज 2πr, और डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई कितनी, डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो, डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो। करेक्ट बात है विनय सर, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। फुल सर्कल में आंसर आ जाएगा आपके सामने 2πr एंड जीरो। अच्छा अगर सेमी सर्कल होता, एक पार्टिकल अगर यहां से चल के सेमी सर्कल में आता रेडियस आर में पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो बच्चों मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताना डिस्टेंस क्या होता, डिस्टेंस क्या होता और डिस्प्लेसमेंट क्या होता, जल्दी बताओ डिस्टेंस क्या होता और डिस्प्लेसमेंट क्या होता, जल्दी बताओ यार। ये तो लॉलीपॉप है यार, ये तो लॉलीपॉप है, है ना, है ना। हाँ अरे सर क्या पूछ रहे हो विनय सर, सबको पता है सर, सबको पता है। हाँ डिस्टेंस होता, डिस्टेंस होता सर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2πr, तो बाय 2 दैट इज पाई आर, दैट इज पाई आर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती, डिस्प्लेसमेंट क्या होती जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होती मेरे भाई, मेरे भाई क्या होती डिस्प्लेसमेंट बता। डिस्प्लेसमेंट सर डायरेक्ट ये लेंथ होती, तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आती 2r, डिस्प्लेसमेंट निकल के आती 2r, निकल के आती 2r। अच्छा ओके डन डन, ठीक है जी ठीक है ओके आगे चलते हैं। अगर क्वार्टर सर्कल होता, अगर क्वार्टर सर्कल होता तो डिस्टेंस क्या होता, मतलब आप पॉइंट ए से चले, आप पॉइंट ए से चले मेरे टमाटरों और पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंच गए, पॉइंट ए से क्वार्टर सर्कल में, है ना, पॉइंट ए से क्वार्टर सर्कल में पॉइंट बी चले गए, तो मेरे टमाटरों मुझे एक बात बता दो, देन व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। चैट बॉक्स में लिख के बताना व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। सीधी बात है सर, हाँ सर क्वार्टर सर्कल है विनय सर, क्वार्टर सर्कल, तो सर क्वार्टर सर्कल में पूरे सर्कमफ्रेंस का, पूरे सर्कमफ्रेंस का बाय 4 कर देंगे, है ना, तो 2πr बाय 4 कर दो, क्या दिक्कत है, इसमें कोई इशू ही नहीं है, तो दैट इज पाई आर बाय 2। और डिस्प्लेसमेंट विनय सर, ले विनय सर क्या ही पूछ रहे हो यार, सर डिस्प्लेसमेंट होगी ये, तो यार ये लेंथ आ रहा है, ये लेंथ आ रहा है, तो ये तो बेटा मतलब आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाली जो लेंथ क्या होगी, ये रूट 2r होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। करेक्ट है, अरे विनय सर क्या ही पूछ रहे हो यार, क्या ही पूछ रहे हो यार, अरे और क्या। चलो अब मैं तुम्हें एक चैंपियन वाली बात बताता हूं, मैं तुम्हें एक चैंपियन वाली बात बताता हूं, ये पाई आर बाई टू कैसे निकला, ये पाई आर बाई टू कैसे निकला, मतलब ये तुमने याद किया हुआ है 2πr। अब सुनना मेरी बात, ये चैंपियन मोमेंट आ रही है, ये तुमने एक सर्कल के केस में लेंथ याद की हुई है 2πr। अगर बेटा मैं तुम्हें कोई और लेंथ दे दूं, कोई एक रैंडम ग्राफ दे दूं, है ना, और तुम्हें मैं बोलूं उसकी लेंथ निकालने सिखाओ, छोटे होते तुम बोल देते हो धागा रख दिया, धागे से निकाल दी, है ना, धागा खोल के सीधा कर लिया, धागे से मिल जाएगी। तो अगर तुम लोग बब्बर शेर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें आज ये सर्कमफ्रेंस का भी प्रूफ करना सिखाऊंगा कि ये सर्कमफ्रेंस कैसे निकलता है, ठीक है। कौन कौन खुश है, करना चाहता है चैट बॉक्स में लिख के बताओ, है ना, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा सेशन कंप्लीट करके एंड में स्वीडिश लिया मैंने आप लोगों को, ठीक है, डन डन। तुम इतने बब्बर शेर बन जाओगे, दुनिया के हर पाथ का डिस्टेंस निकालना सीख जाओगे, हर पाथ का डिस्टेंस निकालना सीख जाओगे। यस सर ओके गाइस ओके, नी 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 नी, खुश हो रहे हैं लड़के अपने चीखते, है ना। आज तुम मतलब तुम सोच नहीं सकते आज तुम क्या सीखने वाले हो, ठीक है, चलो चलो, पर बने बुरे रहो मैं ये बोल दूं। अच्छा अब आ जाओ, फुल सर्कल हो गया, सेमी सर्कल हो गया, क्वार्टर सर्कल हो गया, अब विनय सर एक आर्क है, अब विनय सर एक आर्क है, विनय सर अब एक आर्क है, ओके ओके। हाँ मासी के बच्चे हमारे मिनिस्टर है, बिल्कुल सर पेपर कैंसिल करा दो। क्या है यार ये सब नमूने लो, आयो बेटा पंजाबी बंदे ज्यादा पंगे मत लिया करो, मैं पहले बता रहा हूँ, हम वैसे ही बेटा गुस्से में मतलब समझ रहे हो। हम तो हमें तो बेटा मौका चाहिए होता है पंगे लेने का, आप हमें मौका दे रहे हो यार अपनी बेइज्जती करवाने, हम तो वैसे तैयार होते हैं बेटा,
आ जाओ यार वापस आ जाओ, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता यूट्यूब पे, आ जाओ। ए बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एक बॉडी सर्कल आर रेडियस में मूव कर रही है थीटा एंगल से। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो एक बॉडी आपका किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी चली गई, किसी पॉइंट ए से मेरे टमाटर पॉइंट ए से पॉइंट बी चली गई, कोई एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी चली गई और थीटा एंगल उसने सबटेंड किया हुआ है, थीटा एंगल उसने यहां पे, दिस इज एंगल सेंटर सी और थीटा एंगल वो सबटेंड कर रही है। तो मुझे बेटा एक बात बताओ, व्हाट इज द लेंथ, इस केस में लेंथ बताना बेटा किसके बराबर है, है ना, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ मेरे बात, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, डिस्टेंस किसके बराबर होगा। ये डेफिनेशन है बेटा एंगल की, द डिस्टेंस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर होता है, आर इंटू थीटा की, यस सर, यस सर, आर इंटू थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये प्लेन एंगल की डेफिनेशन होती है, थीटा होता है एल बाय आर, तो डेफिनेटली जो लेंथ होती है वो आर थीटा के बराबर होती है, जो लेंथ होती है वो आर थीटा के बराबर होती है, बिल्कुल भी नहीं सकते, सही बात है। और अगर मतलब मल्टीपल केसेस हैं तो अगर ये थीटा हमारा, जैसे पिछले केस में अगर ये थीटा हमारा पाई बाय टू हुआ, सोच के बताओ, अगर ये थीटा हमारा पाई बाय टू हुआ तो जो लेंथ होगी वो होगी आर इंटू थीटा, तो आर इंटू पाई बाय टू हमने लिख दिया है ना, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, तो पाई आर बाय टू आ गया आपका आंसर, करेक्ट बात है सर। तो आर थीटा ये तो आ गया सर हमारा डिस्टेंस, ये हम आगे आ गया सर डिस्टेंस। अब आपसे बेटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है, ठीक है, तो मेरे टमाटर, मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो ये लेंथ हुई ना, डिस्प्लेसमेंट तो ये लेंथ हुई ना, है ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब मुझे वो वाली लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो बच्चों ऐसा है कि इस क्वेश्चन को करने के कई मल्टीपल वेज हैं, ठीक है, मैं आपको सबसे स्पीडी वे बता रहा हूं, इसके बाद आप खुद ट्राई करना, जैसे कई बच्चे थोड़ा सा ज्योमेट्री जानते हैं तो एक साइन फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के अंदर, एक साइन फॉर्मूला होता है, आप काफी कुछ यूज कर सकते हो, आप वेक्टर्स को भी यूज कर सकते हो, मैं आपको सबसे शॉर्टेस्ट वे अभी बता रहा हूं, बाकी आप घर पे इसको जरूर ट्राई करना, ठीक है। तो आपको बेटा ये वाली लेंथ निकालनी है, विनय सर, विनय सर निकाल लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है सर। एक काम करते हैं, सिमेट्री से ना, मतलब इसको पकड़ के ना ट्राइंगल को खोल के सीधा कर दो, इसको ना पकड़ के जरा थोड़ा सीधा बना दो, थोड़ा बेटर लुक आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे बना देता हूं, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी गया और ये आर्क थीटा एंगल बना रही है और रेडियस जो है ये आर है, ये आर्क थीटा एंगल बना रही है, रेडियस जो है वो आर्क है, बिल्कुल भी नहीं सर, करेक्ट बात है ना, ए से बी गए, तो बेटा मुझे ये लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। उसी चीज को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, उसी चीज को मैंने पकड़ के यहां से बढ़ के टीचू करके थोड़ा सा सीधा करके दिखा दिया है ना, कोई इशू वाली बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ए से बी वाली लेंथ निकालनी है, एंगल थीटा रेडियस आर्क, करेक्ट बात है विनय सर। तो बच्चों एक काम करते हैं, अगर ये पूरी लेंथ को एक्स ले लें, ये पूरी लेंथ को एक्स ले लें, ठीक है, और मेरे टमाटरों तुम्हें आंसर दिख ही गया होगा विनय सर क्या करने वाले हैं। तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर फेंक दूं, यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर फेंक दूं, तो यार ये वाली जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, है ना, सिमेट्रिकली अगर आपने एक परपेंडिकुलर फेंका तो ये वाली जो लेंथ होगी ये होगी एक्स बाय टू, ये वाली लेंथ होगी एक्स बाय टू, और ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा विनय सर, ये होगा हमारा थीटा बाय टू, है ना, ये लेंथ होगी एक्स बाय टू, वो वाला एंगल हो गया मेरा थीटा बाय टू। तो बच्चों अब मेरी बात को जरा ध्यान दो, एक्स बाय टू अपॉन आर, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाऊं, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाऊं तो एक्स बाई टू थीटा के ऑपोजिट हो गया परपेंडिकुलर, एक्स बाई टू और 90 के ऑपोजिट हो गया हाइपोटेन्यूस, 90 के ऑपोजिट हो गया अपना हाइपोटेन्यूस, तो एक्स बाई टू अपॉन आर दैट इज मेरे टमाटरों साइन थीटा बाई टू, ये किसके बराबर आ गया, साइन थीटा बाई टू आ गया, x by 2 upon r, theta के opposite हो गया perpendicular upon hypotenuse is बच्चों sin theta by 2, और मेरे टमाटरों इसको मान ले दो, है ना, ये आपके सामने क्या लिखा है, x by 2 r is sin theta by 2, और मेरे ख्याल से x की वैल्यू आ जाएगी 2r sin theta by 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2r sin theta by 2, yes or no बच्चों, करेक्ट बात, चमका, जिसको चमका मुझे चैट बॉक्स में एक बार जय माता दी कर दे, जिसको चमका मुझे चैट बॉक्स में जय माता दी कर दे, जिसको चमक गया, ठीक है। और अगर एक इस पे सुपर फीलिंग है ना, नहीं चमका, चमक गया, जय माता दी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये लेंथ ले ली एक्स, आधी लेंथ ले ली एक्स बाय टू, वहां से परपेंडिकुलर मारा, आधा एंगल ले लिया थीटा बाय टू, सिमेट्री से चला मैं और मुझे डायरेक्टली एक्स की वैल्यू यहां पे मिल गई, यस सर विनय सर। अच्छा अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, आपको बेटा विनय सर ने एक और चीज सिखाई हुई है, वापस आ जाओ, आपको विनय सर ने एक और चीज सिखाई है, मेरी बात को ध्यान से देखना बेटा, ये मेरा है आर वेक्टर, ये भी है मेरा आर वेक्टर, ये भी मेरा, देखिए मेरी बात को जरा ध्यान से देखिए, ये है मेरा आर वेक्टर और ये भी मेरा है आर, मतलब ये मतलब दो वेक्टर्स हैं जिनका लेंथ सेम है, ये दो वेक्टर्स हैं जिनका लेंथ सेम है और इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल कितना है थीटा। अरे विनय सर आपने तो करा रखा है हमें, जो इनका रिजल्टेंट होता है वो होता है 2a cos थीटा बाय 2, याद करो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है 2a cos थीटा बाय 2 और जो डिफरेंस है दूसरी डायगोनल जो होती है वो डिफरेंस होती है,
तो जो डिफरेंस होता है, जो ये वाली लेंथ होती है, ये होती है 2a sin थीटा / 2, ये होती है 2a sin थीटा। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना था, तुम्हें अगर ये देख के चमक रहा है ना, मैं कह रहा था वेक्टर से भी कर सकते हो, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका डिफरेंस ऑफ दीज टू वेक्टर्स है, एंड दैट इज डेफिनेटली आपका 2a sin थीटा / 2। यहां से भी कर सकते हो, यहां से। अब बेटा दिल दिखा दो मुझे बढ़िया से, अब मुझे बेटा चेहरे पे बड़ी सी स्माइल दिखा दो, दिल दिखा दो। अब मैं देखना चाहूंगा यार, क्योंकि अब हमने बड़ा फाड़ू फील वाला कंसेप्ट डिस्कस किया है। आ जाओ फटाफट दिखा दो, गुलाबी दिल, हरे दिल, पीले दिल, प्यारे बर्गर पैटी सब भेज दो फटाफट। यस 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 यस, कूल कूल कूल, सुपर कूल सुपर कूल सुपर कूल, है ना। फन हो गया, फन हो गया, डन डन। ओके मेरे टमाटर, जय माता दी, जय माता दी, मेरे बब्बर शेरों, शाबाश। आ जाओ आगे, आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। आप बन गई बात, बन गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब इसका आंसर क्या है, मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं। अरे क्या बात है, खुशी खुशी बेटा, ठीक है सब कुछ, इतनी पढ़ाई कहां से कर लोगे पुत्र, कमा लोगे, अलग ही लेवल पे खुश हो आज, वाह बेटा मेरा टमाटर, हा वही वाला चलता है तुम्हारा प्यारा टमाटर, वाह वाह वाह। ये बेटा मैंने बताया ना, मेरे बेटे को पोइम सुनाई गई है स्कूल में, बहुत मस्त वाली, कल ही सुनाई है मैंने, बताया शायद शुरुआत में बच्चों को, प्यारा टमाटर वाह 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 वाह, छोटा टमाटर वाह 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 वाह। तो आ जाओ मेरे टमाटर, तो आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओरिजिन टू 10.0। इस बात को जरा समझने का प्रयास करना, आप ओरिजिन से 10.0 पे गए, तो मतलब आप 10 मीटर आगे गए, आप 10 मीटर आगे गए ओरिजिन से 10.0 वाले पॉइंट पे आप गए, है ना। बच्चों ने आंसर दे ही दिया, तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये वाला जो वेक्टर होगा ये होगा 10i कैप, है ना। आप 10 आगे गए, 10i कैप, उसके बाद बेटा आप 2 मीटर पीछे आए, तो मतलब अगला जो वेक्टर है वो आपका है -2i कैप। आप 2 मीटर पीछे आए, दैट इज -2i कैप। आपसे पूछा गया है नेट डिस्प्लेसमेंट, तो यार वैसे ही आंसर सही है, मतलब 8i कैप, तो मतलब एस नेट, है ना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब मैंने वैसे वैसे ही करा दिया यार, ये तो मतलब क्या ही था मतलब इसमें, है ना। तो दैट इज 8i कैप, बस ऐसे ही, बस ऐसे मूड के लिए, बस और कुछ नहीं, मूड के लिए, है ना, मूड भी सेट करना होता है कई बार हमने, ठीक है। चलो ठीक है, डन। तो बच्चों दिस इज डन एंड परफेक्ट गाइस, परफेक्ट, वी हैव डन विद दी, वी आर डूइंग वेरी गुड, एंड वी आर एक्चुअली डन विद दी, वी आर डन विद दी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बट मैं यहां फिर लिख देता हूं, स्वीडिश पेंडिंग है, स्वीडिश एंड में दूंगा मैं, स्वीडिश एट एंड। हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बेसिक जो था वो हमने कर लिया है, अच्छे क्वेश्चन भी कर लिए हैं, लेकिन एक मिठाई है जो हम एंड में आपको जरूर सेशन के बताएंगे। यस सर, यस सर, ठीक है, चलो जय माता दी, चकले फटे। अब बेटा बात करते हैं थोड़ी सी आगे और, है ना। मोशन चैप्टर हो रहे हैं आज, हम 10th के फंडे रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन वीरे सर अपना फ्लेवर बीच में 11th वाला डालते जाएंगे, काफी सिग्निफिकेंट फ्लेवर डालेगा। तो स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर बात करते हैं टमाटरों, प्यारा सा टमाटर रेडी है, तो लेट्स टॉक अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बच्चों मेरे ख्याल से यार स्पीड तुम कई बार सुन चुके हो, मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आता हूं कि स्पीड है क्या। तो ये दो तरह की स्पीड हम डिफाइन करते हैं, एक होती है एवरेज स्पीड, एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस तुम्हें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कैलकुलस में, तो हम पुरानी स्पीड जो तुम 10th में पढ़ के आए हो, आज वो वाला लेक्चर है। What is average speed? तो average speed is defined as the ratio of total distance to the total time. ठीक है? तो आप बेटा देखो, ये प्यारी सी एक हमारी कीड़ी है, ये देखो ये इस पाथ के ऊपर जा रही है, इस पाथ के ऊपर जा रही है, यहां से ये केक खाने जा रही है, केक ये आ पकड़ के खा लिया, ठीक है। तो बच्चों बड़ी सीधी सी बात है, ये जो लेंथ है, ये पाथ की जो लेंथ है, इसको हम बोलेंगे यहां से यहां तक जाने में, दिस पाथ लेंथ इज कॉल्ड एज, मैं यहां लिख देता हूं, ये जो पाथ की लेंथ होगी, इस पाथ लेंथ को मेरे भाई हम बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो भैया इसको इसको चलने में कुछ वक्त भी लगा, तो जब घर से चली तो वक्त जीरो था, जब घर से चली, जब यहां पे पहुंच गई, है ना, घड़ी भी स्टार्ट कर दो आप, तो जब घड़ी पे वक्त हो गया टी, तो जब मैं यहां से चला तो समय जीरो था, वहां पहुंच गया तो समय हो गया टी। तो बहुत सीधी सी बात है, व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज गाइज नथिंग, इट्स सिंपल, इट इज अ टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चला अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इसमें बेटा कोई दो राय वाली बात नहीं है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर होती है, और डेफिनेटली इसके जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिट्स विल बी मीटर पर सेकंड, यूनिट्स विल बी मीटर पर सेकंड। चार बॉक्स पे लिख दो, जय माता दी, चकदे फट्टे। आ रहा है समझ में अपने को, सिंपल है, टोटल स्पीड अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। अब ऐसी एक स्पीड और होती है, ये होती है हमारी जो हमें स्पीडोमीटर पे दिखती है,
है ना, ये जो स्पीड है ये कौन सी होती है, स्पीडोमीटर पे, मतलब किसी एक वक्त पे। अभी देखो अभी स्पीड यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे थी, फिर आगे गई, फिर वापस आई, देखो अभी आगे गई, तो किसी एक वक्त पे। तो जब ये गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी जब चल रही है तो किसी एक वक्त पे, किसी एक वक्त पे इस गाड़ी की जो स्पीड होती है, किसी एक वक्त पे जो गाड़ी की एक स्पीड होती है, आप समझ रहे हो, किसी एक इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये स्पीडोमीटर हमें शो करता है। और मेरे टमाटर बड़े हो गए हैं, ये बड़े हो गए हैं, ये तुम्हें बेटा मैंने कैलकुलस में बता दिया, तुम्हें मैंने कैलकुलस में बता दिया कि जो dx by dt होता है ना, कैलकुलस की मदद से हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकालना सीखा, कैलकुलस की मदद से हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड को dx by dt को निकालना सीखा। दिस इज द पावर ऑफ कैलकुलस, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, ये हम पहले कर चुके हैं। अब देखो कितनी अच्छी बात है, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन जो इसमें सबसे टफ चीज थी वो हमने पहले खत्म कर ली, वो हमने पहले ही निपटा दी। जय माता दी, जय माता दी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बच्चों हम एक टर्म यूज करते हैं एवरेज वेलोसिटी, यस सर, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम एक टर्म यूज करते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज सिंपल, जहां पे एवरेज वेलोसिटी है इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। तो सीधी बात है बच्चों, आप यहां से चले, आप यहां से चले, अब आपको पता है कि यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, आपको वहां तक जाना है, आपको वहां तक जाना है। क्या बात है बेटा, यस सर, है ना, यस सर, ओके। तो आपको मेरे तमातलो वहां पे जाना है, वहां पे। तो ये जो लेंथ है, ये जो है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। इस डिस्प्लेसमेंट का नाम आप रख दो एस वेक्टर, ये एक वेक्टर है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल, ये एक डायरेक्शन है और एक मैग्नीट्यूड है, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सो भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी, इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। और मेरे टमाटरों, मेरे टमाटरों, बड़ी सीधी सी बात है, ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। इट्स अ, मैं लिख देता हूं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अब टाइम भी कुछ लगा होगा, यहाँ पे टाइम होगा जीरो, और जब यहाँ पहुंचा तो वक्त हो चुका होगा कुछ टी पहुंचने में, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दीजिए, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। और यूनिट्स इसके जो होंगे वो होंगे वही वाले मीटर पर सेकेंड, मीटर्स होंगे इसके मीटर पर सेकेंड, यस सर, यस सर, ओके ओके, हो गया, ये क्लास नाइन्थ में हो गया, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं, एक बच्चा कह रहे हैं नाइन्थ में कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है बेटा, ठीक है ना। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे ही एक वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो सीधी बात है यार, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना। तो ये स्पीडोमीटर ही है, ये स्पीड एक्चुअली में क्या है, ये वही है, ये dx by dt है, है ना। बस इसमें डायरेक्शन और आप दे दो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है dx by dt, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, है ना। अगर आप डायरेक्शन दे दें, जैसे किसी एक इंस्टेंट पे जो डायरेक्शन थी वो किस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज का मुद्दा ये नहीं है, ये सिर्फ वैसे ही इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। ये अगर किसी ने डिटेल में पढ़ना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx by dt कैसे निकला, तो ये आप बेटा जा सकते हैं हमारे पुराने कैलकुलस वाली रिकॉर्डिंग्स में। हाँ, मैं एक पॉइंट बता देता हूं, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, बस उसका मैग्नीट्यूड है, सो इट इज नथिंग, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ, इसलिए मैंने डंडे लगा दिए, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये एक ही बात है, ये एक ही बात है, इंस्टेंटेनियस, instantaneous velocity, instantaneous velocity, है ना, it is a magnitude of instantaneous velocity, ठीक है। जैसे example के तौर पे मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, ठीक है, instantaneous velocity, है ना, हाँ, मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, मेरे पास बेटा x है t square minus 5t plus 6, मेरी बात को ध्यान से सुनो, x मेरे पास है t square minus 5t plus 6, है ना, ये x है, ये मेरी पोजीशन है, करेक्ट बात है विनय सर, यस सर, ओके। तो मैं अगर आपसे पूछूं फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, मुझे एक बात का जवाब दो, ठीक है, ओके। ये कोई बच्चा है, कोई बच्चा फाइनेंशियल हेल्प मांग रहा है, बेटा आज के सेशन का पहला रिकॉर्डिंग चले जा, मैंने शुरुआत में आज सेशन में बताया है, वेदांतु ने एक नया प्लान लॉन्च किया है, उस प्लान में हम बच्चों को 15 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए। तो तुम्हें कोई भी सपोर्ट चाहिए बेटा, हम हैं, वेदांतु है, चिंता मत कर, यहाँ पे मत रो, सेशन की शुरुआत में चला जा, वहां पे मैंने सारा प्लान बताया, वहां पे जाके रजिस्टर कर ले, हमारी टीम तुम तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब बेटा मेरी एक बात आ जाओ यहाँ पे, अगर x मेरा t square minus 5t plus 6 है, तुम सब जानते हो what is velocity, velocity जो होती है वो होती है dx by dt, तो तुमने इसको differentiate किया, आंसर आ गया 2t minus 5, ये सिर्फ बेटा मैं आपके उसके लिए बता रहा हूँ, आपके नॉलेज के लिए, है ना, हाँ, आपका आंसर आ गया 2t minus 5। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो। तो बेटा मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, जब टी को जीरो पुट कर दो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी आएगी, टी को जीरो पुट कर दो, टी वाला पार्ट जीरो हो गया, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी आएगी, माइनस फाइव मीटर पर सेकंड। कितनी आएगी, तो ये देखो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई, मतलब जब टी जीरो था तो वेलोसिटी माइनस फाइव थी। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, टी जीरो पे, टी जीरो पे व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, चैट बॉक्स में लिख के बताना इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ मेरे टमाटर। हाँ अब तुम समझ गए, तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, माइनस छोड़ दो, जो मैग्नीट्यूड है वो हमारी स्पीड होती है वो dx / dt दोनों। यस सर मेरे टमाटर लव, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, अभी व्यूअर शेयर है मेरे प्यारे प्यारे से। ठीक है तो चलो यार एक छोटा सा एनिमेशन तुम्हें और दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब आप इसको देख सकते हो, जैसे ये आदमी चलना शुरू हुआ, बहुत सुंदर खूबसूरत एनिमेशन है, ये चलना स्टार्ट हुआ, समय बेटा स्टार्ट हो गया 6 मीटर तक गया, फिर वापस जब आया तो टाइम हो गया हमारा 4.4, तो 4.4 अपॉन नेट डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर। तो देखो ये 6 मीटर आगे गया, फिर 6 मीटर वाले पॉइंट से 2 मीटर तक फिर आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी मेरी 2 मीटर, तो 2 मीटर अपॉन 4.4 उस वक्त जो टाइम हो गया वो हो गया, मतलब समझ रहे हो मेरा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुई 2 मीटर अपॉन 4.4, that is the time, that is the average. Just animation so that you can see it dynamically, है ना? हाँ, बच्चे कह रहे मौज करा दी, मौज करा दी। तो चलो बच्चों, अब टमाटर दोबारा फिर आपको बोल रहा है, questions का समय start हो चुका है, direct अपन बेटा अपने मुद्दे के questions पे आते हैं जो हमारे हमें सिखाएंगे। तो पहला question मेरे टमाटरों आपके सामने आ गया स्क्रीन पे। अब एक पार्टिकल पॉइंट ए से बेटा चला, मेरी बात को ध्यान से देखना, एक पार्टिकल पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी पे पहुंच गया, एक पार्टिकल पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी पे पहुंचा, और ये पहुंचा कैसे, सेमी सर्कल से, पहुंचा कैसे, सेमी सर्कल से, ठीक है, सेमी सर्कल से पहुंचा, और जब चला तो टाइम जीरो था, और जब यहां पे पहुंच गया, जब पहुंच गया तो वक्त लगा उसे 1 सेकंड, वक्त कितना लगा मेरे भाई, उसको वक्त लगा 1 सेकंड। आपसे पूछा गया है फाइंड द एवरेज स्पीड, तो बेटा एवरेज स्पीड आपसे निकालनी है, तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी है। अरे सर ये क्या है, आंसर चैट बॉक्स में आ जाना चाहिए विनय सर के लिखने से पहले। एवरेज स्पीड क्या होगी सर, टोटल डिस्टेंस, सर ये सेमी सर्कल है, टोटल डिस्टेंस होगा पाई आर अपॉन विनय सर टोटल टाइम, है ना, ये सेमी, ये लेंथ जो होगी, आई होप आप समझ रहे हो, इट इज पाई आर, सेमी सर्कल है, पाई आर अपॉन टाइम, तो पाई इंटू रेडियस, रेडियस इज 1 और टाइम भी 1 है, तो भाई मेरे ये कितनी आ गई पाई मीटर पर सेकेंड, कितनी आ गई एवरेज स्पीड, है ना। हाँ करेक्ट बात मेरे टमाटरों, आंसर दे दिया बच्चों ने। और एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, जल्दी बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी आई। अरे विनय सर एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट कितनी है, दिख रहा है तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट इज 2r अपॉन टाइम जो लगा वो t लगा, तो दैट इज 2 * r, r इज 1, दिस इज 1, सो दिस इज 2 मीटर पर सेकंड, तो ये कितना आ गया मेरे भाई 2 मीटर पर सेकंड, तो b बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, 5 मीटर पर सेकंड एंड 2 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड है। जय माता दी क्या बात है मेरे बब्बल चेलो, वेरी गुड वेरी गुड। ओके चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी बहुत मजेदार शानदार जानदार सवाल है। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इससे लिंक्ड है, तो अगर इसको अच्छा करेंगे तो अगला अच्छी तरह कर पाएंगे, साथ साथ सॉल्व करेंगे, आपका जैसे सॉल्व होता है चैट बॉक्स में आंसर पेल देना बच्चों। क्वेश्चन क्या है, ए बॉय स्टार्ट्स टुवर्ड्स ईस्ट, अब देखो फिर वही नौटंकी चल रही है, तो मैं बना ही लेता हूं यार, मैं बना ही लेता हूं, तो आपके सामने ईस्ट है, आपके सामने नॉर्थ है, वेस्ट है, और मेरे भाई जो इधर आ रहा है ये साउथ आ रहा है, और मेरे भाई जो इधर आ रहा है ये साउथ आ रहा है, तो ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम टुवर्ड्स ईस्ट विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, तो एक बॉडी ईस्ट से चली, ठीक है, तो जब टाइम था मेरा वो जीरो था, और जब वो चली तो उसकी स्पीड कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, ध्यान से सुनते जाओ, उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी मेरे भाई विनय सर, वो थी 5 मीटर पर सेकंड, करेक्ट बात है विनय सर, ठीक है, और कब तक चली 2 सेकंड तक, है ना, तो जब यहां पे मैं पहुंच गया, यहां पे जब मैं पहुंच गया तो वक्त मेरा हो गया कितना 2 सेकंड्स, टाइम कितना हो गया मेरा यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, मैं यहां लिख देता हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मेरा घड़ी पे वक्त हो गया वो हो गया मेरा 2 सेकंड्स, ठीक है, करेक्ट बात है विनय सर, तो मुझे बेटा चैट बॉक्स में लिख के बता दो फटाफट, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड से चला और 2 सेकंड के लिए चला तो ये लेंथ कितनी होगी, मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है यार, डिस्टेंस जो होगा वो होगा स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इतना है टाइम इतना है, तो ये जो लेंथ होगी ये होगी मेरी 10 मीटर, ये जो लेंथ होगी ये होगी मेरी विनय सर 10 मीटर, करेक्ट बात है। अच्छा मेरे टमाटर में एक बात बताओ, इसके बाद क्या हुआ, ही टर्न्स राइट, इसके बाद मैं राइट में पलट गया, इसके बाद मैं राइट में पलट गया, अब राइट में पलट गया मतलब यहां से
जा रहा था सीधा, अब मेरे ख्याल से आगे तुम समझ रहे हो राइट क्या होता है, अगर अगर मैं सीधा जा रहा हूं तो राइट का मतलब समझ रहे हो मैं इधर हो गया है ना, राइट साउथ एग्जैक्टली। तो अगर अगर मतलब मेरे ख्याल से अगर आप समझ रहे हो, अगर आप किसी चीज को सीधा लेके जा रहे हो तो उसके लिए जो राइट होगा वो ये वाला टर्न होगा और जो लेफ्ट टर्न होगा, आई होप आप समझ रहे हो, राइट लेफ्ट टर्न ऐसे कुछ होंगे है ना, अगर आप सीधा जा रहे हो तो आई होप यू कैन विजुलाइज राइट इधर होगा लेफ्ट इधर होगा, तो राइट जो है वो साउथ की तरफ है, तो उसके बाद वो राइट हो गया है ना, he turns right and travels 40 meter with the same speed, ठीक है, तो वो 40 meter distance और चला same speed से, okay, तो बच्चों पहले मुझे एक बात बताओ, अगर वो same speed से 40 meter चला, अगर वो same speed से 40 meter चला, तो यहाँ पे वक्त कितना होगा, कोई बता सकते हैं मुझे, यहाँ पे ये वक्त कितना होगा, जल्दी बताओ, है ना, वक्त कितना होगा, अगर मैं 5 meter per second से चला हूँ, अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड से चला हूं और 40 मीटर मैंने कवर किया है, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन, हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट, तो 40/5 टाइम जो होगा वो होगा डिस्टेंस 40/5 दैट इज 8, तो टाइम यहां पे 10 सेकंड्स होगा, समझ रहे हो, मतलब ये चलने में 8 सेकंड लगे, चलने में 8 सेकंड लगे, लेकिन घड़ी मतलब सर 2 सेकंड हो चुके थे तो 8 सेकंड और चला, तो मतलब टाइम जो आपको वॉच में दिखेगा वो 10 सेकंड दिखेगा, बिल्कुल सही बात है मैंने सर। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ही टर्न्स राइट है ना, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं नीचे आ रहा था, मैं यहां पे आ रहा था, अब मुझे बताओ मैं राइट हुआ, इसके बाद फिर राइट हुआ, तो राइट का मतलब क्या है, कहां गया, जल्दी बताओ, अगर मैं ऐसे नीचे जा रहा हूं, अगर मैं ऐसे फॉरवर्ड नीचे जा रहा हूं, तो राइट का मतलब क्या हुआ, राइट का मतलब, यस विनय सर क्या बात है सर, ये राइट इधर आ जाएगा फिर, आप समझ रहे हो, इसी को पकड़ के ना, इसी को पकड़ के इसको रोटेट कर दो, सीधी बात है यार, मतलब है ना, अब ये राइट बन जाएगा, अगर आप नीचे आ रहे हो इसी को पकड़ के अगर मैं रोटेट कर दूं, समझ रहे हो, है ना, बड़ी सीधी सी बात है यार, ये सीन है, अगर आप फॉरवर्ड जाते हो तो ये राइट है, ये लेफ्ट है ना, तो अगर आप इसी को पकड़ के बिल्कुल बेटा रिवर्स करके नीचे ले आओ तो राइट जो है वो इधर आ जाएगा, तो इसके बाद बेटा आप पीछे आ गए है ना, आप पीछे आ गए और 8 सेकंड के लिए है ना, ही ट्रेवल्स फॉर 8 सेकंड्स, अब 8 सेकंड्स का मतलब समझ रहे हो, इसके बाद 8 सेकंड और चला, तो 8 सेकंड मतलब एंड 8 सेकंड्स विद द सेम स्पीड से चला, सबसे बड़ी बात है सेम स्पीड से चला, तो 8 सेकंड का मतलब आप यहां से 8 सेकंड, हाँ तो मतलब 40 मीटर ही हो गया, अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड से ही चला तो मतलब 40 तो हो गया, तो आप फिर इधर आ गए मेरे टमाटरों है ना, सो दैट इज हाउ मच, ये 10 था, तो आई होप आप समझ रहे हो, ये टोटल 40 मीटर में पीछे और आ गया, टोटल 40 मीटर में पीछे और आ गया, और स्पीड बेटा खास बात ये है, स्पीड यहां पे हो चाहे स्पीड यहां पे हो चाहे स्पीड यहां पे हो, स्पीड हर बार मेरी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, स्पीड मेरी हर बार कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, यस सर यस विनय सर, और आपसे क्या पूछा गया, फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरे ख्याल से 10 + 40 + 40, तो 10 + 40 + 40 तो दैट इज 90, तो दैट इज 90 मेरे ख्याल से ऑप्शन आपको दिख रही है, एंड व्हाट इज द एवरेज स्पीड, बेटा एक सीधी सी बात है, एवरेज स्पीड पूछी गई है, एवरेज स्पीड पूछी गई है, तो एक सीधी बात बेटा यह है कि एक तो तुम फॉर्मूले से निकालो है ना, एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस दैट इज 90 मीटर अपॉन टोटल टाइम, तो बेटा सीधी बात है ये 8 सेकंड था, यहां से 8 और चला है ना, 8 सेकंड्स के लिए और चला, तो मतलब मेरे ख्याल से जब मैं यहां पर पहुंचा तो मेरा टोटल वक्त जो हो चुका था वो हो चुका था 18 सेकंड्स, कितना हो गया था 18, 10 में 8 और जोड़ दो दैट इज 18 सेकंड्स, तो अपॉन 18 सेकंड्स और 90 अपॉन 18 मेरे भाई कितना होता है 5 मीटर पर सेकंड, 90 अपॉन 18 मेरा भाई कितना होता है 5 मीटर पर सेकंड, यस सर करेक्ट बात है विनय सर, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो आप या तो पूरा निकाल के देखो, और बेटा वैसे ही कांस्टेंट है, अगर कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से चली है वही तो एवरेज है एवरेज तो तब होता है ना मेरे टमाटरों, अगर आपने कभी ज्यादा चले कभी कम चले, अगर आप चले ही पूरी जर्नी में कांस्टेंट स्पीड से हो तो एवरेज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, एवरेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मजा आ गया, नजारे आगे बिल्कुल आगे, ठीक है, तो आंसर आपका 90 मीटर 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है विनय सर करेक्ट बात है। अच्छा लगे हाथ बेटा एवरेज वेलोसिटी भी दे दो, लगे हाथ एवरेज वेलोसिटी भी दे दो फटाफट, अब बताओ ये 10 मीटर है ना, अच्छा ये 10 मीटर है, ये 10 है, तो पीछे अगर ऐसे ही मैं आप सोच के बताओ ये 40 पीछे आया, तो मतलब 40 में से 10 ये हो गया है ना, तो मतलब ये जो डिस्टेंस पेंडिंग है, ये वाला जो डिस्टेंस पेंडिंग है टोटल 40 है, तो ये कितना हो गया मेरा 30 मीटर, ये कितना हो गया मेरा 30 मीटर, तो आप अगर थोड़े से भी बच्चों समझदार हैं तो आप यहाँ पे बेटा जरा थोड़ा सा भी यहाँ पे ध्यान दें, तो ये लेंथ कितनी आएगी जल्दी बताओ, दिस लेंथ विल बी हाउ मच, दिस इज 30 मीटर, समझ रहे हो, ये जो है
है ना, ये 30 है और ये वाला कितना है, ये वाला है मेरा 40, तो बेटा ये 40 मीटर, ये 30 मीटर, तो ये लेंथ आ गई मेरी 50 मीटर, ये लेंथ मेरी आ गई 50 मीटर। तो मेरे ख्याल से एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, बेसिकली यही खत्म कर देंगे क्वेश्चन अपन, एवरेज वेलोसिटी मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 50 अपॉन टाइम दैट इज 18, तो दैट इज 25/9 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल बच्चों ने आंसर दे दिया, बच्चों ने आंसर दे दिया 25/9 मीटर पर सेकेंड। तो टमाटर अगला सवाल यही था, है ना, पहले पार्ट का आंसर 90 है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने यहीं पे खत्म कर दिया, सेम प्रॉब्लम, और आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट थी 50 मीटर और एवरेज वेलोसिटी थी हमारी 25/9, तो सी ऑप्शन, यस मेरे टमाटर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, यस और नो बच्चों, मजा आ रहा है, जल्दी बताओ हाउ इज द जोश कमांडोस, कमांडोज हाउ इज द जोश, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सिंपल है, मजा आ रहा है, नजारे आ रहे हैं, अभी तो बेटा स्वीडिश बाकी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जय माता दी, अभी तो बब्बर शेर मूवमेंट आने वाली है ना, जय माता दी बने सर, क्या बात है, ठीक है। अब ऐसा है बच्चों, कुछ और वैरायटीज मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, कुछ अलग तरह की जो काफी स्टैंडर्ड है, काफी ज्यादा फेमस है, फटाफट करेंगे, साथ साथ लगे रहना, साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगले 3 से 4 क्वेश्चंस कुछ ऐसे, कह रहे हो ना मक्का मदीना है हमारे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के, ठीक, अगर हमने यहाँ पे मत्था नहीं टेका तो, अभी तो हमने कंसेप्ट्स को क्लियर कर लिया, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड वैरायटीज जो काफी फेमस हैं जो हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मैंने पहले ही बोल दिया था। आ जाओ बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कह रहे हैं कार ट्रेवल्स विद स्पीड U1 फॉर हाफ टाइम एंड विद स्पीड U2 फॉर सेकेंड हाफ टाइम, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। हमें बात को ध्यान से सुनना, बहुत मस्त क्वेश्चन है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। एक पॉइंट ए से हम बेटा पॉइंट बी तक गए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, इस दौरान अगर ये टोटल लेंथ बच्चों एक्स है, है ना, ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये लेंथ अगर बच्चों एक्स है, और ये कवर करने में जो वक्त लगा, ये कवर करने में जो वक्त लगा, वो वक्त अगर मेरा टी है, वो वक्त अगर मेरा टी है, आपसे पूछा गया है फाइंड एवरेज स्पीड, तो बच्चों इसमें कोई दो राय नहीं है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन विनय सर टोटल टाइम। तो मेरे भाई व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना है, अब x को हमने थोड़ा ध्यान से लिखना है, अब उसके लिए उसने क्या बोल दिया, इट कवर्स विद अ डिस्टेंस u1 फॉर द हाफ टाइम, और मेरी बात को सुनना, अगर उसको समय t लगा, आधा समय चला u1 से, आधा समय मतलब समझ रहे हो, ये आधा समय ये जो टाइम लगा आधा t/2, आधा समय वो चला कितनी स्पीड से, u1 स्पीड से, आधा समय कितने से चला, u1 से चला, और बाकी आधा, अब देखो सीधी बात है यार, वक्त आधा हुआ है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वक्त आधा हुआ है, डिस्टेंस आधा नहीं हुआ, तो आप ये मत सोचो कि डिस्टेंस आधा हो जाएगा, मतलब अगर मान लो वो आधा समय वो कम स्पीड से चला, तो पहली बार लेंथ जो चलेगा वो कम चलेगा, अगली बार उसने स्पीड थोड़ी ज्यादा कर ली, तो आधा समय चला U1 से, बाकी आधा समय चला मेरे भाई वो कितनी स्पीड से चला, वो चला U2 की स्पीड से। तो मेरे बच्चों बड़ी सीधी सी बात है, अगर विनय सर आपसे पूछे कि यार ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, सीधी बात है, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, है ना, ये फॉर्मूला याद रखो आप, डिस्टेंस जो है वो है मेरा स्पीड इंटू विनय सर टाइम। तो मुझे बेटा बताओ व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज U/2 और U2 इंटू T/2, सॉरी ये आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा मेरे भाई U2 इंटू T/2, है ना, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, U2 इंटू T/2, और ऐसे बेटा ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, है ना, ये वाली लेंथ, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ मैं अलग से लिख देता हूँ, दिस इज अगेन व्हाट, U1 इंटू T/2। तो बेटा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, U1 into T/2 plus U2 into T/2 upon total time, upon total time। तो मेरे टमाटर आपको साफ साफ दिख गया आंसर, T से T कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा U1 plus U2 by 2। बच्चों यस सर मेरे ख्याल से पहले आपने 10th क्लास में भी कर रखा होगा, ये कोई इशू वाली बात नहीं है, मैंने बस रिवाइज करवाया है ना, सो आंसर इज U1 plus U2 by 2, ठीक है, वी हैव रिवाइज द सेम थिंग, U1 plus U2 by 2 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा आप इसमें एक अलग केस होता है, ये भी शायद केस आपने देखा होगा, सुना होगा, हम एक बार इसको क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि बच्चों इस बार मैं ए से बी गया, बात को सुनते रहिए, मैं ए से बी गया और इस बार सीन ये है कि मैं बेटा आधा डिस्टेंस, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आधा डिस्टेंस जो है x/2 लेंथ जो है वो मैं चला स्पीड U1 से,
और बाकी जो बचा हुआ आधा लेंथ है, बाकी जो बचा हुआ आधा लेंथ है x by 2, वो मैं चला स्पीड u2 से। तो देख मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस बार स्टेटमेंट बदल गई। ए बॉडी कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड v1 एंड द सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड v2। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? व्हाट इज द एवरेज स्पीड? बच्चों ने आंसर लिख ही दिया, तो मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों को याद है। तो बच्चों बड़ी सीधी बात है, एवरेज स्पीड का विनय सर, एवरेज स्पीड का विनय सर एक ही फॉर्मूला है, वो है टोटल डिस्टेंस। तो अगर यार ये टोटल डिस्टेंस x है और आपने आधा आधा लिया है ना, आपने आधा आधा लिया है, तो मतलब टोटल डिस्टेंस x ही है अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम लिखना है बेटा, अब टाइम कितना होगा? सीधी सी बात है, यहां से यहां तक का वक्त कितना है? ये वक्त कितना होगा? सीधी बात है, टाइम किसके बराबर होगा? जल्दी बताओ टाइम किसके बराबर होगा? मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द टाइम, जल्दी बताओ ये टाइम किसके बराबर है? ये वाला जो टाइम है ये किसके बराबर होगा, है ना? तो डिस्टेंस जो है वो है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस जो है मेरे भाई वो है स्पीड इनटू टाइम। तो मेरे भाई साहब आपने टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है x by 2 और स्पीड है u1, डिस्टेंस है x by 2, स्पीड है u1। बिल्कुल विनय सर, और ये डिस्टेंस कितना है बेटा जल्दी बताओ? x by 2 और स्पीड है u2। ये डिस्टेंस कितना है? x by 2 और स्पीड है u2। यस सर, बिल्कुल। तो विनय सर क्या आ गया, ये x by 2 u1 plus x by 2 u2। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, टोटल टाइम t1 plus t2, x by 2 ये वक्त है, है ना, ये वक्त है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x by 2 अपॉन u2, x by 2 अपॉन u1। और मेरे टमाटरों अगर आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लो आपको आंसर दिख जाएगा, x से x कट गया, सो इट इज 2 u1 u2 अपॉन u1 plus u2। कितना है 2 u1 u2 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ऐसे बच्चों एक लॉलीपॉप प्रॉब्लम है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कॉमेंट सेक्शन में लिख के मुझे इसका लोगों ने, आप लोगों ने जवाब देना है। सेम क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है, ठीक है। ओके ओके बच्चों, कोई बच्चा पूछ रहा है मैंने कौन सी घड़ी पहनी है, बेटा मैं नहीं बता रहा, डीजल की है, ठीक है, मुझे गिफ्ट मिली है, मैं नहीं बताऊंगा तेरे को, ठीक है। ओके ओके डन। अच्छा बच्चों ये भी क्वेश्चन आप सामने आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, मुझे इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में लिख के दिएगा, ठीक है। यू हैव टू आंसर मी इन द कॉमेंट सेक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस उसको हमने एनएसओ में ब्रेक कर लिया, कुछ भी नहीं है, एनएसओ में ब्रेक कर लिया, कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ बेहतर सिखाना चाहता हूं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे, जिसमें आप थोड़ा सा एक्चुअली सीख के जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बेस्ट प्रॉब्लम जो आने वाली है, मतलब ऑनेस्टली बताऊं, क्वेश्चन इरोडोव का है, बट क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो ध्यान से करना, मिलके करेंगे लेकिन मजा आएगा, लेकिन मजा आएगा, ठीक है। तो लेट्स हैव अ बॉम्ब क्वेश्चन, तो एक बॉम्ब क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, रेडी हैं आप सभी? चैट बॉक्स में एनर्जी दिख रही है, चैट बॉक्स में एनर्जी दिख रही है, जल्दी बताओ टमाटरों, जल्दी बताओ। बॉम्ब का मतलब एक्चुअली ये नहीं है कि बहुत सुपरनोवा बॉम्ब फट जाएगा, सिंपल है, हम लोग हैंडल करेंगे लेकिन मजे से करेंगे। यस सर, ठीक है, लेट्स लर्न समथिंग न्यू, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। ओके तो गाइस लेट्स हैव अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, रेडी रेडी, क्या बात है। तो मेरे बब्बर से बच्चे रेडी हैं, क्वेश्चन बेटा देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, कह रहा है ए पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी वी नॉट। इसको जरा समझना, एक पार्टिकल ने आधा डिस्टेंस वी नॉट से चला। अब मैं आपको समझाता हूं, मतलब वो कह रहा है यहां पे, मैं मान लो ए से बी गया, मैं मान लीजिए ए से बी गया, ठीक है विनय सर, ठीक है, आधा डिस्टेंस मैं काम करता हूं, मैं नेक्स्ट लेग पे बनाता हूं ताकि साथ साथ हम सॉल्व भी करते हैं उस फिगर को देख के। तो बच्चों मैं मान लीजिए ए से बी गया, सुनते जाइए साथ साथ, इकट्ठे मिलके सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम ए से बी गए, टोटल लेंथ बच्चों हम ले लेते हैं एक्स, टोटल लेंथ हम ले लेते हैं कितनी एक्स, मेरी बात को सुनते रहना। वो कह रहा है कि हम आधा डिस्टेंस, मतलब आधा डिस्टेंस जो चले x by 2 हम चले मेरे भाई, कितनी स्पीड से, ये बच्चों हमें गिवन है, कितनी v0, ये हमें गिवन है मेरे भाई, कितनी v0, आधा डिस्टेंस चले हम कितनी स्पीड से विनय सर, v0 की स्पीड से, है ना, हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v0, करेक्ट बात है विनय सर, कोई इशू नहीं है। अब रिमेनिंग पार्ट जो था, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड विद v1 फॉर हाफ टाइम एंड विद v2 फॉर द अदर हाफ टाइम। अब ये बहुत मस्त बात है, ये बहुत मस्त बात है, आधा डिस्टेंस चले मेरे भाई आप लोग कितने से, v0 से। अब बाकी जो बचा, अब सुनना मेरी बात को आराम से, अब ये बाकी जो भी बचा
इसको कवर करने में लेट से जो वक्त लगा वो लगा टी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, लेट से जो वक्त लगा वो लगा टी, बाकी बचे हुए को चलने में, बचा हुआ भी कितना है विनय सर, बचा हुआ भी तो आधा ही होगा, बचा हुआ भी क्या होगा विनय सर, आधा ही होगा, वो भी x by 2 होगा, है ना, लेकिन उस बचे हुए को कवर करने में अगर वक्त t लगा, तो मेरी बात को जरा ध्यान से बेटा सुन लेना कि उसमें वो ये कह रहा है कि आधा समय, आधा समय, समझ रहे हो, t by 2 टाइम, आधा समय चला कितनी स्पीड से, v1 की स्पीड से, और बाकी आधा समय t by 2 कितनी स्पीड से चला बच्चों, v2 की स्पीड से, बाकी आधा समय, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इस बात को समझिए, the remaining part of the distance was travelled with v1, है ना, it was travelled with v1 for half time, for half time and with v2 for the other half time, है ना, तो जो समझ रहे हो, बाकी बचा डिस्टेंस जो मेरा बचा उसका आधा चलने में लगे जो हमें स्पीड जो मिली वो मिली v1, और बाकी आधा समय जो हमें स्पीड चली v2, बेटा क्वेश्चन में लिख दो, जय माता दी, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है चक दे फटे लिख दो जल्दी बल्दी, अगर क्वेश्चन समझ पा रहे हो मेरे टमाटरों, अगर क्वेश्चन समझ पा रहे हो तो जय माता दी बल्ले बल्ले कर दीजिए चैट बॉक्स में, यस सर है ना, जय माता दी, जय माता दी, ठीक है, ओके ओके, तो आपसे पूछा गया है एवरेज स्पीड, है ना, आपसे पूछा गया है एवरेज स्पीड, ठीक है, करेक्ट बात है विनय सर, बिल्कुल सही बात है, अरे क्या बात है बेटा, हो गया सॉल्व, है ना, तो भाई बेटा बड़ी एक चीज तो देखो बेटा, जो मुझे बार बार इंट्यूशन दे रही है कि मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, बेटा बड़ी सीधी सी बात है, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी, है ना, ये लेंथ कितनी होगी, आपको डिस्टेंस की, आपको डिस्टेंस देना है, तो ये है स्पीड, ये है टाइम, यह स्पीड, यह टाइम, तो ये लेंथ कितनी होगी, v1 into t by 2, v1 into t by 2, और ये वाली लेंथ कितनी होगी मेरे भाई, जल्दी बताओ, ये होगी कितनी, v2 into t by 2, डिस्टेंस होगा स्पीड into टाइम, तो यार अगर मैं ये टोटल लेंथ निकाल दूं, मैं टोटल लेंथ निकाल दूं, v1 into t by 2 plus v2 into t by 2, है ना, ये टोटल दिस प्लस दिस, v1 into t by 2 plus v2 into t by 2, ये टोटल लेंथ मेरी x by 2 होगी, है ना, v1 t by 2 plus v2 t by 2, that is equal to x by 2, तो मैंने इसको एक तो बेटा सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने टाइम की वैल्यू निकाल दी, टाइम देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हो, थोड़ा सा भी अगर समझदार हो, आपको दिख गया होगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करके लिख देता हूँ, v1 plus v2 into t is equal to x, v1 into v2, v1 plus v2 into t is equal to x, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी x upon v1 plus v2, टाइम की वैल्यू आ जाएगी x upon v1 plus v2, करेक्ट बात है मेरे सर, इसी तरह बच्चों, इसी तरह यहां से यहां तक चलने में जो वक्त, यहां पे स्पीड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है ना, स्पीड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, तो ये जो वक्त लगा, आप ये वक्त अलग से निकाल दो, इस वक्त का नाम हम रख देते हैं t डैश, यहां पे अगर t लगा इसका नाम रख दो t डैश, तो t डैश किसके बराबर होगा, डिस्टेंस x by 2 upon v naught, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x by 2 upon v naught, यस सर टमाटर आ रहा है समझ में, और बेटा जल्दी बता दो आ रहा है समझ में, है ना, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिल्कुल बच्चे ने लिख ही दिया, और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, आपसे पूछा गया है विनय सर व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो भाई मैं यहां निकाल देता हूं, तो भैया एवरेज स्पीड क्या होती है मेरे भाई, एवरेज स्पीड होती है यस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो मेरे गुन्नू मुन्नू व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस इज एक्स, द टोटल डिस्टेंस इज एक्स अपॉन टोटल टाइम, मेरे भाई व्हाट इज द टोटल टाइम, टमाटरों जल्दी बता दो टोटल टाइम कितना है, टाइम आपका टोटल x है, एक टाइम लगा मेरा t डैश, मैं इसे लिख देता हूं x by 2v naught, है ना, x by 2v naught, देख रहे हो t डैश प्लस ये वाला वक्त प्लस ये t, और इस t की वैल्यू मैंने सिंप्लीफाई करके निकाल दी, है ना, तो t डैश प्लस t डैश निकाल दिया x by 2v naught, और t की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन मेरे भाई v1 plus v2, x अपॉन v1 plus v2, और गुन्नू मुन्नू हो गया सॉल्व, देखो विनेशल ने कल दिया, तो ये आप एलसीएम ले लो, ये ऊपर आ जाएगा, तो 2v0 into v1 plus v2 आपका ऊपर आ जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा v1 plus v2 plus 2v0, v1 plus v2 plus 2v0, बेटा जय माता दी लिख दो चैट बॉक्स में, ठीक है, तो you guys can see that this is the correct answer, you guys can see that this is the correct answer, बच्चों समझ में आया नहीं आया जल्दी बताओ, बल्ले बल्ले कर दो फटाफट, बल्ले बल्ले, नजारे आ रहे हैं, है ना, पहले करा हुआ था तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, लेकिन दिस इज अ रियली रियली क्वालिटी क्वेश्चन, और मैंने पहले ही बोला था कंटेंट में बेटा कोई कमी नहीं रहेगी, है ना, अभी आप और सेशन को पूरा करें आपको और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, कंटेंट हम सुपर लेवल का कर रहे हैं, तुम करने वाले बनो बेटा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, तुमने पीछे नहीं हटना, ठीक है ना, हाँ बड़ी सीधी सी बात है, तुम में अगर तुम पीछे हट गए उसका फिर बेटा कोई लाज नहीं है, हमारी शिद्दत में और डेडिकेशन में कोई कमी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ये ऑप्शन जो रहेगा आपका वो सही आंसर मिलेगा, ठीक है, तो बच्चों सबसे खुशी की बात, सबसे खुशी की बात,
हमारा स्पीड और वेलोसिटी भी डन डनाडन हो गया और हम अपनी स्वीडिश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। यस सर वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी। क्या बात है टमाटर, ठीक है, नजारे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो अब बेटा हम बात करते हैं, अब एक्सेलरेटर को पुश कर दो बिकॉज अब हम एक्सेलरेशन की तरफ जंप करने वाले हैं। तो एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब थोड़ी सी कहानी एक्सेलरेशन की करेंगे, फिर हम अपनी चैप्टर की स्वीडिश खाएंगे जो एंड में मैंने आपको बोला मस्टली आपको दूंगा आज मैं। तो चलो बच्चों एक्सेलरेटर को दबाते हैं और जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये कार एक्सेलरेट कर रही है और अच्छी खासी एक्सेलरेशन पे है, तो थोड़ा सा हम एक्सेलरेशन को समझने का प्रयास करते हैं कि एक्सेलरेशन होती क्या है। जो बच्चे मेरी पहली सीरीज देख रहे हैं शुरू से, उसके अंदर मैंने कैलकुलस में उनको एक्सेलरेशन, जब मैंने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैंने एक्सेलरेशन का हल्का सा हिंट दे दिया था कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है धक्का। अगर आप किसी चीज को धक्का लगाएं उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैथमेटिकली फॉर्मूला तो बेटा हम नो डाउट याद करेंगे, बट थोड़ा सा फील जरूर लेके चलना। धक्के का मतलब क्या है? धक्के का मतलब होता है फोर्स। तो भाई इस बात को आप समझना, वेलोसिटी का मतलब होता है आप किधर चलते हो, वेलोसिटी का मतलब होता है आप किधर चलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस बात को समझिए कि जैसे ये जो ट्रॉली है, मैं यहां पे इसको अलग से बना देता हूं, इस बात को आप समझना बेटा जो विनय सर बताने वाले हैं। इस बंदे ने इस ट्रॉली को पुश किया, तो जब ये ट्रॉली जा रही थी और दूसरे बंदे के पास पहुंची तो उसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड थी। अगर ये आगे जा रही है तो वेलोसिटी आगे को है, अगर ये पीछे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी पीछे को है। लेकिन बेटा एक्सेलरेशन का मतलब होता है धक्का। तो आपने जब उस ट्रॉली को रिसीव किया तो आपने धक्का मतलब फोर्स, समझ रहे हो, आपने उसको पकड़ा, आपने उसको वापस, समझ रहे हो, आपने उसको एक फोर्स दी। तो जिधर फोर्स है उधर ही हमारी एक्सेलरेशन है। इस बात को आप समझिए, फोर्स F=ma लॉज ऑफ मोशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जिस तरफ धक्का लगा उस तरफ आपकी एक्सेलरेशन है। चैट बॉक्स में लिखे तो जय माता दी, ये बात समझ में आ रही है, ये पहले भी मैंने समझाई। एक्सेलरेशन का मतलब होता है धक्का, आपने धक्का किधर लगाया। और अगर आप देखिए यहाँ पे, अगर इस बंदे ने आप देखो इसने पैर कैसे स्लाइड किया, जैसे ही इसने बेटा अपना पैर पीछे को स्लाइड किया ना, इस पे फ्रिक्शन आगे को लगी, इस पे फ्रिक्शन आ, तो वो एक्सेलरेट हो गया, तो धक्का आगे लग गया। कैसे, सोच के बताओ, ये अगर आदमी का फुट है, ये सब हम फ्रिक्शन सब डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इस बात को समझो, अगर इस फुट की टेंडेंसी पीछे जाने को है, सोच के बताओ, अगर गाड़ी का चक्का ऐसे पीछे की तरफ घूमता है तो मिट्टी पीछे की तरफ जाती है, समझिए, तो मतलब टेंडेंसी पीछे जाने की है, तो फ्रिक्शन जो लगती है ऐसे इस इंस्टेंट पे, इसी तरह आप वॉक करते हैं, फ्रिक्शन आगे लगे, तो धक्का आगे लगा जिसकी वजह से वो आगे एक्सेलरेट कर गया। चैट बॉक्स में लिख दो जय माता दी, जस्ट मैं फीलिंग दे रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू फीलिंग व्हाट इज द एक्सेलरेशन, है ना, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। यस सर ओके, पीछे ही लगेगा, आगे लगेगा बेवकूफ वगैरह, पीछे लगेगा, हां फ्रिक्शन आगे लगेगा, बाकी फ्रिक्शन में आराम से डिटेल में बात करेंगे। अच्छा अब मेरी बात को अब सुनना, ठीक है, ये तो हो गई फीलिंग, अब आती है मैथमेटिकली फॉर्मूला आंसर कैसे देगा, है ना। हम फीलिंग भी देखेंगे फॉर्मूला भी देखेंगे। तो भैया जैसे बेटा हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दो तरह की होती है, ऐसे ही बेटा हमारी जैसे स्पीड हमारी दो तरह की थी, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ऐसे ही वेलोसिटी दो तरह की थी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसे बेटा एक्सेलरेशन भी दो तरह की होती है। एक होती है हमारी एवरेज एक्सेलरेशन, इट इज व्हाट द रेशियो ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन द टाइम टेकन। तो बहुत सीधी सी बात है, मेरी बात को ध्यान से देखना कि अगर ये कार बेटा आपके सामने आप देख रहे हो, तो लेट्स से जब ये कार यहां पे थी, लेट्स से जब ये इस पॉइंट को क्रॉस की, तो उसकी वेलोसिटी थी v1 वेक्टर। मेरी बात को ध्यान से सुनना, वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। तो जब वो यहां से इस पॉइंट को क्रॉस की, तो लेट्स से उस वक्त जो मेरा घड़ी है वो स्टार्ट होगी, मैंने स्टॉपवॉच को क्लिक कर दिया, तो t=0 पे जो स्पीड थी वो थी मेरी v1। और आगे जाके डेफिनेटली मतलब जब ये मान लीजिए इस प्लेस पे पहुंची, मैं इस प्लेस को ले लेता हूं, तो डेफिनेटली जब उसने इस प्लेस को क्रॉस किया तो उसकी वेलोसिटी होगी v2 वेक्टर, और घड़ी में जो समय हो गया वो हो गया t। तो v1 वेक्टर जो है वो मेरा t=0 पे है, और डेफिनेटली v2 वेक्टर जो है मेरा वो वक्त t पे है। और मेरे टमाटरों अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो मेरे भाई एक बात बताओ, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी तुम मेरे को जल्दी बताओ, है ना। सॉरी सच नॉट एवरेज वेलोसिटी, हाँ एवरेज वेलोसिटी तो बताइए आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सॉरी हम एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, हम आपसे बात कर रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन की। तो एवरेज एक्सेलरेशन बेटा जो होती है वो होती है टोटल चेंज इन वेलोसिटी। तो मतलब टोटल चेंज का मतलब क्या है ना, टोटल मैं यहां लिख देता हूं, टोटल चेंज इन वेलोसिटी
अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं ये एक्सेलरेशन एवरेज जो हम निकाल रहे हैं, ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर है? फाइनल वेलोसिटी दैट इज v2 वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v1 वेक्टर, और अपॉन इसके लिए कुछ वक्त लगा, ये चेंज होने में कुछ वक्त लगा, सो अपॉन t बेटा, खत्म बात, खत्म बात। यस सर, है ना। तो सिंपल है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कुछ हुई, कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी v1, टाइम जो लगा वो t लगा, चेंज इन वेलोसिटी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम दैट इज t। तो सीधी सी बात है बेटा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके जो यूनिट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, है ना, ये देखो वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया बेटा मैथमेटिकल फॉर्मूला। अगर फीलिंग लेनी है तो फीलिंग मतलब एक्सेलर, धक्का, फीलिंग मतलब धक्का। यस सर, विनय सर, बिल्कुल सही बात है। ऐसे बच्चों जो हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है, ये हम ऑलरेडी आपको कैलकुलस में बता चुके हैं, उसको हम बोलते हैं dv/dt, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन डिटेल। तो किसी भी इंस्टेंट पे मान लो एक आजकल की जो मैंने बच्चों को बताया था, जो हमारी नई कार्स आ रही है, उनके जो हमारा डिस्प्ले होता है उसके अंदर आपको बेटा वेलोसिटी तो दिखती दिखती है, आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मिलती है कि किसी इंस्टेंट पे उसका एक्सेलरेशन कितना है, अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा हो तो। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होती है दैट इज dv/dt, डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, कैलकुलस के अंदर किसी बच्चे को और अगर छलांगे लगानी है तो वहां जाके देख सकता है, ठीक है। लेकिन आज का जो उद्देश्य है वो है हमारा एक्सेलरेशन। यस सर, एवरेज एक्सेलरेशन, डन। ओके, नाउ मेरे टमाटर्स, मेरे इस बात को अब आप ध्यान से सुनना जो विनय सर बताने वाले हैं। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं तो ये चार केसेस मैंने कैलकुलस में भी आपके साथ डिस्कस किए थे, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा मैं काइनेमेटिक्स में दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस रहे जो हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर बेटा रहेगा हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन, गाड़ियां एक्सेलरेट करेंगे, रिटार्ड करेंगे, तो हम उनके लिए आज फिर एक बार उनको रिकैप कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट क्या बच्चों, कोई भी चीज स्पीड अप तब करती है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम हो। मेरी बात को ध्यान में रखना, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम साइन में हो तो वो चीज आपकी एक्सेलरेट करेगी, और कोई भी चीज बेटा स्पीड डाउन कब करेगी, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ऑपोजिट साइन हो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ऑपोजिट साइन हो। कोई भी चीज एक्सेलरेट तब करेगी जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम है, और रिटार्ड कब करेगी, जब कोई चीज उसका साइन जो है वो ऑपोजिट है। अब बड़ी सीधी सी बात है बेटा, आप यहां पे एग्जांपल देख सकते हैं, अगर मैं जा आगे रहा हूं और मुझे धक्का भी आगे लग जाए, एक्सेलरेशन बोले तो धक्का, सीधी बात है यार, मैं जा आगे रहा हूं, आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे अगर मैं एक इंसान को ऑब्जर्व करूं, मैं जा आगे रहा हूं, मेरी वेलोसिटी आगे को है, और मुझे कोई पुश भी आगे कर रहा है, मुझे धक्का भी आगे को लग रहा है, समझ रहे, दोनों एक ही तरफ, तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। आप इधर सोच के बताओ, अगर आदमी पीछे को आ रहा है, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, सोच के बताओ, वेलोसिटी नेगेटिव है और आदमी को धक्का भी इधर ही लग रहा है, उसको धक्का भी इधर लग रहा है, समझ रहे हो, ए भी पीछे को है तो उसकी स्पीड तब भी बढ़ जाएगी। तो सीधी सी बात है बेटा, मैं जिधर चलता हूं अगर मुझे धक्का भी उधर मिल जाए, मैं आगे जा रहा हूं और मुझे धक्का भी कोई आगे लगा दे, मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर विनय सर इधर खड़े हैं, वो जा इधर रहे हैं, और अगर मैं धक्का भी इधर दे दे, तो मेरी स्पीड फिर दोबारा इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली v पॉजिटिव a पॉजिटिव, या तो ये हो जाए, या v नेगेटिव a नेगेटिव, सेम साइन होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। यस सर, विनय सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरा केस अगर आप बेटा ध्यान से देखें, अगर मैं जा आगे रहा हूं, अब ये बहुत मस्त लगता है मुझे, मैं जा आगे रहा हूं और मुझे खींच कोई पीछे रहा है, धक्का मुझे पीछे लग रहा है, एक्सेलरेशन मेरी पीछे को है, जा आगे रहा हूं, खींच मुझे कोई पीछे रहा है, तो डेफिनेटली मेरी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। या उल्टा सोच के वाली बात है बेटा, अगर मैं पीछे की तरफ आ रहा हूं, आप देख सकते हो बेटा, फील भी आ रही है एनिमेशन में, ये बंदा स्लो होता जा रहा है, अगर आप पीछे की तरफ आ रहे हो और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन आगे है, समझो इस बात को, तब भी स्पीड कम हो जाएगी। अब भी आप पीछे आना चाह रहे हो, खींच कोई आपको आगे रहे, तब भी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, यहां पे v पॉजिटिव हो या a नेगेटिव हो, और v नेगेटिव हो या a पॉजिटिव हो, इन सब केसेस में जो स्पीड है वो आपकी डाउन हो जाएगी। बच्चों जय माता दी। यस सर, चकदे फट्टे पल्ले पड़ रहे, नहीं पड़ रहा, जल्दी बताओ टमाटरों, जल्दी बताओ, यस और नो, आ रहा है समझ में?
ठीक है। तो ये सिंपल से कुछ हमारे फंडे थे जो हमने पहले भी किए थे, इसको दिमाग में रखना बच्चों क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर में भी यूज होंगे, मैं इसको दोबारा फिर रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है ना, दो बार और रिवाइज कराऊंगा क्योंकि जब जब ये सवाल आएंगे आपको थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चों एक्सेलरेशन हमारा आखिरी टॉपिक था, इसके सवाल कुछ करते हैं मस्त मस्त से, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, इंजॉय करेंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत सिंपल है, An athlete takes 2 seconds to reach his maximum speed of 18 km per hour. मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक एथलीट है, ये टमाटर है, साथ साथ आंसर भी दे दो, ये रेस्ट से चला, ये रेस्ट से चला, और जब ये रेस्ट पे था तो समय हो गया जीरो, ठीक है, और इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, और इसकी स्पीड मेरे टमाटरों कितनी हो गई, इसकी स्पीड कितनी हो गई, इसकी स्पीड हो गई 18 किलोमीटर पर आर, इसकी स्पीड कितनी हो गई 18 किलोमीटर पर आर, और जब ये यहां पहुंच गया, जब ये यहां पहुंच गया तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 2 seconds, है ना, तो यहां पे टाइम कितना था, यहां पे टाइम कितना था जीरो, और जब ये वहां पहुंच गया तो वक्त कितना हो गया, वक्त हो गया हमारा 2 seconds, यस सर, ठीक है, ओके। तो मैं आपसे पूछा गया व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो बेटा सीधी बात है, सबसे पहली चीज तो आप इस स्पीड को 18 किलोमीटर पर आर को आप मीटर पर सेकंड में, है ना, फाइनल वेलोसिटी जो है 5/18 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड, सुना होगा आपने ये, है ना, ये आपको मैंने डिमेंशंस में निकालना भी सिखाया था, 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मीटर पर सेकंड में आंसर हो जाएगा। तो सबने आंसर दे दिया, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कितनी है जल्दी बता दो, टमाटरों सबने आंसर दे दिया, विनय सर Yes, D option is the correct answer. बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर, एवरेज एक्सेलरेशन जो होती है ना विनय सर, एवरेज एक्सेलरेशन होती है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो बेटा व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी 5, इनिशियल इज 0, है ना, अपॉन टाइम, टाइम इज 2, तो आप देख सकते हो दैट कम्स आउट टू बी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बच्चों ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करें आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी समझ में आएगा। तो बेटा व्हाट इज द फाइनल, फाइनल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस, तो 5 आई कैप, इनिशियल क्या है 0, इनिशियल थी 0, टाइम कितना लगा 2, तो आप देख सकते हो ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस बात का अर्थ समझना कि इसका अर्थ ये है कि इस पे जो फोर्स लग रही है ना, धक्का जो है वो आगे को लग रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ती ही जाएगी। यस और नो मेरे टमाटर, आ रहा है समझ में, Yes or no, जय माता दी। तो डी ऑप्शन जो है मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, करेक्ट बात, यस सर। अच्छा अब एक थोड़ा सा हम एडवांस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो आप ऑलरेडी 11th में अब आके आप सीखोगे, जो आपने पहले किया हुआ है वो हम सबको पता है। अब एडवांस क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा जो इससे बेटर क्वालिटी का प्रॉब्लम है, क्या है बेटर क्वालिटी का प्रॉब्लम, कह रहा है कार वॉज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। अब समझना जरा इस बात को, एक कार है, ये ईस्ट की तरफ जा रही थी विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, इट वाज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, ईस्ट की तरफ, ठीक है विनय सर, ओके, करेक्ट बात है। इन 2 सेकंड्स इट मूव्स विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना। अब ये एक्चुअली ना थोड़ा सा मैं ऐसे बनाता हूं, थोड़ा देख के भी अच्छा लगेगा, एक काम करते हैं बेटा, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ, तो ये गाड़ी कुछ ऐसी थी, ये 10 मीटर पर सेकंड से मेरे टमाटरों ईस्ट से जा रही थी, ईस्ट की तरफ, आई होप आपको सबको पता है ये बात, ईस्ट इधर होता है, और ये बाद में विनय सर चली गई, ये चली गई विनय सर किधर, 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ चलेगी, ठीक है विनय सर जी, ये भी बात आपकी सही है, ये नॉर्थ की तरफ चलेगी, बिल्कुल अपने को चमक रहा है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ चलेगी, ठीक है। आपसे पूछा गया है फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन, और ये हुआ कितने समय में, यहां पे वक्त 0 है, तो यहां पे जो वक्त है, यहां पर जो वक्त है वो है 2 seconds, यहां पे जो वक्त है ये कितना है 2 seconds, यस सर, करेक्ट बात, ठीक है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, तो मेरे भाई एक बात बता दो, एवरेज एक्सेलरेशन का फंडा होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, यस विनय सर, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों व्हाट इज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है 10 जे कैप, फाइनल वेलोसिटी है 10 जे कैप माइनस बच्चों इनिशियल वेलोसिटी। अब तुम्हें वेक्टर फॉर्म में आंसर देना है ना, आप अब अगर कोई बच्चा सोचे सर स्पीड तो सेम ही है, कोई बच्चा आंसर ये दे दे सर स्पीड तो सेम ही है 10 और 10, और एक्सेलरेशन कहां से आ गई, है ना, तो आप बेटा डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आएगी, वेलोसिटी का चेंज हो गया, यस, तो आंसर इज 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप अपॉन टाइम, टाइम इज 2, तो मेरे टमाटरों ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गई कितनी,
माइनस फाइव आई कैप प्लस फाइव जे कैप, माइनस फाइव आई कैप प्लस फाइव जे कैप। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल दो, ये किसके बराबर आएगा, माइनस फाइव स्क्वेयर प्लस फाइव स्क्वेयर, दैट इज फाइव रूट टू, फाइव रूट टू मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। सो आंसर इज फाइव रूट टू, आई होप सी ऑप्शन। यस 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 यस, डी नहीं मेरे भाई, डी नहीं, सी। अरे देखो फिर भाई, बेवकूफी की ना तुम लोगों ने, अगर सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, आप सोचो कि भैया वेलोसिटी का, बेटा स्पीड का चेंज नहीं हुआ। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इस बात को आप समझो, इस बात को आप समझो, स्पीड का चेंज नहीं हुआ, स्पीड चेंज जीरो है, स्पीड का चेंज जीरो है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी का चेंज जीरो नहीं है, वेलोसिटी का चेंज जीरो नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। यस सर, अभी इसके ऊपर एक और सवाल आने वाला है, बहुत बढ़िया। तो आंसर कितना निकल के आएगा, फाइव रूट टू, फाइव रूट टू, ठीक है। अच्छा वैसे जस्ट फॉर योर नॉलेज, जस्ट फॉर योर कॉमन सेंस, डन ना, क्या बात है, जस्ट एक नॉलेज के लिए। अब जो बेटा लेक्चर हमारा जितना भी पेंडिंग है, अब मेरी बात को सुन लो ध्यान से, अब जितना भी लेक्चर आगे पेंडिंग है ना, अब आप इस कंट्री के चैंपियन बनते जाओगे, हर एक मिनट में, अब हर एक सवाल आपको चैंपियन बनाने वाला मिल रहा है, ठीक है। तो अब मैं बिल्कुल वहां पे जा रहा हूं जहां पे हमारा लेक्चर कन्वर्ज होना चाहिए। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर किसी बच्चे को लगता है मुझे मुझे डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन कैसी होगी बताओ, ये एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी। अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन क्या होगी इस वेक्टर की, एक्स नेगेटिव, एक्स में माइनस फाइव, और वाई एक्स में पीछे चला गया है ना, और वाई में फिर आगे चला गया, तो ये ऐसे है फाइव एंड फाइव। तो अगर आप थोड़ा सा भी बेटा समझदार हैं, थोड़े से भी अगर आप समझदार हैं, आपको ये लेंथ दिख जाएगी, ये फाइव रूट टू है ना, ये लेंथ फाइव रूट टू है। तो ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन, तो आंसर तो आप दे दो फाइव रूट टू, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ये डायरेक्शन कौन सी है, अलॉन्ग नॉर्थ वेस्ट, अलॉन्ग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यस सर, जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर डायरेक्शन भी पूछी हो तो आप वो भी दे सकते हो। यस सर, यस सर, डन डन, जय माता दी कर दो फटाफट। और अब जैसे मैं बेटा आपको कह रहा था, अब जितने भी सवाल आने वाले हैं वो सारे माइंड डेवलपिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे ये टमाटर दिख रहा है ना तुम्हें, अब टमाटर मेरे लेक्चर से पहले अगर इतना था, अब वो इतना हो चुका है, और अब बेटा मैं यहां पर लेके जाने वाला हूं, अब मैं अपने टमाटर को और बड़ा करने वाला हूं, मैं यहां पर लेके जाने वाला हूं। यस सर, यस सर, डन है ना, हाँ। अरे कोई कह रहा है, अरे यार, अरे यार, एक तरह की तो फील लेते रहते हैं यार, जबरदस्ती की फील लेते हैं सर, बट द कार, ये कोई पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है कि सर कार तो ईस्ट पे जा रही थी और फाद में नॉर्थ चलेगी, तो एक्सेलरेशन इधर क्यों आ रही है। अरे मेरे भाई, बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है, अगर कोई कार यहां से यहां चली गई, सीधी सी बात, जरा सोच के देख, इसको सोच के देख, एक सर्कल में जा रही है, ऐसे सोच के देख, एक सर्कल में जा रही है, अगर एक गाड़ी यहां से यहां चली गई, तो बेटा कोई चीज होगी, कोई चीज हो गई, जो धक्का लगेगा ना वो कुछ ऐसे लगेगा, अगर कोई उसके रोकेगा उसको इस डायरेक्शन में, तभी वो मुड़ पाएगी, तभी वो मुड़ पाएगी, फील करने का प्रयास कर। अगर कोई चीज हम सर्कल में घुमाते हैं, तो सोच वो धागा जो है वो उसे रोक के रखता है ना, सोच कर जिससे हमने पकड़ा होता है, ठीक है। जबरदस्ती की फील मत लिया करो यार। सर सर, गाड़ी ईस्ट में जा रही थी सर, सर एक्सेलरेशन इधर क्यों आ गई। अरे ये बस आ गई ना, बस सीधी बात है, आप फीलिंग मिल जाएगी, समय के साथ मिलेगी, ठीक है। ओके, आ जाइए, अब टमाटर रेडी हो जाओ, है ना, अब टमाटर रेडी हो जाना। अब तुम्हें कसम है ना, कोई एक भी बच्चा रोएगा नहीं, कोई एक भी बच्चा क्लास छोड़ेगा नहीं, हर बच्चे को पूरा सुनना है और मजे लेने हैं, क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग डेवलप होने वाले हैं, अब तुम्हारे दिमाग डेवलप होने वाले हैं, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये दो बातें हैं, कह रहा है डी बाय डी टी, डी वी वेक्टर बाय डी टी का मॉड, एक ये टर्म लिखी है, ठीक है, और एक टर्म आपके सामने लिखी है डी बाय डी टी मॉड ऑफ वी, डी बाय डी टी मॉड ऑफ वी। तो मुझे बताओ ये दो बातें क्या हैं, ये दो बातें क्या है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो मैं सिखाने वाला हूं, ठीक है। हाँ, ध्यान से सुनना विनय सर की बात को, डी वी वेक्टर, इस बात को आप समझो बेटा, अगर मैं डी वी बाई डी टी लिखता हूं और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो डेफिनेटली ये मुझे क्या प्रोवाइड करती है, ये मुझे प्रोवाइड करती है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। और अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा हूं और मैं उसके बाद उसका मॉड ले रहा हूं, मैं मॉड ले रहा हूं, तो मतलब ये आपको क्या दे रहा है, इट इज गिविंग यू अ मैग्नीट्यूड ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, जो वेलोसिटी है, तो ये बेसिकली आपको वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ है उसका मैग्नीट्यूड, बेसिकली कहने का मतलब ये जो वैल्यू है ये आपको देती है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ये आपको क्या देती है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देती है, करेक्ट बात, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, है ना। और अगर हम फील वाली बात कहें, कहीं ना कहीं फीलिंग क्या है, अगर अगर मैं फील वाली बात कर दूं, इसके अंदर एक फील जोड़ दूं, तो फील ये है कि ये टर्म कहीं ना कहीं इट इज लिंक्ड विद द वेलोसिटी चेंज। चैट बॉक्स में बेटा जय माता दी लिख दो। यस सर, इट इज लिंक्ड विद द वेलोसिटी चेंज। यस सर, गैस सर, वेलोसिटी के चेंज से कहीं ना कहीं वो चीज आपकी लिंक्ड है, कहीं ना कहीं वो चीज आपकी लिंक्ड है। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डन। अच्छा, अब मेरी बात को सुनना, है ना, अब मैं आपको जो भी बताने वाला हूं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो भी विनय सर कहने वाले हैं। अब अगला पॉइंट क्या आ रहा है, अगला पॉइंट ये है, आपके सामने लिखा है d/dt ऑफ मॉड v। अब इसको जरा ध्यान से देखना, d/dt ऑफ mod v, है ना। अब ये क्या है d/dt ऑफ mod v, इसको जरा समझने का प्रयास करना, ये अलग चीज है, ठीक है। ये क्या है बेटा, mod of v क्या है, v वेक्टर का mod क्या होता है, जल्दी बताओ, v वेक्टर का mod क्या है, v वेक्टर का mod क्या है, स्पीड, v वेक्टर का mod क्या है, है ना, समझ ना, velocity का magnitude, magnitude of velocity है ना, ये magnitude of velocity है, ठीक है विनय सर, सही कह रहे हो आप, है ना। तो magnitude of velocity क्या होता है विनय सर, स्पीड, ये है स्पीड का चेंज, समझ, इट इज d/dt ऑफ मॉड वी। इस मॉड वी को सिंप्लीफाई कर लो, है ना, एक केस में सुनो मेरी बात को, एक केस में मॉड बाहर था, एक केस में मॉड अंदर है, लेकिन दो चीजें अलग है, ये दो चीजें अलग है, तो मतलब इट इज d/dt ऑफ स्पीड, है ना। तो मतलब ये क्या आपको दे रहा है, ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है स्पीड का चेंज, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, है ना, ये स्पीड का चेंज है, रेट ऑफ चेंज। और आपको सही बताऊं बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होती है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कुछ नहीं होता। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का मतलब वैसे कुछ होगा, लेकिन ये कोई एक कोई टर्म नहीं है जिसको हम पढ़ते हैं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और अगर मैं इसके अंदर एक फील जोड़ दूं, तो फील ये कहती है इट इज लिंक्ड विद दी, जल्दी बताओ किससे लिंक्ड है ये, इट इज लिंक्ड विद दी स्पीड चेंज, है ना, स्पीड के चेंज से लिंक्ड है। यस सर, जय माता दी, आ रहा है समझ में टमाटर, है ना, तो इट इज लिंक्ड विद दी स्पीड चेंज, ठीक है। तो भाई दो, तो ये दो बातें हैं, इस बात को समझो। अगर तुम्हारे सामने बेटा, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये हम 15 साल एक्सपीरियंस लोगों से भी कई बार रिक्रूटमेंट में पूछते हैं, तो वो भी फंस जाते हैं इन चीजों में। तो d/dt ऑफ मॉड जो होता है, इट इज दी लिंक्ड विद, ये वेलोसिटी के चेंज, मतलब एक पर सेकंड कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, ये उसकी वैल्यू है। और d/dt ऑफ मॉड भी जो है, ये स्पीड के चेंज से लेंगे, ठीक है। तो अब बच्चों हम एक सवाल करते हैं, अब हम आपके सवाल करते हैं, सवाल पे आ जाओ, दिल दे दिए तुमने बहुत सारे। ऐसा पॉसिबल है कि d/dt ऑफ मॉड भी जीरो हो जाए, लेकिन dv/dt का मॉड जीरो ना हो। बेटा मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताओ, dv/dt का मॉड जीरो ना हो, ऐसा पॉसिबल है, जल्दी बताओ, है ना, ऐसा हो सकता है क्या, ये बताओ जरा, पॉसिबल है, एब्सोल्यूटली पॉसिबल है। कैसे है? यस। अब इसका मतलब क्या है, देखो अब ये कैसे सुनाई देगा तुम्हें, है ना, ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, स्पीड, समझ रहे हो, अगर d/dt ऑफ ये मॉड जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, ये है स्पीड का चेंज, इस कैसे समझो, स्पीड का चेंज, है ना, ये किससे लिंक्ड है, ये स्पीड के चेंज से लिंक्ड है। तो स्पीड का चेंज जीरो है, मतलब स्पीड क्या हो गई, इसको समझो, ऐसे ऐसे पढ़ोगे आप, स्पीड क्या होगी कांस्टेंट, स्पीड का चेंज अलाउड नहीं है, स्पीड हो गई कांस्टेंट, लेकिन है ना, d/dt, अब ये क्या है, what is this thing, वेलोसिटी का चेंज, ये dv/vector, यही बताया तुम्हें मैंने, ये जो मॉड है ये वेलोसिटी के चेंज से लिंक्ड है, और ये जो टर्म है ये स्पीड के चेंज से लिंक्ड है, तो ये तुम्हारे सामने लिखा है वेलोसिटी का चेंज, ये तुम्हारे सामने मेरे टमाटरों लिखा है वेलोसिटी का चेंज।
तो वेलोसिटी का चेंज जीरो नहीं है, है ना, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो है ना, ये इक्वल टू जीरो नहीं है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, तभी उसका जो चेंज है, तभी उसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो नहीं है। बच्चों समझ में आया कि नहीं है? तो अब बताओ कैसा पॉसिबल है, कैसा पॉसिबल है, कैसा पॉसिबल है? ये तुम्हारे सामने अभी हमने एक क्वेश्चन किया, एक गाड़ी अगर एक सर्कल में घूमे, अगर एक गाड़ी सर्कल में घूमे, इस बात को आप समझिए, एक गाड़ी अगर एक सर्कल में घूमे तो किसी भी वक्त, किसी भी वक्त, है ना, अगर स्पीड कांस्टेंट रहे 10 मीटर पर सेकंड, हर वक्त स्पीड कांस्टेंट रहे 10 मीटर पर सेकंड, सोचते जाओ मेरी बात को, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, है ना, तो मुझे एक बात बताओ, स्पीड कांस्टेंट रही, स्पीड कांस्टेंट रही, इस बात को आप समझिए, डी वी वेक्टर बाय डीटी, ये स्पीड का चेंज है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, वेलोसिटी का जो चेंज है, वेलोसिटी का जो चेंज है वो जीरो नहीं है, वेलोसिटी इसका जो मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा वो जीरो नहीं है, वो जीरो नहीं है। यस सर, यस सर। तो कोई भी चीज जब डायरेक्शन चेंज करे लेकिन अपना मैग्नीट्यूड और स्पीड सेम रहे, तब ये चीज पॉसिबल है, तब ये चीज आपकी पॉसिबल है, तब ये चीज आपकी पॉसिबल है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, दे आर माइंड डेवलपिंग क्वेश्चन, और इस बात को याद रखना मेरे टमाटरों, है ना, हाँ इस बात को याद रखना, ये जो सवाल होते हैं ना बेटा, ये एक्चुअली आपके दिमाग को डेवलप करते हैं, और मेरा तो बेटा एक ही टारगेट है, अगर टमाटर हमारे पास आए हैं तो टमाटरों की बुद्धि में वृद्धि होनी चाहिए, बुद्धि में वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, हमारा टॉपिक डन, टॉपिक डन, आज का लेक्चर खत्म, जाना मत। कितने बच्चे स्वीडिश खाना चाहते हैं? मेन कोर्स हो गया, बफे आपके सामने लगा दिया मैंने, खाना खा लिया तुम लोगों ने, अब स्वीडिश कितनों का मन है मुझे बताओ। मैं हर एक को तो नहीं बताता, मैं बस कह लो थोड़ा बस प्यार है तुम लोगों से, तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं, तुम बताओ तुम्हारा मन है तो बताऊंगा, अगर नहीं है तो मैं सच में बंद कर दूंगा, मैं आई एम वेरी वेरी ऑनेस्ट। है मन, है ना, बच्चे कह रहे हैं सर प्लीज प्लीज, मुझे बड़ा अच्छा लगता है टमाटर जब प्लीज बोलते हैं ना, थोड़ा मैं गंदा इंसान भी हूँ, टमाटरों से रिक्वेस्ट करा के अच्छा लगता है मुझे, है ना, ए प्यारे प्यारे टमाटर गुल्लू गुल्लू से, है ना, चल प्लीज चल दन, है ना, चलो। तो टमाटर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो बच्चों लेट्स हैव सम स्वीडिश, जिसकी मैं आपके सामने बात कर रहा था, तो देखो ये भी हमारा प्यारा सा कोई टमाटर है, तो ये भी इतना बड़ा बेटा खा रहा है डोनट, देख रहे हो, है ना, तो लेट्स हैव सम स्वीडिश गाइस, ठीक है। तो स्वीडिश आने वाली है, तो मैं फिर ये आपसे बात बार बार बोल रहा हूँ, स्वीडिश को स्वीडिश की तरह लेना, टेंशन नहीं लेनी हमें, अगर 20% भी समझ में आ गया, मैं इतना ही बोल रहा हूँ, मेरा टारगेट 20% है, अगर तुम्हें 20% भी समझ में आ गया तो मेरे लिए काफी है, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा ही दे रहा हूँ, स्वीडिश के तौर पे दे रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपको काफी कॉन्फिडेंस देगा, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस एडवांस तक, और मतलब सच बताऊं तो थोड़ा सा स्टेज 2 INPHO में आपको ऐसे क्वेश्चंस काफी काम में आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा एक लेवल में और ऊपर लेके जा रहा हूं आज अपने सेशन को, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको फिजिक्स ओलंपियाड में स्टेज 2 पे ऐसी चीजें जरूर काम में आएंगी। तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, आपको अब विनय सर सिखाने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो आज का सेशन दुनिया गोल है, जहां से चली घूम के वहीं पे वापस आ गई, डिस्टेंस से शुरू किया, तो अब मैं आपको दोबारा डिस्टेंस पढ़ाने लगा हूं। भूल जाओ तुम्हें डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं पता, भूल जाओ तुम्हें डिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो अब आ जाओ, शुरू से पढ़ते हैं, स्क्रैच से, खत्म होने के बाद, वी आर फिनिश्ड एंड वी आर अगेन स्टार्टिंग, नया जन्म हो गया, नया जन्म। तो चलो बच्चों अब ध्यान से देखना जो विनय सर सिखाएंगे, ठीक है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं किसी एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट ए से किसी एक पॉइंट बी तक गया, मैं किसी एक पॉइंट ए से किसी एक पॉइंट बी तक गया, और बच्चों अगर मैं ए से बी गया तो लेट्स से बच्चों मैंने एक रैंडम कर्व अपनाया, मैंने एक रैंडम कर्व अपनाया, मेरी बात को सुनते रहना। इस कर्व में, ये एक रैंडम कर्व है, इस कर्व में मेरे टमाटरों, अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं, सुनते रहना मेरी बात को,
मुझे इस कर्व की लेंथ निकालनी है। ओके, उद्देश्य डिस्टेंस मतलब क्या है, डिस्टेंस का मतलब क्या है, यहां पे डिस्टेंस का मतलब ये है, मेरा उद्देश्य क्या है, आई नीड टू फाइंड दी लेंथ ऑफ कर्व, मुझे इस कर्व की लेंथ निकालनी है कि ये कर्व कितनी लेंथ का है, है ना। जो छोटी क्लासेस में आप बोलते थे धागा लगा दिया, धागा को लगा के बाद में खोल के सीधा कर लिया, अब तुम्हें मैं बबर चेयर बना रहा हूं, तुम्हें मैथमेटिकली इस कर्व को निकालने का मेथड देने वाला हूं, तुम्हें मैथमेटिकली मेथड मिलने वाला है कि इस कर्व को कैसे निकालेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं मेरे टमाटरों यहां पे इस कर्व के ऊपर एक छोटी सी लेंथ काट लूं, ये एक छोटी सी लेंथ, इस लेंथ का नाम रख दो डीएल, इस छोटी सी लेंथ का नाम रख दो डीएल, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, इस लेंथ को अगर हम थोड़ा सा जूम करें, अब मेरी बात को ध्यान से देखना, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे दिनेश सर, ठीक है, ये एक थोड़ी सी एंगल पे होगी लेंथ, ये थोड़ी सी एंगल पे होगी, तो एक काम करते हैं अपन इसको जूम कर लेते हैं, अपन इसको जूम कर लेते हैं, आई हैव जूम दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ठीक है, क्या कर दिया मैंने, जूम कर दिया। अब जब जूम कर दिया तो सर क्योंकि वो लेंथ बड़ी छोटी है तो वो स्ट्रेट दिख रही होगी, बहुत छोटी लेंथ है, बहुत छोटी लेंथ है, आपने सर जूम किया, ये तो आपकी आपकी दिक्कत है, हमारी थोड़ी है, तो वो जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो डीएल होगी, ठीक है। अच्छा, अब मेरी एक बेटा बात बताना, क्योंकि वो लेंथ बहुत छोटी है तो उसकी उसकी जो हॉरिजॉन्टल, यहां पे ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ होगी ये भी कितनी होगी, ये डीएक्स होगी, है ना, और ये जो वर्टिकल लेंथ होगी ये कितनी होगी, ये डीवाई होगी, मेरे ख्याल से बहुत लॉजिकल है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ यहां पे आपको दिखेगी ये वाली, दिस विल बी डीएक्स, और ये वाली जो वर्टिकल लेंथ दिखेगी ये कितनी होगी, ये डीवाई दिखेगी, मैंने थोड़ा सा जूम करके यहां भी बना दिया, डीएक्स एंड डीवाई, यस विनय सर बिल्कुल दिखेगी, कोई इशू वाली बात नहीं है, करेक्ट बात है, करेक्ट बात है विनय सर। तो बच्चों इस डीएल की वैल्यू को अगर मैं लिख लूं, अगर मैं इस डीएल की वैल्यू को लिख लूं तो ये डीएल किसके बराबर है, ये डीएल किसके बराबर है, दिस डीएल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डीएक्स स्क्वायर प्लस डीवाई स्क्वायर, है ना, इट इज अंडर रूट ऑफ डीएक्स स्क्वायर, समझ लो, दिस डीएल इज इक्वल टू रूट डीएक्स स्क्वायर प्लस डीवाई स्क्वायर, यस सर, यस सर, करेक्ट बात है, जय माता दी, ठीक है। और बेटा, और बेटा, अगर मैं ऐसी सारी छोटी छोटी लेंथ सारी जोड़ दूं, ऐसी छोटी छोटी लेंथ सारी जोड़ दूं, है ना, सारी जोड़ दूं तो मुझे पूरी लेंथ मिल जाएगी, चैट बॉक्स में लिख दो जय माता दी। तो अगर मुझे लेंथ ऑफ कर्व लेना है, अगर मुझे लेंथ ऑफ कर्व लेना है तो मेरे टमाटरों में ये जो छोटी लेंथ निकली है रूट ऑफ डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर, ये सारी लेंथ अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, है ना, इसे मैं अगर जोड़ दूं तो सर मुझे पूरी लेंथ मिल जाएगी, मुझे सर पूरी लेंथ मिल जाएगी, यस सर, यस सर, जय माता दी, जय माता दी। तो हो गया बेटा सॉल्व, हो गया सॉल्व, ये स्वीडिश थी, है ना। अब देखना जरा, अब इसको थोड़ा सा और ये अब देखो, ये थोड़ा गंदा लग रहा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, ये थोड़ा सा गंदा लग रहा है ना, इसे थोड़ा सुंदर बनाते हैं, इसको थोड़ा मेकअप करते हैं, क्या करेंगे अपन इसका, बिल्कुल सर विनेश सर, अपन इसका करेंगे मेकअप। अब देखो मेकअप होने वाला है ना। अब मेकअप क्या है, मेकअप को सुनना जरा आराम से, मेकअप क्या है, मेकअप यह है कि अगर मैं डीएक्स को कॉमन निकाल दूं बाहर, अगर मैं डीएक्स को खींच के बाहर निकाल दूं तो मेरी बात को ध्यान से देखना, अंदर क्या आ जाएगा वन प्लस, सुनते जाओ, अंदर क्या आ जाएगा, डीएक्स को अगर कॉमन निकाल दिया तो यहां पर आपके पास आ जाएगा डीवाई बाय डीएक्स का स्क्वेयर, डीवाई बाय डीएक्स का स्क्वेयर, ठीक है ना, और dx मैंने बाहर कॉमन निकाला है तो dx एक और आ गया, dx बाहर आ गया, dx का स्क्वायर अगर आप कॉमन निकालोगे तो रूट के अंदर वो dx फिर आ जाएगा, और इस सारे का इंटीग्रेशन, चैट बॉक्स में लिख दो जय माता दी, हो गया सॉल्व। हो गया सॉल्व। तो तुम्हें कर्व की लेंथ बच्चों निकालनी आ गई, कैसे लेंथ निकलती है किसी भी ग्राफ की लेंथ कैसे निकलती है, अंडर रूट ऑफ वन प्लस उस ग्राफ के डेरिवेटिव का स्क्वायर कर दो और उसे डीएक्स के साथ इंटीग्रेट कर दो, तुम्हें ग्राफ की लेंथ मिल जाएगी। यस सर, जय माता दी, आ रहे, जुड़े हुए हो ना साथ, ठीक है, कूल, ठीक है, जय माता दी विनय सर। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कैसे निकलती है लेंथ, अंडर रूट ऑफ वन प्लस उसके डेरिवेटिव का स्क्वायर कर दो और डीएक्स बाहर रख के उसे इंटीग्रेट कर दो, तुम्हें ग्राफ की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं कुछ करके दिखाता हूं आपको, ये मैंने आपको यहां फॉर्मूला दे दिया, ठीक है ना, अगर आपको किसी भी ग्राफ की, मान लो x1 से x2 तक, हमें एरिया अंडर द ग्राफ आता है। अब तुम बड़े हो गए, मैंने तुम्हें क्या सिखाया, है ना, ये INPHO फिजिक्स ओलंपियाड में ये चीजें यूज होती हैं। अगर आपको ग्राफ की लेंथ निकालनी है तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है,
ध्यान से सुनिएगा, आपने क्या करना है, ग्राफ की लेंथ कैसे निकालनी है, आपने 1 प्लस उस ग्राफ का स्क्वायर करना है, डेरिवेटिव का स्क्वायर है, dy by dx का स्क्वायर करना है, अंडर रूट के अंदर dx और उसे इंटीग्रेट करना है x1 से लेकर x2 तक, है ना, अंडर रूट के अंदर यहां पे स्क्वायर है और फिर आपने उसको इंटीग्रेट। और एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अब एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ अब एक सवाल करते हैं जिससे आपको पूरा चमक जाएगा विनय सर क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, कोई इशू नहीं बेटा, एक फंक्शन है y इक्वल टू x, मेरी बात को समझना ठीक है, पहले मुझे बताओ क्या ये फंक्शन तुम ड्रा कर सकते हो, क्या इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं y इक्वल टू x को, क्यों नहीं कर सकते विनय सर, इतनी मेहनत की है तुम आपने हम पे, अभी भी अगर हम नहीं ड्रॉ करेंगे तो विनय सर आप हमें थप्पड़ मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके टमाटर हैं। तो y इक्वल टू x बच्चों आपको बताया इस y इक्वल टू mx, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन है ना, पासिंग थ्रू रीजन की स्ट्रेट लाइन है। और यार ये एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है आपका 45 डिग्री, स्लोप आपकी 1 है, ये एंगल क्या होता है 45 डिग्री, स्लोप आपकी 1 है, यस सर, यस सर। आपसे पूछा गया है x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू 2, है ना, x इक्वल टू 0 मतलब ये एक पॉइंट है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, जब मैं x को 2 पुट करूंगा तो आप समझिए इस बात को, जब मैं x को 2 पुट करूंगा तो y भी 2 मिलेगा, है ना, तो मतलब ये x 2 है y 2 है, आपसे पूछा गया है समझ लो, x को 2 पुट करोगे तो y भी 2 पुट करोगे, आपसे पूछा गया है 0 से लेके 2 तक आपको लेंथ देनी है, आपको यहां से लेके यहां तक की लेंथ देनी है बेटा, तो लेंथ बताओ कितनी है, चैट बॉक्स पे लिख के बताओ कितनी लेंथ है, x = 0 से x = 2 इस ग्राफ की लेंथ देनी है 0 से लेके 2 तक, कितनी लेंथ आ रही है, कितनी आ रही है 2√2 आ रही है, कितनी आ रही है 2√2 आ रही है, क्यों, क्योंकि हमने फटाफट निकाल दिया पाइथागोरस थ्योरम लगा के, हमने फटाफट निकाल दिया, है ना, और ये हमें पता है, ये समझ में भी आता है, ये समझ में भी आता है। अब देखना इसी का मैं तुम्हें एक और मेथड दे रहा हूं, तुम लोग क्या करो थोड़े से बब्बर शेर बन जाओ, अब तुम क्या करो इसका डेरिवेटिव लो पहले, है ना, डेरिवेटिव लो y डैश, डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है विनय सर, 1 होता है ठीक है। अब मैं आपको कर्व की लेंथ बता रहा हूं, मैं आपको कर्व की लेंथ दे रहा हूं, तो कर्व की लेंथ का बेटा ये फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेट ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर, बेसिकली dy by dx जो होता है ना उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, y डैश बोलते हैं, है ना, तो डेरिवेटिव का स्क्वायर कर दो और साथ में लिख दो dx, साथ में लिख दो क्या dx, यस सर करेक्ट बात है विनय सर। तो बच्चों आपको इसे इंटीग्रेट करना है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर बताओ, y डैश अगर मेरा 1 है, y डैश मेरा अगर 1 है तो यहां पे डेरिवेटिव का स्क्वायर आ जाएगा 1 स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इनटू dx, तो मेरे टमाटरों ये क्या बन गया √2, है ना, और 0 से 2 तक, 0 से लेके 2 तक, तो ये अंडर रूट 2 है, इस अंडर रूट 2 को बाहर ले दो कांस्टेंट के साथ और dx रह जाएगा अंदर, अंदर रह जाएगा dx 0 से लेके 2 तक, तो आप देख सकते हो आंसर क्या आ रहा है √2, dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा विनय सर x लिमिट 0 से लेके 2 तक, तो √2 एक बार अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर आ जाएगा 2√2, आंसर आ जाएगा 2√2, यस सर, यस सर, आ रहा है, आ रहा है बच्चों, चैट बॉक्स में ले दो, जय माता दी, सर समझ गए, है ना। देखो ये एक और मेथड है जिससे तुम ग्राफ की, किसी भी ग्राफ की लेंथ को निकाल सकते हो, किसी भी ग्राफ की लेंथ को निकाल सकते हो, यस सर, आ गया सर, फील आ गई, पूरी फील आ गई, है ना, नजारे आ गए, ठीक है। अब देखना जरा, अब देखना, अगर यही मैं तुमसे पूछूं एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट, अब देखते जाओ बस, मजे आते जाएंगे तुम लोगों को, अगर एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया किसी एक क्वार्टर सर्कल में, है ना, एक क्वार्टर सर्कल में, मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो चलो तुम्हें हमने निकाल भी ली, तुम डिस्टेंस बताओ, अगर मैं किसी एक क्वार्टर सर्कल में ट्रेवल कर गया, मतलब ये पूरा सर्कल होता है ना, तो मैं अगर ए से बी ट्रेवल कर गया एक क्वार्टर सर्कल में, तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, क्या आंसर है, πr/2, है ना, πr/2, 2πr का 1/4 कर दिया, πr/2। अब मैं बच्चों तुम्हें इसी चीज का प्रूव करके दिखाऊंगा, ये सर्कमफ्रेंस 2πr कैसे निकलता है, सर्कमफ्रेंस का प्रूफ, हमने एरिया ऑफ सर्कल तो प्रूफ किया था, आज मैं तुम्हें सर्कमफ्रेंस का प्रूफ भी देने वाला हूं, आज मैं तुम्हें Yes, अब इसका प्रूव हम करने वाले हैं, एग्जैक्टली आंसर सबको पता है, ठीक है ना, मैं एग्जांपल्स वो ले रहा हूं ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस फील हो, बस और कोई पर्पस नहीं है अपना। तो बच्चों एक बात याद रखना, किसी भी सर्कल की जो इक्वेशन होती है, अब शुरू करने लगा हूं, अब सुनते जाना, वो होती है x2 + y2 = r2, किसी भी सर्कल की इक्वेशन जो होती है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पीछे की इक्वेशन दे दी y = x, मैंने आपको इक्वेशन दे दी y = x, ठीक है, तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन हमेशा याद रखना, वो होती है x2 + y2 = r2, आप इसको मैथ्स में डिटेल में पढ़ोगे, मैं आपको एक बार प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ इक्वेशन कैसे निकली है, क्योंकि प्रूफ कुछ है ही नहीं,
है ना, कोई भी अगर एक पॉइंट बेटा यहाँ पे x, y उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपको पता है ये रेडियस आर है, आपको पता है ये रेडियस विनेसर आर है, और x, y का मतलब क्या है, ये हाइट y है और ये लेंथ x है, ये हाइट y है और ये लेंथ x है, तो आप समझ रहे हो है ना, तो x, y का मतलब क्या, ये x है ये y है, तो पाइथागोरस थ्योरम में x + y इसके इक्वल टू r स्क्वायर, इसके अंदर तो कोई बड़ी बात है नहीं विनेसर, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो, करेक्ट है विनेसर, ठीक है। अच्छा तो बेटा y किसके बराबर आ गया, y किसके बराबर आ गया, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट, y किसके बराबर आ गया है ना, आप y को, y की वैल्यू निकाल लो, x को आप उधर ले जाओ, तो y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। यस सर, देखो मैं करना क्या चाहता हूँ बच्चों, अगर तुम मेरा थोड़ा सा साथ दोगे तो तुम समझ पाओगे विनय सर का उद्देश्य क्या है। विनय सर ये चाहते हैं कि ये x एक्सिस है मेरे टमाटरों, ये y एक्सिस है, और तुम एक एक इस आर्क पे चले, तुम एक इस आर्क पे चले विच इज अ सर्कमफ्रेंस, और डेफिनेटली किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, और आपको यहां पे गिवन है x square प्लस y square मेरे टमाटरों इक्वल टू r square, इट इज इक्वल टू r square। यस सर करेक्ट बट है, तो बेटा यहां पे y की वैल्यू किसके बराबर आई है, r square माइनस x square का अंडर रूट, r square माइनस x square का अंडर रूट, करेक्ट बात है विनय सर, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं हाँ जी, अगर मैं तुम्हारे सामने इस चीज का अगर मुझे लेंथ निकालना है ना, मुझे क्या करना है विनय सर, आपको विनय सर इस ग्राफ का लेंथ देना है, ये लेंथ कैसे निकला, तो बच्चों अगर मुझे ये लेंथ निकालना है किसी भी ग्राफ का, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या है, कर्व लेंथ कैसे निकलती है जल्दी बताओ, कर्व लेंथ कैसे निकलती है, कर्व लेंथ निकलती है अंडर रूट ऑफ, मेरी बात को सुनते जाओ, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर, बाहर dx कर दो और इसे इंटीग्रेट कर दो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर, यस सर है ना, हाँ बिल्कुल 1 प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर और उसे dx के साथ क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों आपके पास y आ चुका है, आपके पास y, यहां पे y आ चुका है, तो तुम्हें बस इसका डेरिवेटिव लिखना है, ठीक है। तो भाई डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, सर आपने बहुत अच्छी तरह सिखा रखा है कि अगर y r square minus x square की पावर हाफ है, अगर y r square minus x square की पावर हाफ है, तो बच्चों इसका टमाटरों बताओ डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं हम जल्दी बताओ, हमने आपको मेथड बताया हुआ है, समथिंग याद कर लो, समथिंग की पावर हाफ है, समथिंग की पावर हाफ है, तो पावर आगे ले आओ, पावर आगे ले आओ, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। और समथिंग की पावर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एक कम कर दो माइनस हाफ आ जाएगा, हाफ को आगे ले आओ और एक पावर कम कर दो, दैट इज माइनस हाफ, करेक्ट बात है। और इसके साथ आपने अंदर वाली चीज को फिर डिफरेंशिएट करना है, तो आर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। चेन रूल याद है आपको, अगर समथिंग की पावर हाफ हो, पावर आगे ले आते हैं, उस चीज को डिफरेंशिएट करते हैं, पावर माइनस हाफ आ जाएगी, और अंदर वाली चीज को फिर पेल देंगे, उसको फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, चक दे फटे कर दो, चेन रूल। और मेरे भाई यहां से देखो मेरे बब्बर शेरों, यहां से तुम्हें दिख गया होगा कि ये 2 से 2 कट गया, तो जो डेरिवेटिव आ रहा है ये पावर नीचे आ गई, ऊपर आ गया माइनस एक्स, तो इट इज माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर है ना, माइनस एक्स, चेन रूल, हाँ, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो भाई बात बहुत सीधी सी है, बिल्कुल बहुत सीधी सी है, तो आपने ये उठा के बेटा अब यहां डालना है और इसे इंटीग्रेट करना है, और बेटा एक्स कहां से कहां चेंज हो रहा है जल्दी बताओ, है ना, x हम कहां से चले, हम यहां से चले ना, हाँ, तो हमें यहां से यहां जाना है, x की लिमिट्स क्या होंगी, 0,0 से, ये समझ रहे हो, r,0, तो अगर x की लिमिट्स है ना, ये वेरिएबल सब कुछ x में जा रहा है, तो आप इसकी लिमिट्स आप डाल देंगे, x की वैल्यू 0 से लेके r तक आपको इंटीग्रेट करना है, तो देखिए ये इंटीग्रेट आ जाएगा 0 से लेके r तक, मेरे भाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर, डेरिवेटिव का स्क्वायर कर दो, तो ये स्क्वायर करके कितना आ जाएगा, स्क्वायर कर दोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बगल में आ जाएगा आपके पास dx, बगल में आपके पास आ जाएगा dx, एंड नाउ यू टेक LCM, इसको आप इधर ले जाओ, है ना, तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो आपके पास क्या दिखेगा, कर्व लेंथ की वैल्यू आपको क्या दिखेगी, कर्व लेंथ की वैल्यू आपको दिखेगी, यू टेक LCM 0 से लेके r तक अंडर रूट ऑफ यू टेक LCM r square minus x square
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स, इनटू डीएक्स, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, ये सारा है ना, ये सारा देखो आप इंटीग्रेट करना, ये देखो ये आपका यहां से कट जाएगा, ये आपका यहां से कट जाएगा, आर स्क्वायर का अंडर रूट बेटा आ जाएगा बाहर, आर स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा बाहर, और मेरे मेरे टमाटरों ये क्या बन गया, ये आपके सामने बन गया इंटीग्रेट ऑफ जीरो टू आर, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू आर डीएक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये क्या बन गया डीएक्स अपॉन अंडर, समझ रहे हो, आर मेरा बाहर आ गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में आपका यहां पे आ जाएगा डीएक्स, यस सर बच्चों, यस सर, आ रहे समझ में, आ रहे समझ में टमाटर, है ना। अच्छा अब मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ये इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ, ये भी याद रखो इसका इंटीग्रेशन होता है ना, यस सर, हाँ, अब ये तुम लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय आर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय आर, है ना, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय आर लिमिट जीरो से लेके आर तक। एक्चुअली क्या है बेटा, एक्चुअली क्या है ना, अगर मैं आपको सच बताऊं, इफ आई ऑनेस्टली टेल ऑल ऑफ यू, दिस इज एन इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप जैसे जब थोड़ा सा जब हमारे बड़े हो जाओगे ना तुम टमाटर, तो तुम इस इंटीग्रेशन को प्रूव भी कर लोगे, कोई वैसे इतना बड़ा है भी नहीं, तुम्हारा होमवर्क है, तुम प्रूव कर भी लेना, चलो अभी कर लेते हैं यार, इतना भी क्या ही है ना। तो आपके सामने क्या है ये इंटीग्रेशन में, आपके सामने इंटीग्रेशन में गिवन है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ, बच्चों अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, और तुम्हें अगर बेटा इसे डीएक्स के साथ इंटीग्रेट करना है, अगर तुम्हें इसे डीएक्स के साथ इंटीग्रेट करना है, तो मेरे टमाटरों इस बात को याद रखना, इसका जो आंसर आता है वो आता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, इसका आंसर क्या आता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, यस यस ओके हाँ। तो अब एक्चुअली मैं ये बता देता हूँ, ये वैसे ना मैं आगे यहाँ स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो ये निकलता कैसे है, कोई मुश्किल काम है ही नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर विनय सर ने आपको बताया है किसके बराबर होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, किसके बराबर होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। अब देखो जरा कैसे करना है, एक सेकंड का काम है, ठीक है, मैं इसको प्रूव कर देता हूँ, बहुत सिंपल सा प्रूव है। अगर मैं एक्स को, अब देखो मुझे तो पता है ना, मुझे तो पता है, इसको सब्स्टिट्यूशन से प्रूव कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मैं तो बेटा बबर से आदमी हूं, मैं तो एक सेकंड में प्रूव कर दूंगा, तो मुझे पता है इसको ऐसे करने से आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आप x को a sin थीटा लेते हो, अगर आप x को a sin थीटा लेते हो, जब आपको याद हो सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको इंटीग्रेशन में सिखाया था, आप किसी चीज को t ले लेते हो, तो मैंने क्या किया, मैंने x को एक वेरिएबल ले लिया a sin थीटा, इसका बेनिफिट देखना आप क्या होगा। अगर मैंने, अब मुझे तो पता है कि ऐसा करना है, तो मैं भी टाइम से पता लग जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तो बताओ x को अगर a sin थीटा ले लें, और डेफिनेटली बेटा अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो क्या आ जाएगा, a sin थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, sin थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा cos थीटा, और इधर आ जाएगा dx by d थीटा, इधर आ जाएगा dx by d थीटा, sin का आ जाएगा cos, इधर आ जाएगा dx by d थीटा। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो dx की वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा into d थीटा, dx की वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा into d थीटा, यस सर, यस सर। तो अब मैं अगर बेटा इसकी वैल्यू ऊपर डाल दूं, अब मैं अगर इसकी वैल्यू ऊपर डाल दूं, तो देखो ये क्या बन गया, ये आपके पास क्या बन गया मेरे टमाटरों, ये बन गया dx, है ना, dx is equal to a cos theta into d theta, मेरे टमाटरों देखते जाओ, dx is equal to a cos theta into d theta, और नीचे गए, नीचे गए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या डाल दो, ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब सुनते जाओ, अब सुनते जाओ, तुम्हारे सामने ये लिखा है ए कॉस थीटा, और ए को अगर कॉमन निकाल दो, अंडर रूट के बाहर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के बाहर क्या आ जाएगा ए, और अंदर आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, बेटा खुद क्या होता है कॉस थीटा, अगर तुम्हें याद हो ये भी एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट क्या होता है आपका मेरे टमाटर, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो इन टू डी थीटा, इन टू डी थीटा, यस सर। और आ रहे टमाटरों, तो देखो ये बात, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और d थीटा का इंटीग्रेशन जल्दी बताओ, अगर dx का इंटीग्रेशन x है, dy का इंटीग्रेशन y है, तो d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे टमाटर, जल्दी बता दो d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा, यस सर, d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा, और आंसर आपका आ गया, बस खत्म होगी बात। अब व्हाट इज थीटा, थीटा में तो आंसर दे नहीं सकते, तो यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, व्हाट इज थीटा सर, सर ये एक डब्बा बना लेते हैं यहां पे, है ना, तो यहां पे बनाते हैं x किसके बराबर था a sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर है
x by a, तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? साइन इनवर्स ऑफ x by a. तो ये किसके बराबर है? साइन इनवर्स ऑफ x by a. तो थीटा कम्स आउट टू बी, थीटा कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स x by a. थीटा कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स x by a. तो चैट बॉक्स में जय माता दी लिख दे, चैट बॉक्स में जय माता दी लिख दे बच्चों. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर, यस सर. तो बेटा आ रहा है समझ में? जल्दी बताओ मुझे, बड़े बड़े प्यारे प्यारे गुलाबी दिल बना के दे दो, जय माता दी कर दो. अगर नजारे आ रहे हैं तो बता दो फटाफट, है ना? यस सर, यस सर. ओके, कूल गाइस, कूल 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 कूल. जय माता दी, जय माता दी. ओके तो बच्चों, इसी के साथ मेरे नन्हे मुन्ने टमाटरों, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ये सारी वैल्यू आई थी साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, और ए यहाँ पे कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट आ रहा है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय आर. तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक बार आप डाल दीजिए अपर लिमिट. तो आर इंटू बेटा, आर इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह अपर लिमिट डाल दो आर बाय आर, माइनस लोअर लिमिट डाल दो साइन इनवर्स ऑफ जीरो, वो यहां लिख दो आप, है ना? तो अब मेरी बात को ध्यान से देखना, आर बाय आर क्या हो गया, आर बाय आर क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस साइन इनवर्स ऑफ जीरो, साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस साइन इनवर्स ऑफ जीरो. और बेटा मुझे एक बात बताओ, साइन इनवर्स ऑफ वन क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ वन क्या होता है, है ना? अब ये तो तुम्हें आता ही है ना, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, 90 क्या होता है? पाई बाई टू. याद करो मैंने अब तुम्हें बता दिया, है ना? अब ऐसे यूनिट एंगल का, है ना? हाँ, ऐसे यूनिट का क्या कह रहा है बच्चा, है ना? हाँ हाँ, बस हो गया, खत्म हो गया आज का सेशन, कोई इशू नहीं है. एंगल का जो एसआई यूनिट होता है मेरे भाई, वो होता है रेडियन. तो साइन ऑफ 90 जो होता है, 90 इज पाई बाय 2, ये 1 होता है, साइन 90 1 होता है. तो मेरी इस बात को समझो, पाई बाय 2 किसके बराबर हुआ? साइन इनवर्स ऑफ 1. तो ये लिखने का मेथड है ना? तो अगर आप साइन को उधर ले जाओ तो साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या आती है? पाई बाय 2. तो ये वाली जो वैल्यू है ये होगी हमारी पाई बाय 2 माइनस बेटा वो वाली वैल्यू. अब वो किसके बराबर है जल्दी बताओ? साइन ऑफ जीरो क्या होगा? जीरो. तो मेरे ख्याल से जीरो किसके बराबर होगा? साइन को उधर ले जाओ तो साइन इनवर्स ऑफ जीरो, समझ रहे हो? साइन इनवर्स ऑफ जीरो जीरो ही होगा. तो दैट इज पाई बाय टू माइनस जीरो. तो आंसर आ जाएगा पाई आर बाय टू. बेटा एक बड़ी सी जय माता दी चकदे फट्टे वाली स्माइल, बड़ी सी चकदे फट्टे वाली स्माइल. आज हमने सर्कमफ्रेंस का प्रूफ भी सीख लिया है, आज हमने सर्कमफ्रेंस का भी प्रूफ सीख लिया है. यस सर, यस सर. जय माता दी, जय माता दी. डन 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 डन, है ना? यस 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 यस. तो कितना बड़ा बच्चों आज हमने काम किया है. हमने किसी भी कर्व का सोच रहे हो, सर्कल का हमने सर्कमफ्रेंस निकाल लिया, एरिया हमने पहले सीखा, हमने लेंथ निकालने सीख ली, ठीक है? अब बच्चों आपका ये एक छोटा सा जस्ट फॉर योर, ये मतलब होमवर्क भी क्या कह लो, ये होमवर्क भी नहीं है, मुझे इसका आंसर भी मत देना कॉमेंट सेक्शन में, है ना? इट इज जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर योर फन. आई डोंट नीड एन आंसर. इन कॉमेंट सेक्शन में मत लिखना, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा लंबा सा गंदा सा आएगा, ठीक है? तो जस्ट फॉर योर फन यू कैन एंजॉय दिस क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है? करना तुम लोगों ने ही है, ठीक है? वैसे तो मतलब क्या ही है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है बचा क्वेश्चन में. तो आपका एक पैराबोला है, क्या? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है? यू हैव अ पैराबोला, और उस पैराबोला पे एक इंसेक्ट जीरो से चला, एक्स इक्वल टू जीरो से चला, और कहां तक चला गया? एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू टू, है ना? एक्स इक्वल टू टू तक गया. तो ये पॉइंट मेरा 2.0 है, तो डेफिनेटली जब x को 2 डाल दोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, समझ रहे हो? तो ये 2.4 तक गया, एक इंसेक्ट इस कर्व के ऊपर गया 2.4, ठीक है? आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, तो आ जाएगी, मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा, डिस्टेंस पूछा गया है. मेरे भाई समझ रहे हो क्या निकालना है तुम्हें? तुम्हें ये निकालना है, ये डिस्टेंस. तुम्हें पैराबोला की लेंथ निकालनी है, तुम्हें पैराबोला की लेंथ निकालनी है. यस सर, तुम्हें पैराबोला. देखो बेटा मैं वही बता रहा हूं, हम हमारे वेदांतु जेई चैनल बच्चों को बब्बर शेर बनाते हैं. मैं पहले इस बात को मैंने डे वन पे क्लियर किया था, हम चुगुनी बनाते हैं. हम क्या बनाते हैं? हमारे यहाँ के बच्चे क्या है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्या बनते हैं हमारे बच्चे यहाँ पे? बब्बर शेर. एरिया सब निकाल देंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एरिया सबको आता है, इसको dx के साथ x क्यूब बाई 3 एरिया सब निकाल, लेंथ निकालने में बच्चे बब्बर शेर है. यस सर, बब्बर शेर भाई, बब्बर शेर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो ये बिल्कुल बब्बर शेर वाली मूवमेंट है, ठीक है? तो कैसे निकलेगी लेंथ?
आना जल्दी बता दो, चलो कर ही लेते हैं। वाई डैश किसके बराबर आ गया? डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया? 2x के, है ना, x2 का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। और ग्राफ की लेंथ क्या होती है विनय सर? जो लेंथ ऑफ ग्राफ होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट कर दो dx के साथ। 1 प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट कर दो dx के साथ। तो बेटा तुम्हें इंटीग्रेट करना है, है ना, इंटीग्रेट करना है 1 प्लस डेरिवेटिव। नाउ डेरिवेटिव इज 2x, 2x का स्क्वायर कर दो, दैट इज 4x स्क्वायर, और इसे dx के साथ इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 2 तक, इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 2 तक, और ये तुम्हारा डिस्टेंस है, ये तुम्हारा डिस्टेंस है। बस बच्चों यहीं पे छोड़ दो क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व हो गया, क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व हो गया है। यस सर, यस सर, समझ में आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है। बस आप थोड़े से जब बड़े हो जाओगे तो इसका इंटीग्रेशन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये करके दिखाया पिछले क्वेश्चन में, आपको इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने करके दिखाया, ठीक है, ऐसे ही आपको जब थोड़े से बड़े हो जाओगे तो इसका इंटीग्रेशन भी पता लग जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये बड़ा गंदा सा फॉर्मूला होता है, इसे प्रूव भी किया जा सकता है बट अभी नहीं करेंगे। अगर हमें बेटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करना है तो बच्चों बहुत सीधी सी बात है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है एक्स बाय टू इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत गंदा फॉर्मूला है ना, एक्स बाय टू प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में आता है ln of, है ना, प्लस ए स्क्वायर बाय टू, साथ में ये भी टर्म आती है बार, है ना, प्लस ए स्क्वायर बाय टू ln of x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, है ना, ये जैसे ये प्रूफ किया जा सकता है बट अभी नहीं करेंगे ना, क्यों करना है, ट्वेल्थ में करना आराम से जाके, है ना। तो ये जो वैल्यू है ये इसके बाद, ये काफी गंदा गंदा, बट आपने नहीं टेंशन, आपने स्माइल करनी है, टमाटर स्माइल करके दिखाओ, स्माइल करके दिखाओ चैट बॉक्स में, है ना, चैट बॉक्स में स्माइल करके, तुम्हें ये पता है बस ये इंटीग्रेट हो जाएगा आगे, तो आपके सामने अब रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर है, तो देखो ये उसी फॉर्म में आ गया आपका, उसी फॉर्म में आ गया रूट ऑफ, ये समझ लो, यहां से अगर तुम 4 को कॉमन निकाल दो ना, थोड़ा सा तुम यहां पे इसको रीअरेंज कर लो, अगर 4 को बाहर कॉमन निकाल दो, 4 को बाहर निकाल दो तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, 4 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 0 से लेके 2 तक, अंडर रूट ऑफ ये 1 बाय 4 आ जाएगा, 1 बाय 4 को लिख दो 1 बाय 2 स्क्वायर, 1 बाय 4 को लिख दो 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये मेरे भाई आ जाएगा dx, साथ में आपके पास आ जाएगा dx। यस सर, यस सर, जय माता दी। तो ये मेरा बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो उस फॉर्म में आके दे दोगे, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। तो ओके ओके गाइस, सो गाइस गाइस गाइस, कैसा लगा आज का सेशन जल्दी बता दो, है ना। सो दैट्स द एंड फ्रॉम माय साइड, एंड आई होप दैट यू गाइस हैव एंजॉयड इट, एंड इट्स अ रियली रियली इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है, जय माता दी। अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करो, अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया, है ना, बिकॉज देखो बेटा, अगर ये कंटेंट मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, अगर आपको वाकई लगता है यार ये वीडियोस हेल्पफुल हैं, तो एक तो रेगुलर रहो, सेकंड चीज बेटा इसको और भी लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा कि हम ज्यादा बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं। अगर आपको वाकई लगता है यार इस क्वालिटी टीचिंग पे, मतलब अगर किसी का बेनिफिट हो सकता है, अगर लगे तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वी आर वेरी हैप्पी, यू ऑल्सो स्टे हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहो। अगर लगता है कि यार किसी के लिए बेनिफिशियल है, तो बच्चों जय माता दी करके जरूर उसको शेयर करो, उसको बताओ कि इस कॉन्टेंट को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और डेफिनेटली बेटा इंडिया में अब हर बच्चे तक पहुंचना है, इसीलिए यूट्यूब चैनल पर आपके सामने आते हैं, ताकि आपको पता लगे कि इस तरह की चीजें हम यहाँ पे करते हैं। बाकी मेरे टमाटरों, इसके अलावा अगर कोई टमाटर चाहता है और अच्छी तैयारी करना, है ना, ओके, अगर कोई टमाटर चाहता है और अच्छी तैयारी करना, है ना, मेरे टमाटर हो, जय माता दी, जय माता दी। तो बेटा इसका एक और स्टेप है जो आप आगे चल सकते हैं, एंड दैट इज दिस, दैट देखो यार, अगर YouTube से बेटा आपकी प्रिपरेशन X अमाउंट होती है, तो मैं हमेशा ये बात बच्चों बोलता हूँ, पेड प्लेटफॉर्म पे वो प्रिपरेशन 5 गुना और बढ़ जाती है, दैट प्रिपरेशन हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 5 टाइम्स। नाउ व्हाई इट इज 5 टाइम्स, अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटा, YouTube कभी भी एजुकेशन के लिए नहीं बना था, ये बात फैक्ट है, इट इज वन साइडेड शो। आज भी मैं आपके सामने आता हूँ, शो मेजरली वन साइडेड होता है, आपके बहुत सारे डाउट्स आप पूछते हो, बहुत सारे जेन्युइन होते हैं, बट स्किप करने पड़ते हैं, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म उसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर हम हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाएं जहां पे बेटा 5 गुना सपोर्ट ज्यादा है, आपको 5 गुना ज्यादा बेहतर सर्विस मिलेगी, तो उस प्लेटफॉर्म से आपकी निकलने की चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड सिलेक्शन एट दैट प्लेटफॉर्म विल श्योरली बी इंक्रीज बाय 5 टाइम्स, 5 गुना वो आपकी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब मेरी बात को जरा बेटा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको राम राम से करके पॉइंट बताता हूं। तो मेरे टमाटरों, सबसे पहली चीज,
हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं वो काफी इंटरेक्टिव होती है। इंटरेक्टिव का मतलब ये है कि जैसे यूट्यूब पे मैं आपके डाउट्स नहीं ले पाता, लेकिन लाइव क्लास काफी इंटरेक्टिव होगी, वहां पे आपके डाउट्स एड्रेस होंगे ड्यूरिंग क्लास। कैसे? विनय सर बैठे हैं, बहुत प्यारे बंदे हैं। अच्छा जी, विनय सर के साथ बच्चों, विनय सर के साथ चार और मास्टर टीचर्स, मेरी बात को ध्यान से सुनना, विनय सर के साथ चार से पांच टीचर्स और होते हैं जो विनय सर की क्लास में बैठते हैं और वो मेक श्योर करते हैं कि किसी भी बच्चे को ड्यूरिंग दी क्लास अगर कोई डाउट आए तो वो उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें। ड्यूरिंग दी क्लास कोई डाउट आए उसको वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें, मतलब ड्यूरिंग दी क्लास सारे डाउट्स उस बच्चे के सॉल्व कर दिए जाए। तो ही मेक्स श्योर, दे मेक श्योर किसी भी बच्चे का ड्यूरिंग क्लास कोई डाउट ना हो। यहाँ पे आपके बहुत सारे डाउट्स स्किप हो जाते हैं मेरे लेक्चर के दौरान, लेकिन वहां पे आपके सारे डाउट्स एड्रेस किए जाते हैं। इसके अलावा ये मुझे भी सिग्नल दे देते हैं कि सर शायद बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, आप एक बार थोड़ा सा रुक जाओ। अब डेफिनेटली बेटा इनका सिग्नल मैं इग्नोर नहीं कर सकता, यहाँ पे बहुत सारे स्पैमर्स आते हैं, वहां पे कोई स्पैमर नहीं आता, वो हमारे पेड प्लेटफॉर्म के बच्चे हैं, जो बच्चे पैसे देके आएंगे वही उस प्लेटफॉर्म के अंदर होंगे, और इनका सिग्नल तो और मुझे क्लैरिटी देगा कि हाँ यार मतलब बच्चों को काफी दिक्कत आ रही है, तो मैं खुद उस बच्चे का वीडियो कैमरा ऑन करके उससे बात करूंगा। मैं आपको एक फीचर दिखाता हूँ लाइव क्लास का भी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इसके अलावा बेटा ड्यूरिंग दी क्लास, ये तो होगी क्लास के अंदर सारे डाउट खत्म। इसके अलावा बेटा हमारी एक 24/7 डाउट ऐप है। अब डाउट ऐप क्या है, बड़ी सीधी सी बात है, अगर मान लो हमारे कंटेंट के अलावा किसी बच्चे को कोई और कंटेंट सॉल्व करना है, कोई बुक सॉल्व करनी है जिसके सॉल्यूशंस नहीं है, कोई और इंस्टीट्यूट का मटेरियल सॉल्व करना है जिसके सॉल्यूशंस नहीं है, तो उसको किसी भी पॉइंट पे डाउट आएगा ही आएगा, तो वो डाउट्स बेटा हमारी डाउट ऐप के अंदर सारे आपके एड्रेस हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक फोटो खींचनी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे दिखती है। ये लाइव क्लास का एक डेमो है, मैं आपको प्रॉपर इसका वीडियो भी दिखाता हूँ। देखो ये डाउट ऐप का एक्सेस है, आपने सिर्फ कैमरा ऑन करना है, किसी भी बुक के अंदर आप हो, आप उस बुक का स्निप ले लो, ठीक है। जैसे ही आप उस क्वेश्चन का स्निप डालोगे, आपको टीचर्स वहां पे डाउट ऐप पे हैंड रिटन सॉल्यूशंस लिख कर भेजेंगे, अपने हाथ के लिखित सॉल्यूशंस, और तब तक कॉन्वर्सेशन करो जब तक तुम सेटिस्फाई ना हो जाओ, और एंड में बेटा आपको उसका फीडबैक भी देना पड़ेगा। आप सोचिए इस बात को, ऐसा सिस्टम कंट्री में छोड़ो बेटा, ऑनलाइन छोड़ो ऑफलाइन में भी कहीं नहीं है, जहां पे आपके डाउट पे भी फीडबैक है। देखो बेटा टीचर्स बहुत बड़े बन चुके हैं इस इंडस्ट्री में, हमारा उद्देश्य वो नहीं है, टीचर्स अच्छे हैं ठीक है अच्छे बने, लेकिन हमारा उद्देश्य प्राइम जो हमारा मोटिव है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, वेदांतु का रहा है, जो हमारे डायरेक्टर्स का विजन रहा है, बच्चा बड़ा बनना चाहिए। हम तो बड़े हो गए यार, हमने तो कर लिया अपने जीवन में जो करना था, अब तुम्हें बड़ा करना है, तुम्हें शक्ति देनी है, तुम्हें एम्पावर करना है, तो तुम यहाँ पे एम्पावर्ड फील करोगे। तुम्हें डाउट देना पड़ेगा, अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो तो उस टीचर पे क्वेश्चन होगा कि डेफिनेटली ही हैज नॉट गिव यू अ सेटिस्फैक्टरी आंसर, ठीक है। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता रहा था हमारा जो कंटेंट है, ये कंटेंट के ऊपर सुनो, कंटेंट बेटा हमारा दो तरह का है, एक है हमारी इन क्लास असाइनमेंट, हर लेक्चर का एक असाइनमेंट मिलेगा, और उसके अलावा बेटा आपको एक तत्व मिलेगा जिसके अंदर एक बुकलेट होगी और उस बुकलेट में चार एक्सरसाइजेस के हिसाब से क्वेश्चन होंगे। मैं पहले आपको असाइनमेंट दिखाता हूँ, असाइनमेंट कैसे दिखती है बच्चों, इस बात को समझो, असाइनमेंट ना देखने में आपको ऐसी लगेगी, ये नॉर्मल पीडीएफ फाइल नहीं है, लेक्चर खत्म हुआ तो उसकी एक असाइनमेंट मिली, उसके 25 से 30 क्वेश्चंस का एक आपको होमवर्क मिला, आप उस असाइनमेंट में हर क्वेश्चन पे क्लिक करके उस पे जा सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो, उसको रिव्यू कर सकते हो, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे जा सकते हो, और ये आपके लॉगिन में असाइनमेंट पड़ी रहेगी और ये सेव्ड रहेगी, जैसे रियल टेस्ट होता है ना ऑनलाइन का, आपको असाइनमेंट भी टेस्ट की फॉर्म में मिलेगी, और एक साल बाद अगर आपको देखना है आपके कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हैं लेफ्ट हैं, वो सारा आपका रेपोजिटरी सभी सब्जेक्ट्स की, सभी चैप्टर्स की, सभी लेक्चर्स की बनी रहेगी। आखिर के दिनों में बच्चों हमारे पूरे लेक्चर रिवाइज नहीं होते, हमें सिर्फ रॉन्ग और लेफ्ट क्वेश्चन देखने होते हैं, आपका सारा रेपोजिटरी यहाँ पे मेंटेन रहेगा, ठीक है। सो इट इज अ डिजिटल असाइनमेंट, ओके। एंड एट द सेम टाइम बच्चों ये जो मैं बुकलेट की बात कर रहा हूँ, ये जो तत्व है, ये अलग से आपको बुकलेट दी जाएगी, और इस बुकलेट में आपकी बहुत सारी, एक बच्चा मुझे भी चैट बॉक्स में लिख रहा है सर यू आर ओपी, है ना, ये बच्चा लिख रहा है सर विनय सर यू आर ओपी, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, मुझे विनय सर को ओपी नहीं करना, मेरे टमाटर ओपी है, चैट बॉक्स पे लिखो टमाटर आर ओपी, लिखो चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखो टमाटर आर ओपी, विनय सर तो ओपी है, विनय सर को भी पता है, कंपनी को भी पता है, सबको पता है, ओपी तुम्हें करना है, मेरे बच्चे ओपी बनने चाहिए, इसके लिए ये पेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसके लिए ये पेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यस सर बस आदेश रेगुलर रहे, सारी तैयारी हो रही है यहाँ पे चैनल पे, सब तैयारी करवाई जाएगी आपको, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना, जस्ट बी रेगुलर, ठीक है। टमाटर दार ओपी, अब बनी बात, अब तुम सही लिख रहे हो, ठीक है।
तो भाई तुम्हें ओपी बनाना है तो उसके लिए बच्चों ये सारी बातें हैं। इसके अलावा बेटा जो मैं आपको बता रहा था, दिस इज अ तत्व, इट इज अ बुकलेट, इट इज अ ब्यूटीफुल बुकलेट। इस बुकलेट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, आपको ग्रेडेड लेवल पे एक्सरसाइज मिलेगी, बेसिक मिलेगी, एडवांस मिलेगी, प्रीवियस ईयर मेंस मिलेगी, प्रीवियस ईयर एडवांस मिलेगी, और सबसे बेस्ट पार्ट हर क्वेश्चन के साथ क्यूआर कोड है, हर सब्जेक्ट की हर बुकलेट के साथ हर क्वेश्चन के साथ क्यूआर कोड है। आपको डाउट आया आप इसे स्कैन करिएगा, स्कैन करके आपको डायरेक्ट हमारा उसका वीडियो सॉल्यूशन लिंक पे मिल जाएगा, तो आपके सारे बुकलेट के डाउट्स भी हो जाएंगे। तो बेटा मैं ये बात आपको बोलता हूँ, वी आर ऑनलाइन बाय चॉइस, मेरी बात को ध्यान से समझना, इतना इतना काम इतने लेवल का, समझ रहे हो, यहाँ पे इतने लेवल की टैगिंग हो रखी है, हर क्वेश्चन का क्यूआर कोड सभी सब्जेक्ट्स का। आप सोच के देखो बेटा, इतना तगड़े लेवल का काम तभी हो सकता है अगर हम मजबूरी में ऑनलाइन ना हो, हम खुशी से ऑनलाइन हो। हमारे डायरेक्टर्स बेटा 2012 में ऑफलाइन को छोड़ के आ गए थे और उनका एक ही मिशन था कि कंट्री में एजुकेशन अच्छी और कम कॉस्ट पे अगर देनी है तो ऑफलाइन से नहीं हो सकती, वो ऑनलाइन से ही हो पाएगी। तो ये इफेक्ट है बेटा, इस लेवल का कंटेंट बताओ है इंडिया में कहीं पे जहां पे आपको मिलेगा। दिस इज वेदांतु, दिस इज द पावर ऑफ वेदांतु, ठीक है। और इसके अलावा मेरे भाइयों, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो टेस्ट हैं वो ऑल ओवर इंडिया होते हैं। अब बड़ी सीधी सी बात है बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है, वेदांतु आज की डेट में ऑनलाइन में पायो नहीं रहे, कोविड का समय है, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आ चुके हैं। तो आप इस बात को समझो, जब आप अपना टेस्ट एक बड़े सिस्टम के बच्चों में देंगे, आपको डे वन से पता चलेगा आपकी क्या कमी पेशी है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी पर्सनली स्ट्रेटेजीज को डिजाइन कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ऐसी टेस्ट सीरीज जो आपको हर वीकेंड पे मिले, हर वीकेंड आपका टेस्ट हो, हर अल्टरनेट वीकेंड आपका टेस्ट हो, और वो ऑल ओवर इंडिया लेवल की हो, अनमैचेबल। तो बच्चों ये सारी चीजें अगर आपके साथ यूट्यूब के साथ अगर आप पेड प्लेटफॉर्म को बेटा मिक्स कर दो ना, एक हाइब्रिड मॉडल बना लो, है ना, तो आप बेटा सोचो आप किस लेवल पे चले जाओगे और चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड रैंक विल डेफिनेटली इंक्रीज अबाउट, ठीक है। तो ये लाइव क्लास है, मैं इसका आपको एक डेमो भी दिखाता हूँ, ये असाइनमेंट के बारे में बात होगी, जैसे आपको टेस्ट दिया तो टेस्ट में अंदर आपकी सब्जेक्ट वाइज एक्यूरेसी, टॉपिक वाइज, कंसेप्ट वाइज, क्वेश्चन वाइज एक्यूरेसी भी आपको पता लगती है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं उनके बारे में पता लगेगा। और यही वो कारण है बेटा जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, वी आर पायोनियर इन प्रोड्यूसिंग दी ऑथेंटिक रिजल्ट्स, ठीक है। तो चाहे बेटा आप जेई एडवांस ले लो, चाहे ओलंपियाड्स ले लो, चाहे सीबीएसई ले लो, ये जो आपको ऑरेंज बार ग्राफ दिख रहे हैं ये कंट्री के, ये हमारे वेदांतु के रिजल्ट्स हैं, और जो व्हाइट वाले हैं वो हमारे इंडिया के सिलेक्शंस हैं। तो इंडिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हमारा वेदांतु कर रहा है, और ये बेटा बहुत बड़ी बात है। एडवांस में 8.25%, जेई एडवांस सबको पता है हलवा नहीं है, तो उसमें 8.25% सिलेक्शन रेशो किसी इंस्टीट्यूट की इंडिया में नहीं होगी। आप ऑफलाइन में भी देख लेना, 0.1% से ऊपर नहीं है, 8.25%, ठीक है। तो मेरे भाई इसके अलावा मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि इसके अलावा बच्चों आपको मल्टीपल माइक्रो कोर्सेज का भी एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। अब इस बात को जरा समझने का प्रयास करना, इसका मीनिंग क्या है। आप एक लॉन्ग टर्म बैच में तो आ गए, आपने अगर हमारी प्रो मेंबरशिप ले ली, आप एक लॉन्ग टर्म बैच के अंदर आ गए, अब उस बैच के दौरान आपको बहुत सारे और टॉपिक वाइज कोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वेदांतु क्या करता है, वेदांतु ने बच्चों को बेटा बिल्कुल सब कुछ बफे लगा के दिया है। अगर किसी बच्चे को लॉन्ग टर्म कोर्स में आना है वो आए, इसके अलावा बेटा बहुत सारे बच्चे हैं जो वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो सिर्फ हमारे टॉपिक वाइज कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं, गैसियस स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम, लाइव डाउट सॉल्विंग, है ना, ये कोई ब्रिज कोर्स है, ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स है। तो किसी बच्चे को कोई एक टॉपिक का कोर्स पढ़ना है मान लो, तो बेटा आप हमारे अगर बड़े मेंबरशिप के अगर मेंबर बनोगे तो आपके लिए सारे ये कोर्सेज फ्री होंगे। बाकी बच्चे जो सिस्टम से आएंगे, बाहर से आएंगे, उनको वो पे होगा, पेड होगा। और एक एक कोर्स की कीमत मैं आपको बता देता हूँ बेटा 3-3, 5-5 हज़ार होती है। आप इस बात को समझो, आपके लिए सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे टिल योर जेई एडवांस प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये आपको एक एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों जो वेदांतु का सबसे यूनिक फीचर है, आप देखो ईमानदारी और शराफत कितनी ज्यादा है, इंडिया में कहीं आपको दिखेगी नहीं ऐसे, कि हम आपको वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस VIP एक कंसेप्ट लेके आए हैं। अब ये कंसेप्ट आपको ये कहता है कि यार अगर तुम लोगों ने अपनी 75, आप हमारे प्रो के मेंबर बन जाओ, और प्रो के मेंबर बनने के बाद अगर आपने 75% अटेंडेंस रखी, बेटा मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था ना वहां पे भी 80% अटेंडेंस डिमांड करते थे, वेदांतु 75% कह रहा है अगर तुम्हें 75% लाइव अटेंडेंस रखी अपनी लाइव लेक्चर्स के अंदर, तुम आए 75% अटेंडेंस दी, तो हम तुम्हें इंप्रूवमेंट का प्रॉमिस करते हैं, तुम्हारा रिजल्ट पक्का आएगा, ये हम तुम्हें वादा करते हैं, बिकॉज हम इतना कॉन्फिडेंट है हमारे सिस्टम पे, ठीक है ना। और इसके बाद अगर आपका रिजल्ट नहीं आता, आपने 75% अटेंडेंस दी और आपका रिजल्ट नहीं आया, हमें एक मेल डाल देना, आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना, गेट योर कोर्स फीडबैक, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको सारा एज इट इज रिफंड वापस कर देंगे।
जय माता दी बेटा, लिख दीजिए चैट बॉक्स में इस लेवल की ऑनेस्टी ईमानदारी कहीं पे है। देखो बेटा यही सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन की, ऑनलाइन इज ट्रांसपेरेंट। एक है मैं तुम्हें बोलता हूं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, एक है मैं तुम्हें दिखा रहा हूं मैं अच्छा पढ़ाता हूं। अब आप कंपेयर करो ये, है ना, अब आप समझदार हो तो आप इस बात को समझो, ऑनलाइन ने ईमानदारी बढ़ा दी है। कहां आप एक ऑफलाइन में जाते हो, आपके साथ दो साल की फीस इकट्ठी ले लेंगे 3 लाख रुपए, एक साल की भी दोगे तो 1.5 लाख रुपए आपसे ले लेंगे, आपको रेंट भी दे देंगे, आपको पीजी का खर्चा भी पड़ेगा, और उसके बाद आपको ये भी नहीं पता आपको पढ़ाना किसने है। आप सोचो जरा कितना एक्सप्लॉयटेशन है हमारे बच्चों का। ऑनलाइन में ये सिर्फ चीजें खत्म हो गई है, आपके सामने सब ट्रांसपेरेंट है, आपका जो मन है आप कर लीजिए। अब देखिए बेटा, हमारी प्रो मेंबरशिप के भी, प्रो मेंबरशिप के भी तीन तरह के हमारे मॉडल्स हैं। ये जो 4 पॉइंट्स है ना बेटा, यहां तक ये सब में मिलते हैं। अब सुनते जाओ एक एक करके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हमारी जो मेंबरशिप है 4 पॉइंट सब में कवर्ड है, मतलब सब में लाइव क्लासेस मिलेंगी, सब में टेस्ट सीरीज और एनालिसिस मिलेगा, सब में असाइनमेंट्स और नोट्स मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा, तत्व मिलेगी, बुकलेट मिलेगी, और डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग क्लास, क्लास में हमारे मास्टर टीचर्स के साथ अलग से और टीचर्स बैठते हैं जो आपकी क्लास के दौरान डाउट लेंगे। अब अगर कोई बच्चा है, अब ध्यान से सुनना बेटा, अब आपने डिसीजन कैसे लेना है, अब ये आपके ऊपर है, मैं आपको बता देता हूं आपने डिसीजन कौन सा लेना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिनका वेदांतु पे पूरा ट्रस्ट है, आपका पूरा फेथ है, मैं तो कहता हूं मेरा पूरा फेथ है, अब देखो तुम्हारा अगर उस लेवल का फेथ है, अगर मेरे पे ट्रस्ट करके तुम वो फेथ ले लेते हो, तो बेटा तुम्हें फिर ये मॉडल लेना चाहिए। मतलब आप वेदांतु का ही कॉन्टेंट सॉल्व करोगे, वेदांतु की ही असाइनमेंट सॉल्व करोगे, और जो हम आपको बता रहे हैं आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे। हर कॉन्टेंट का सोल्यूशन मिलेगा, हर कॉन्टेंट का क्यू आर कोड मिलेगा, हर कॉन्टेंट का वीडियो लिंक मिलेगा, ठीक है। तो अगर तो आप सिर्फ वेदांतु पे ही रिलाय करेंगे, विच यू कैन श्योरली डू, आई एम टेलिंग यू, बेस्ट स्टूडेंट इन द कंट्री, 12 वर्षों से हूं, कुछ तो तुम यहां पे समझ सकते हो मैं क्यों कह रहा हूं। तो यू गाइज गो फॉर दिस प्लान, दिस इज अ प्रो लाइफ प्लान, ठीक है। अब एक ऐसा बच्चा है जिसको थोड़ा मन है एक्स्ट्रा बुक्स करने का, एक बच्चा है जिसको मन है थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुक्स करने का, मतलब उसे फिजिक्स की अलग से कोई बुक सॉल्व करनी है, केमिस्ट्री को अलग से बुक सॉल्व करनी है, किसी और इंस्टीट्यूट का मटेरियल सॉल्व करना है, तो हमारे कंटेंट के अलावा अगर आप कोई और कंटेंट सॉल्व करना चाहते हो, और डेफिनेटली आप उस कंटेंट को सॉल्व करोगे, तो उसके लिए आपको डाउट ऐप का एक्सेस मिल जाएगा, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा फीचर और मिल जाएगा, विच इज अ डाउट ऐप। अब बेटा मेरी बात को सुनिए, ये उस बच्चे के लिए है जिसको वेदांतु के अलावा और भी 10 जगह का कॉन्टेंट देखना है, आपकी चॉइस है, आपका मन करता है आप देखिए, आपको कॉन्फिडेंस के लिए अगर आपको दिल करता है मुझे करना है, आप श्योरली करो, तो उसके लिए बेटा आपको डाउट्स भी आएंगे। वो डाउट कहां पूछोगे, ऑफलाइन में पूछने जाओगे, 4 डाउट होंगे, 4 घंटे अपने खराब करोगे वहां जाके, 2 डाउट और पूछना भूल जाओगे जब टीचर सामने आके बैठेगा, और उसके बाद फिर बेटा सब गोलमोल, और कई बार तो आपको भी पता है टीचर्स भी डाउट्स को सीरियसली एड्रेस नहीं करते। यहां पे तुम्हें डाउट ऐप पे बस सिर्फ फोटो खींच के डालना है, 15 मिनट के अंदर तुम्हें रिप्लाई आएगा। तो तुम्हें अगर कोई और कॉन्टेंट सॉल्व करना है, तो उसके लिए आप डाउट ऐप लो बच्चों, डाउट ऐप का आपको फीचर मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई बच्चा ऐसा है, प्रो, ये हो गया क्लासिक प्लान, ये हो गया हमारा एक प्लान हमारा और जुड़ गया ये वाला, ये हो गया हमारा क्लासिक प्लान। और एक कोई बच्चा अगर ऐसा है, अब इस बात को ध्यान से देखो, कोई बच्चा अगर ऐसा है, एक प्लस प्लान है हमारा, अगर आपको चाहिए पर्सनल मेंटर, सर ठीक है मुझे डाउट ऐप भी चाहिए, और डाउट ऐप के अलावा मुझे एक पर्सनल टीचर चाहिए, मतलब विनय सर आपको मैं कॉल कर पाऊं, आप मेरा टेस्ट एनालिसिस करके देना, विनय सर आप मेरा ध्यान रखना, विनय सर मेरा शेड्यूल बना के देना, विनय सर मेरा लैग जो खत्म हो गया मेरा वो लैग खत्म करना, विनय सर मुझे स्ट्रेटेजी देना हर 2 दिन बाद, मैं अब क्या करूं, विनय सर मेरे साथ टच में रहना। तो अगर तुम्हें, मतलब ऐसे सोच लो अकेडमिक पिताजी, अगर आपको एक अकेडमिक पिताजी चाहिए जो आपका पूरा टेक केयर करें, आपको गाइड करें, आज ये कर कल ये कर, हर हफ्ते आपसे बात करें, आपका डेली बात करो यार दिन में, आपको डाउट दे, आपको किसी और टीचर से कनेक्ट करना है वो कनेक्ट कराए, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए पर्सनल टेक केयर, तो आपके लिए बेटा प्लस प्लान, ठीक है। सारे प्लान्स ऑसम है, सबकी अपनी स्ट्रेंथ है, सब अच्छे हैं। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो, हमारी तरफ से तो सारे अच्छे हैं, ठीक है। तो आप जिस कैटेगरी के अंदर आते हो आप अपना प्लान चूज करो, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा फाइनल प्राइसिंग आपको क्या पड़ेगी। अगर आप प्रो लाइट लेते हो तो आपको 10% डिस्काउंट के बाद आप विनय सर का कूपन कोड ऑटोमेटिक लग जाएगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, आपको 53,000 में पड़ जाएगा, ठीक है। और ये टोटल फीस है, इट इज बोथ प्लस वन, ये सब इंक्लूडेड है, प्लस वन एंड प्लस टू, ये मत सोचना सिर्फ प्लस वन की फीस बोल रहे हैं, कितनी कम कॉस्ट होगी। मेरे एक बेटा बात बताओ, ऑफलाइन में एक साल की 1.5 लाख होती है, 2 साल की 3 लाख, और अगर पीजी चले गए तो 12 लाख से कम आपकी नहीं होगी बेटा आईआईटी को, तब भी कोई गारंटी नहीं है।
और आप इस बात और बिगड़ने के चांसेस और होते हैं बाहर जाके, और आजकल के कोविड के हालात में वैसी सेफ्टी नहीं है। तो बच्चों आपकी 2 साल की फीस 54,000 है, और 2 साल भी बेटा मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लस वन प्लस टू ये 2 नहीं होते, ये 3 होते हैं, एडवांस तक पहुंचते पहुंचते पिछले साल के बच्चे अभी भी बेटा हम पढ़ा रहे हैं। और तब तक अगर आप ये पे कर दोगे ना, अगर आप ये पे कर दोगे इसके बाद बेटा मतलब आपको टेंशन ही लेनी, सारे माइक्रो कोर्स सारी टेस्ट सीरीज एडवांस तक जितने क्रैश कोर्स करने हैं कर लेना। आप लोगों बाहर वाले बच्चे 10,000 रुपए देके आते हैं, आप सीनियर से अपने पूछ सकते हैं, हमारे आपके लिए सब फ्री है। दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल द एक्सेस ऑफ द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कंटेंट ऑफ वेदांतो। ठीक है, तो मेरे भाई बात हो गई आपकी बिल्कुल क्लियर। दिस इज द प्लान फॉर द स्टूडेंट्स जो आपके सामने है, प्रो लाइट फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं, क्लासिक का फाइनल प्राइस इतना पड़ेगा, और प्लस जिसमें एकेडमिक मेंटर आपको मिलेगा उसका प्राइस। सब प्लान अच्छे हैं, आप देखो आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो। वेदांतो के सिस्टम पे ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो, वेदांतो का कंटेंट से अच्छा कंटेंट एक्चुअली मार्केट में कहीं नहीं है, गो फॉर दिस प्लान। ठीक है, बाकी आप अपनी चॉइस देखो बेटा, अगर आपको लगता है आपको और कंटेंट सॉल्व करना है, आपको डाउट्स का सपोर्ट चाहिए, गो फॉर दिस प्लान। पर्सनल मेंटर चाहिए तो गो फॉर दिस प्लान। हमारे लिए सारे प्लान अच्छे हैं, आप चूज करो आप किस कैटेगरी के अंदर लाइक करते हो। ठीक है, ये बेटा सब्सक्रिप्शन 1 महीने के भी आप ले सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको जस्ट टेस्ट करना है कि यार मुझे ये ज्यादा लग रही है अमाउंट, मैं 1 महीने की सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हूं, तो 1 महीने में आपको ये प्राइस कितने का पड़ जाएगा, 3600 का, ये वाला पड़ जाएगा आपको 4900 का, ये पड़ जाएगा आपको 6000 का। ठीक है, मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं 1 महीने का आप सब्सक्रिप्शन मत लो, क्योंकि अगर आप ये 1 महीना एग्जॉस्ट करते हो और अगले महीने आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो फिर आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो ये वाले आपका जो प्लान है या जो ये जो है आपका, ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाएगी। और थोड़ा सा बेटा लाइफ में एक बात याद रखना, कोई भी काम तब अच्छा होता है जब उसके अंदर ट्रस्ट का फैक्टर हो, है ना। तो अगर आप थोड़ा सा ट्रस्ट लेकर चलेंगे, तो मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, मुझे पर्सनली ये लगता है विद्या से अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है लाइफ में। सेकंड, हर रिश्ते में एक विश्वास होता है, तो विश्वास एक कदम हमने, आप YouTube पे देख चुके हो हमारी क्वालिटी को, अगर आप विश्वास रख के एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हम बेटा पूरी बाजू पकड़ के रखेंगे। कृष्ण जी ने भी सुदामा की मदद तब की थी जब एक कदम सुदामा जी ने उनकी तरफ बढ़ाया था। ठीक है ना, उसके बाद पूरी नगरी सोने की करती थी। तो थोड़ा सा एक कदम आप भी बढ़ाइए, ट्रस्ट रख के ज्वाइन करिए, पूरा कोर्स लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब मैं फटाफट बता देता हूँ लेना कैसे, अब बात होगी बेटा बिल्कुल क्लियर, सारी बातें मैंने आपको बता दी है, लिंक गिवन है। तो आपको मेरे भाई क्या करना है, अच्छा मैं आपको एक ना वीडियो का लिंक दिखा देता हूँ अरविंद सर की क्लास का, इस लिंक को देखिए जरा, लाइव क्लास कैसे चलती है देखो जरा, है ना। ये अरविंद सर देखो गपशप मार रहे हैं बच्चों के साथ, है ना, देखो जरा बहुत बढ़िया गप्पे मार रहे हैं, खुश हैं बच्चों के साथ। अब सर एक क्वेश्चन में ऑप्शंस दे रहे हैं और हर ऑप्शन पे आप अपना आंसर सबमिट कर सकते हो, एक फीचर होता है हॉटस्पॉट, आपने आंसर सबमिट किया, हमें फीडबैक मिल गया कितने बच्चों को समझ में आया कितने बच्चों को नहीं आया, 93% बच्चों को समझ में आ गया। अच्छा अब इस बात को आप समझो, इसके बाद सर अगर किसी बच्चे को डाउट है तो उसका ऑडियो ऑन कर सकते हैं, उसका कैमरा भी ऑन करके उससे बात कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब पे नहीं हो पाता, उस बच्चे का डाउट पूरा क्लियर किया गया क्लास के दौरान। इसके अलावा मेरे टमाटरों सर एक क्विज भी रिलीज करेंगे, एक प्री डिफाइंड क्विजेज होते हैं, बच्चे अपना आंसर सबमिट करते हैं और फिर एंड में उसका लीडर बोर्ड भी दिखाया जाता है कि किन बच्चों ने सबसे पहले आंसर सॉल्व किए। तो बच्चों बहुत सुंदर, बहुत इंटरेक्टिव और अच्छी क्लासेज है, यू शुड नॉट मिस इट, यू शुड श्योरली ज्वाइन इट। अब लेना कैसे है, यूट्यूब पे आ जाओ, ठीक है, यूट्यूब पे आ जाओ। ये विनय सर का, हाँ ये लो, ये विनय सर का वीडियो, ये चाहिए अगले लेक्चर का थंबनेल आ गया, तो आप चैनल पे आ जाओ, चलो और आप चैनल पे आ जाओ। ये विनय सर का लाइव लेक्चर चल रहा है, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आ जाओ मेरे टमाटरों, हाँ इसको लाइक कर दिया करो, हाँ ये बड़े प्यारे बच्चे हैं, खुद ही लाइक कर दिया, ठीक है। और जैसे तुम इसके बेटा डिस्क्रिप्शन के नीचे आओगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के नीचे आओगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे 10%, हाँ ये वेदांतो की सब्सक्रिप्शन का लिंक है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है, और जैसे इस लिंक पे बेटा क्लिक कर देना है आप हमारे पेज पे आ जाओगे। अब देखो वो 3 प्लान लाइट क्लासिक प्लस आपको सारे मैंने डिटेल में बता दिए, ठीक है, 1 महीने के भी ऑप्शन है, पूरा प्लान भी है, आप पूरा प्लान बाय करो, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। आप क्लिक करोगे, आपको अपना लॉगिन डालना है, हमने लॉगिन कर रखा है, तो आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे, कूपन कोड ऑटोमेटिक लग जाता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ क्लिक करना है, ठीक है। और बच्चों ये ऑथेंटिक वेबसाइट है वेदांतो की, तो डरना मत, है ना, कई बच्चे फील करते हैं कि नहीं सर क्या है, इट इज एन, हमारे यूट्यूब चैनल जो है ये वेदांतो का ऑफिशियल चैनल है, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ये ऑफिशियल लिंक है, इस लिंक को क्लिक करके तुम जो वेदांतो की वेबसाइट पे आ रहे हो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आराम से आप क्लिक करके पेमेंट करके कोर्स को फटाफट ज्वाइन करें, ठीक है। और मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मैं अब आपको बता देता हूं, अगर आप ईएमआई बनवा लेते हो ना, ईएमआई भी मल्टीपल बैंक से आईसीआईसी की बनवा लो, आप देखो आप 18 महीने की ईएमआई बना लो, आपको बेटा 3000 की पड़ेगी, 3000, समझ रहे हो, 3000, है ना। तो आप ईएमआई बनवा लो, आपको 1 महीने का भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 3000, सिर्फ 3000 रुपए आप दीजिए, सब्सक्रिप्शन बना के जुड़ जाओ,
आप उसके बाद देखो आपको कैसे, और दोबारा आपको पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी बेटा ट्रस्ट रखो, ये सारी बातें बात की होती है, मेन चीज होता है विश्वास, ठीक है। तो पूरा पे करो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, विश्वास रख के काम करो। विश्वास बेटा सबसे बड़ी अच्छी फीलिंग है, और जिन लोगों के पास बेटा विश्वास नहीं होता ना, उनका जीवन बेकार है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो लाइफ को जीने का तो मजा ही तब है अगर आपको ट्रस्ट है, बिना ट्रस्ट के तो बेटा लाइफ इज यूजलेस, ठीक है। तो चलो बच्चों, मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है, मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया। इसके अलावा मेरी आईडी है vinay.shur@vedantu.com, तुम लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, मुझे कभी भी मेल डाल देना, टाइम एक दो दिन लग जाते हैं लेकिन रिप्लाई मैं पक्का करता हूँ, ठीक है। vinay.shur@vedantu.com, अगर कोई प्रॉब्लम हो इसके अलावा टेंशन ना लेना, आपका भाई यहाँ पे खड़ा है। ये सोच के ज्वाइन करना तुम अपने घर पे आ रहे हो, है ना, हम खड़े हैं यहाँ पे, ये हमारा भी घर है बेटा, आई फील लाइक होम हियर इन वेदांतु। तो आपने भी ये सोच के ज्वाइन करना है, ये आपका अपना घर है, तो आप अपने घर के अंदर एंट्री ले रहे हो, ये सोच के आना, ठीक है। और आपके बड़े भाई बैठे हैं आपको संभालने के लिए, ठीक है, लोड नहीं लेना। यस सर, ओके। कोई बच्चा पूछ रहे हैं मेरे, अभी अभी उत्कर्ष एज ऑफ नाउ, आपको जल्दी आने वाले समय में यू विल सी फ्यू ऑफ माय माइक्रो कोर्सेस बीइंग लॉन्च्ड, है ना, एंड यू विल हैव फुल एक्सेस टू देम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं, ठीक है। और बताओ अभी एनीथिंग एल्स, है ना, जेई डेट्स जब आनी होगी आ जाएंगी यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, जब आनी होगी आ जाएंगी, ठीक है। अभी यार जो तुम्हारे हाथ में तुम करो ना यार, जो हाथ में नहीं उसकी टेंशन क्यों लेते हो, ठीक है। तो चलो यार, मेरे ख्याल से आपकी आगे भी क्लास है अरविंद सर के, है ना, तो अपन क्लास को फटाफट एंड करते हैं। जय माता दी, चक दे फटे, बल्ले बल्ले, चलो एंजॉय करो, टेक अ ब्रेक, विल मीट अगेन, ठीक है। ओके ओके, कोई बच्चा कह रहा है प्लीज स्टार्ट दी क्लास, है ना, प्लीज स्टार्ट, बेटा क्लास खत्म हो गई है, बाय बाय, प्लीज स्टार्ट दी क्लास, देख लो बेटा, अकल देख लो, शाबाश। टमाटर ही हो तुम लोग, चलो बाय बाय, ओके।